इनकी SSBs जो रही हैं भाई, पहले हुए हैं स्क्रीन आउट, फिर से हुए हैं स्क्रीन आउट, फिर से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, फिर से स्क्रीन आउट हुए हैं, फिर से हुए हैं कॉन्फ्रेंस आउट, एंड देन रिकमेंड हुए, फिर रिकमेंड हुए, और उसके बाद अभी क्या हुआ वो ये खुद बताएंगे। ज्वाइनिंग एज अ एज AIR1 इन CDS IIM 154 कोर्स। कैसा फील हो रहा है बना के? बढ़िया हो रहा है सर, प्राउड इस बात का है कि हाँ, सपना पूरा हो गया, जो खुद ने सोचा था वो रैंक हो गया बस पूरा। एक टाइम के बाद मैटर नहीं करती आई थिंक, नहीं सर बट अच्छा तो लगता है यार, है ना? आप वन पे हो, पीडीएफ में नाम ही इतनी बड़ी बात होती है भाई, पीडीएफ में नाम दिख गया तो भाई खुशी अलग ही, सबसे ऊपर दिख गया। अब घर वाले कह सकते हैं कि हमारा बेटा लाखों में एक है। यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हैं टाइमली वो भी आप ही हो, जो दोस्त आए हैं टाइमली जिन्होंने हेल्प करी है दोस्तों ने वो सब आप हो, पति भी आप हो, पत्नी भी आप ही हो, जिस जो शॉप की वो था शॉपकीपर था या फिर जो डिजाइनर था तो वहां पे वो भी आप हो, लेकिन आपका 10 दिन बाद CDS और आप मूवी पेल रहे हो, तीन तीन वेब सीरीज देख रहे हो, के ड्रामा देख रहे हो। सर मैं तो पहले मानता ही नहीं था कि YouTube की वीडियो से भी पेपर क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर वाला, तो हम तो वही थे कि डेली पढ़ना है, डेली डायरी बनानी है। एक बंदा होगा जो लिखेगा कि कोऑपरेशन विद चाइना है ना ब्रिंग्स पीस या फिर ब्रिंग्स ग्रोथ इन सब कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे जहां आपने लिखा कोऑपरेशन वहां आपकी एक क्वालिटी चली गई ऊपर। सो एक ये फर्क आया कि सर मैं बेसिक्स पे तो काम कर रहा था, फिर मैंने CDS जर्नी की क्लासेस ज्वाइन कर ली SSB की, तो वहां से मुझे ये एक क्लैरिटी। दिन मौसी ने जी सर मैं पूरा सिंगल हूँ, हार्ड कोर सिंगल हूँ, जैसे हार्ड कहा कोर रिपीटर होते हैं 16 अटेम्प्ट वाले, विल ऐसा सिंगल हूँ। बी जॉइनिंग एज ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, अ ग्रेट प्रोफेशनल आर्मी। यू वोंट बी रिच, यू वोंट हैव वेल्थ, बट यू विल हैव समथिंग मच बेटर। Respect in the professional army. You will be respected wherever you go. हाय तुषार, जय हिंद, क्या हाल जय हिंद है? सर। मैं बढ़िया सर, आप बढ़िया कैसे हो? बढ़िया। सो यार कुछ बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? पहली बात तो इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं होने वाला, जो टॉपर्स इंटरव्यू देते हैं ना, तो टॉपर अपर तो नहीं है मेरे सामने, ठीक है? यस तो नॉर्मली रहना, तो टॉपर वाला सीन नहीं होगा यार यहाँ पे, ठीक है? सो यहाँ पे यस हम सर यार वो बात करने वाले हैं इस सेंस में कि कोई ऐसा अगर दूर दराज कहीं पे भी कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है, और वो जीरो से स्टार्ट करना चाहता है अपना प्रिपरेशन, उसकी लाइफ में जो भी दिक्कत है, ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस आउट लगातार हो रहा है, स्क्रीन आउट हो रहा है, रिटर्न में फेल हो रहा है, A to Z कोई भी दिक्कत है, ठीक है, एफर्ट डालने के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कुछ भी दिक्कत हो सकती है, तो क्योंकि आई नो यू कि आप सब कुछ हो, ठीक है, हर घाट का पानी पिया है, स्क्रीन आउट से लेके रिटर्न ना क्लियर होने से लेके सब कुछ है, ठीक है, तो उस फॉर्म में उस वे में गाइड करना है। तो स्टार्ट करने से पहले दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा बस। पहली चीज तो यार तुम हो या यार वन, ठीक है, तो सब सुनेंगे तुमको। दूसरी चीज तुम हमारे प्लेटफॉर्म पे हो, ठीक है, अपने प्लेटफॉर्म पे हो, सीरियस डेफिनेटली सुनेंगे फिर जी तुम। सर दोनों चीज को लेकिन ध्यान रखना कि वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, राइट बिकॉज जो सर भी आप बोलोगे, जो भी टॉपर बोलते हैं यूजुअली उसको, जो बच्चे होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज को भी आप बताने की कोशिश करना कि आप में और उनमें अंतर क्या है पर्सनालिटी वाइज, और पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, चूंकि आप बहुत अच्छे से यस बताएंगे सर SSB, राइट? शुरू करते हैं बातचीत फिर। तो यार स्टार्ट करेंगे जैसा आपको पता है अपना सीरियस करने का मेन जो मोटिव है या मेन वैल्यू सिस्टम या बेसिक जिसको बोलते हैं, परिवार, ठीक है, परिवार मतलब अभी अपना परिवार, घर में मम्मी पापा भाई बहन, कल सेना में परिवार, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि यार परिवार के लिए, हमारे मम्मी पापा के लिए हम सब होते हैं या यार वन, ठीक है, हर माँ बाप को अपना बच्चा रैंक वन ही लगता है, ठीक, यस सर तो आप वहां भी रैंक वन हो, आप मेरिट में भी रैंक वन हो, तो मैं वो परिवार का जानना चाहता हूँ मनोदशा क्या रही है उस परिवार ने जिसने देखा है अपने बच्चे को रिटर्न में फेल होते हुए, हर स्टेज पे बाहर होते हुए, उसके बाद मेरिट में टॉप आते हुए, तो परिवार का कितना बड़ा रोल होता है आपके जीवन में, जो उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं उसमें, क्योंकि आज के जनरेशन में हमने देखा यार कि हमको क्या लगता है कि अपन अकेले कमरे में बैठ के पढ़ाई करेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है, सब कुछ खुद को आइसोलेट कर लेंगे तभी पढ़ाई करते हैं, तो कितना बड़ा रोल है खासकर SSB और बाकी उसमें परिवार का।
सर पहली चीज तो मैं यही बताना चाहूंगा कि मैं रिकमेंड हुआ था 20 जुलाई को भोपाल से, जो मेरा पहला रिकमेंडेशन था। अब रिकमेंडेशन के बाद फोन भोपाल में अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, 10 मिनट के लिए मिलता है, लेकिन द मोमेंट आई गॉट रिकमेंडेड, आई द ओनली थिंग आई वॉन्टेड वॉज माई फोन एंड टू कॉल माई फादर एंड मदर। फोन मिला, सबसे पहले मैंने पापा को बताया कि पापा हो गया, फिर वो शांति थी सर 2-3 सेकेंड की। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी हो गया फाइनली। तो फिर वही था कि पापा ने बोला कि चल यार मेडिकल वगैरह पे ध्यान दियो अपने पे, क्योंकि वो खुशी दिखा नहीं रहे थे। लेकिन उस दिन आई स्टिल रिमेम्बर, क्योंकि फोन तो सबमिट हो गए थे 10 मिनट बाद, जब मैंने लैंडलाइन से वहां से कॉल किया अपनी बुआ जी को, तो मेरी बुआ बता रही थी कि मेरी कॉल आने के बाद पापा ऑफिस में थे, शाम को घर गए, घर पे जाके बुआ जी को कॉल करी एंड एंटायर फैमिली हैज क्राइड कम से कम 15-20 मिनट के लिए। तो जब मैं वापस आया, वापस ये चीजें बताई थी मुझे बुआ ने कि मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कोई ऐसी चीज हुई है, फैमिली में से कोई है नहीं ऑफिसर वगैरह, एंड माय फैमिली हैड अ वेरी हार्ड टाइम अभी पिछले कुछ सालों में। सो वो चीजें होती देखी हैं, तो बहुत प्राउड मोमेंट था उनके लिए एंड मेरे लिए भी, क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ, 6th क्लास से मैं 11 साल का था तब से मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो वो बॉन्ड होता है। लेकिन हॉस्टल वाले जो होते हैं थोड़ा डिसकनेक्शन हो जाता है घर वालों के साथ, क्योंकि आप ऐसे एनवायरमेंट में पढ़ रहे हो। अभी भी मैं दिल्ली हूँ तो मुझे फील नहीं हो रहा कि घर जाऊँ, अब घर जाऊंगा मैं। लेकिन कोविड हुआ, कोविड की बेस्ट चीज जो थी मैक्सिमम सबके लिए, हालांकि बहुत खराब था वो कुछ फैमिलीज के लिए, तो मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग था, लेकिन एक जो चीज हुई कि हमें टाइम मिल गया फैमिली के साथ टाइम बिताने का। एंड मैं ग्रो ही शायद कोविड में हुआ हूँ, जो मेरी लूप होल्स थे मैंने कोविड में सुधारे हैं, पर्सनल भी कर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जहां तक बात है, मुझे नहीं लगता घर से बढ़िया कहीं हो सकती है। अराउंड जो करेक्ट पीपल आपकी केयर करते हैं और जिनकी आप केयर करते हो, उनके अलावा आपकी पर्सनैलिटी उस लेवल पे कोई नहीं करवा सकता डेवलप, बिकॉज यू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विलिंगली। वो जो विलिंगली वर्ड है ना, वो एक एक लीडर को डिफाइन करता है। लोग आपके साथ हैं, लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं विलिंगली, दे नॉट यू नो बाउंडेड बाई की योर सुपीरियर, योर मैनेजर आपकी बात नहीं मानेंगे तो उसको पैसे कम मिलेंगे और बाहर हो जाओगे आप, वो नहीं, वो घर पे होती है, हाँ, आप यही केयर कर एक्चुअली रहे हो। यही डिफरेंस है मैनेजर और लीडर में, कि आपको मैनेज एग्जैक्टली नहीं करना है, आपको लीड करना है वहाँ पे। आपको करेक्ट। लीड करना है, आपको बंदों को पुश करवाना है कि हाँ भाई मैं तुम्हारा ऑफिसर हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा लीडर हूं, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हारी कैपेबिलिटीज यहाँ नहीं यहाँ है। सो वो एक होता है, और वो घर पे सबसे बढ़िया इम्प्रूव करी जा सकती है। तो घर वाले तो बहुत खुश थे, अनफॉर्चुनेटली आई गॉट मेडिकली आउट, तो वो खुशी मना नहीं पाए तब। इंट्रो नहीं किया हमने यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि जैसे जैसे ये बातचीत हम आगे करेंगे आप जान जाओगे तुषार के बारे में। ठीक है, तो यार कोई भी कन्वेंशनल इंटरव्यू जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप यहाँ रिलेट कर पाएंगे कि जहाँ से तुषार आया है ना, उस गांव से या उस वैसे माहौल से जहाँ से हम सब हैं, ठीक है, मेजोरिटी हैं, मतलब 99% बोल सकते हो, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे। बताइए। सो वही था कि मेडिकली अनफिट हो गया, तो उसमें भी ये आई मेरी थिंक रैंक सिक्स अच्छी आई अटेम्प्ट थी। था आपका मेडिकली अनफिट या फिफ्थ ये था? वो 5th था सर, और जिसमें मैं AR1 हूँ, अकेडमी ज्वाइन कर रहा हूँ, इट इज माई 6th। ये उसके बाद भी सिक्स मैंने एक SSB दिया है, वो अभी आगे बताएंगे बच्चे था। को। वो बेस्ट सो एसएसबी थी। हाँ वो बेस्ट था, उससे बहुत चीजें रियलाइज मुझे हो गई थी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सो ठीक फैमिली है, इज वेरी हैप्पी सर फाइनली। तो थोड़ा सा इंट्रो अगर मैं खुद बताऊं अगर आपको, तो तुषार ने यार इनके एसएसबी जो रही हैं भाई, पहले हुए हैं स्क्रीन आउट, फिर से हुए हैं स्क्रीन आउट, फिर से कॉन्फ्रेंस आउट हुए हैं, फिर से स्क्रीन आउट हुए हैं, फिर से हुए हैं कॉन्फ्रेंस आउट, एंड देन रिकमेंड हुए, फिर रिकमेंड हुए, और उसके बाद अभी क्या हुआ वो ये खुद बताएंगे। तो ये जर्नी रही है एसएसबी की, एंड रिटर्न का भी कुछ अच्छा हाल नहीं रहा है। पहले बार तो सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ था जीएस में यस या सर, फिर 16 इंग्लिश में, नंबर थे मेरे जीएस जीएस में में, 16 16 नंबर थे। नंबर थे सर। यस सर, मेरा इंग्लिश और मैथमेटिक्स मिला के पेपर क्वालिफाई हो रहा था, मैं नहीं पढ़ाया था ना मेरे उस 100 साल, जिस साल 16 नंबर थे नहीं भैया तुम्हारे। नहीं, आपसे पढ़ लिया होता हो जाता पहली बार में। ठीक है, बट ये 16 नंबर हैं, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट किया, देखो यार मैं अगर थोड़ा सा हमें बताऊं, वैसे तुषार आपको बेटर बताएंगे, एसएसबी आपको ये नहीं देख रही है कि हाँ यार आप स्टार्टिंग से कितने ब्रिलियंट हो, या आप लाइफ कितनी अच्छी है, आप कितने अच्छे हो, दे आर लुकिंग फॉर दैट इम्प्रूवमेंट, कि अगर आप गिरे हो ना भाई नीचे, तो उसके बाद आपने क्या किया। अब बंदा अगर 16 नंबर पे है, कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है, उसके बाद बंदे ने 162 ला दिया,
162, उसके बाद AI अर्बन आ गई, तो भाई दैट शोज ना कि बंदे ने क्या किया है। ठीक है, ये नहीं सोचना इस टाइम पे जो लोग जिनके नंबर कम आ रहे हैं कि तुम्हारी AI बना जाएगी, क्योंकि हम सोच लेते हैं उसके लिए मेहनत। ठीक है, और ये भी नहीं सोचना कि अगर आपके क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका नहीं होने वाला। ठीक है, दोनों चीज़ें, सिर्फ मेहनत, अच्छा प्योर मेहनत। बताइए। सर, पहली चीज तो चलो मैं ब्रीफ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपना। दे हाँ, सो आई एम दो तुषार, एंड स्कूलिंग मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय मोटू का फरीदाबाद से करी है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन के लिए करोड़ीमल कॉलेज आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहाँ पे मैंने KMC में ही NCC भी करी है, एंड उसके बाद फिर ड्रॉप था पर्टिकुलरली फॉर द CDS ड्यूरिंग माई कॉलेज। आई वॉज गिविंग NDA अटेम्प्ट टू ज्वाइन NDA, क्योंकि वही था मेरा इनिशियल सपना, तो कि NDA ज्वाइन करना है, गेटिंग ट्रेन फ्रॉम देयर और कमीशन होना है। तो फौज तो बेसिकली शुरू से था आफ्टर 12th, लेकिन NDA निकला नहीं। और एक बार निकला, उसमें आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम भोपाल। उसके बाद कॉलेज मैंने इतना खराब कर लिया था, मेरे आई गेस 51% चल रहे थे पहले 2 ईयर्स में, एंड 3 बैकलॉग थी मेरी। उसमें से 2 मैंने पेपर दिए नहीं थे, जानबूझ के छोड़े थे कि यार आई वॉज नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट कि क्या होगा, तो मैंने छोड़ दिए। फिर कोविड आ गया। कोविड में मैंने टीचरों के साथ मिलके, दोस्तों की हेल्प लेके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको चीटिंग करनी है तो हो जाओगे, OB हुए थे हमारे, लेकिन उसमें भी आपको फिर बच्चों के साथ रहना पड़ता है। 75 नंबर का एंट्रेंस बेसिकली रिटर्न होगा उसमें, एंड प्रैक्टिकल एंड आपके जो अटेंडेंस वगैरह के मार्क्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स होते हैं, वो तो टीचर टीचर के हाथ में ही है। सो मिल मिला के मैंने कुल 63% कर लिए थे स्कोर, बैक्स मेरी क्लियर हो गई थी। एंड स्कूल में आई वॉज कंप्लीट बैक बेंचर, प्रॉपर बैक बेंचर टिल माई 11th। कौन से वाले, कौन से पढ़ाई वाले, थोड़ा उसमें भी काफी कैटेगरी होते हैं, टीचर को परेशान करने वाला है ना सर टीचर। मैं कर्स्ड हूँ, मुझे शाप दिया हुआ है सर ने, इतना मैंने परेशान कर दिया था। सो 12th में मैंने सुधारा अपने आप को। उससे पहले तो मैं कोई होश ही नहीं था कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, लाइफ में कोई गोल था नहीं। बट हाँ, अच्छी चीज ये थी कि जिस चीज को करा है वो पूरी शिद्दत से करा है, फिर पूरी मेहनत करके करा है, एंड सीखता रहता था चीजें, अपने आप को जानना तो मैंने बहुत बाद में शुरू करा। लेकिन जो चीज मुझे रियलाइज हुई वो ये है कि अब कि कोई भी काम कर रहे हो तो ढंग से करो उसे, आप खेल रहे हो तो अच्छे से करो, एंजॉय करके करो, और सबसे बड़ी बात जो आप जिस ग्रुप के साथ हो उसके उसको मिला के रखो, बस उसको कनेक्ट करके रखो, उसको एक दूसरे के लिए चीजें करो, तो आप बहुत अच्छी बहुत जल्दी चीजें सीख जाते हो। आप अकेले करने बैठोगे, मैंने अभी बताया कि जब सिलेक्शन हुआ था सबसे पहले फैमिली चाहिए थी मुझे, फिर मैंने दोस्तों को कॉल करा। अब नहीं होंगे प्राउड करने वाले लोग तो सक्सेस का कोई करेक्ट, फायदा नहीं। एग्री। सो वो है कि फेल हुआ, फिर रिटर्न्स में फेल हुआ, फिर SSBs में फेल हुआ, इतना फोबिया है बाहर SSB का। इवन आई यूज टू हैव सेल्फ डाउट्स कि यार मेरा एप्टीट्यूड जो है वो आर्म फोर्सेस के लिए बना भी है या नहीं। एक पर्सनैलिटी टेस्ट मैंने दिया था ऑनलाइन कि मैं देखता हूँ मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या उसमें बन आ गया था गया उसमें, एडवोकेट एडवोकेट वो इंस्टाग्राम वाला फिल्टर कि ऐसे लगा के क्या बनना है वाले, उसमें क्या वो था वाला था। भैया, नहीं, उसमें क्या था कि 40 क्वेश्चन थे और आंसर करने थे, और मेरी पर्सनैलिटी आई एडवोकेट। अगर यार ये क्या है, बनना तो फौजी है। बट फिर इम्प्रूव करते 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 करते, हर कमी को ओवरकम करते करते, कमियां अभी भी हैं और अभी भी ओवरकम कर रहा हूँ और करूंगा आगे, कमियां सब में होती हैं, लेकिन वही है कि आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है आपके प्रति। यू एक्सेप्ट दी फेलियर्स एंड मूव ऑन, आप हमेशा ऊपर देखते हो, इवन आप सक्सेस भी हो गए तभी भी आप ऊपर ही देख रहे हो। सो यस, दिस वॉज ऑल। अभी तो फिर लास्ट टाइम आई गॉट रिकमेंड इन जुलाई, आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 3rd इन NCC स्पेशल एंट्री फिफ्टी एनसीसी, टू राइट? यस, एंड ओके, दिस टाइम आई वॉज रिकमेंडेड फ्रॉम कपूरथला, 31 SSB कपूरथला, एंड ज्वाइनिंग एज AIR 1 इन CDS IIM 154 कोर्स। कैसा फील हो रहा है बना के? बढ़िया हो रहा है सर, प्राउड इस बात का है कि सपना पूरा हो गया, जो खुद हाँ, ने सोचा था वो रैंक हो गया बस पूरा। एक टाइम के बाद मैटर नहीं करती, आई थिंक। नहीं सर, बट अच्छा तो लगता है यार, है ना? आप वन पे हो, पीडीएफ में नाम ही इतनी बड़ी बात होती है भाई, पीडीएफ में नाम दिख गया तो भाई खुशी अलग ही, सबसे ऊपर दिख गया। अब घर वाले कह सकते हैं कि हमारा बेटा लाखों में एक है। करेक्ट, एग्जैक्टली, राइट। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो था बेसिक, और ये बातें हम करेंगे बिकॉज कुछ जो डाउट जो हमने खुद अपनी जर्नी में भी देखे हैं, जब मैं भी दे रहा हूँ SSB या रिटर्न में, उसमें जो मुझे मिला है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम जो मुझे डाउट्स
बहुत ही कॉमन डाउट्स आते हैं, ठीक है, उन्हीं सब के बारे में बात करेंगे, जो मिसकंसेप्शन एक बन रखा है एसएसबी को लेके खासकर, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विथ यस सर। रिटर्न, ठीक है, तो आप बेसिक से बताएंगे। तो जैसे आपकी स्कूलिंग रही है फ्रॉम नवोदय विद्यालय, ठीक है, तो तब तो इतना हमें एक्सपोजर मिलता नहीं है कि हाँ यार सीडीएस क्या है, एनडीए क्या है। पहली बार कब आपने स्टार्ट की इसकी प्रिपरेशन, कौन सा वो मोमेंट था, और जब आप सर ये प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करने वाले होते हो तो ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं कि हाँ यार ये बुक पढ़ो, ऐसे करो, ये पेपर बड़ा टफ है, किसी भी इंस्टाग्राम के कमेंट में अगर बच्चा चला जाए वहाँ है जीएस ने ले ली, जीएस ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो एक जो ये सारे डाउट्स, ये सारे पिक्चर एक बंदे के मन में होते हैं, तो वो कैसे आपने उसे डील किया या कैसे आपने स्टार्टिंग की थी अपने प्रिपरेशन की? सो सर, प्रिपरेशन बेसिकली मेरी जो मैं स्कूल से पास आउट हुआ था 28 मार्च 2018 को, एंड 2018 में जो पहला एनडीए था, जो मैंने पहला एनडीए दिया था, वो था आई गेस 24 अप्रैल 2018 को। तो तैयारी का टाइम मिला नहीं, लेकिन वही था, हमें टीचरों ने बता तो रखा था कि एनडीए एग्जाम होता है, उसमें ये आता है, पाथफाइंडर भी इवन हमारी लाइब्रेरी में थी और मैंने इशू भी करवाई थी, लेकिन वो इतनी चीजें थी उसमें, और क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी नहीं किसी भी चीज की, ना इंग्लिश की, ग्रामर बहुत बेकार थी, मैथमेटिक्स एडवांस था तो मैथमेटिक्स भी था, लेकिन रिटर्न में एक जो सॉल्व करने का तरीका होता है और आपको बेसिकली जाना होता है क्वेश्चन को करने के लिए, वो अप्रोच जो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, खासकर मैथ्स जैसे क्वेश्चन में। एंड जीएस में सर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, एलिमिनेशन मेथड हो गया, कॉमन सेंस हो गया, अपना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना हो गया, और फिर हो गया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करवा रही है, ऑब्वियसली बात है स्टेटमेंट बेस्ड एक लाइन के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं। करेक्ट। तो इतनी सारी चीजें थी, नहीं आई समझ में, फिर हमें पहला रिटर्न हुआ, नहीं निकला, फिर ये हो गया कि यार निकला नहीं, अब क्या करें, अब कॉलेज आ गए, कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो थोड़ा वहां पे कैजुअल एटीट्यूड आ गया कि चलो कॉलेज है अब तो निकाल ही देंगे, हाँ बच्चे हैं ये हैं, बहुत बच्चे तैयारी कर रहे थे। फिर करी मैंने तैयारी वही आधे मन से, क्योंकि आलस आता था पढ़ने में उस टाइम पे, थोड़ा सीरियस बिहेवियर था नहीं, आलस आता था, फिर करी तैयारी, फिर नहीं निकला, फिर अगला दिया, फिर नहीं निकला, फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन किए सर से, एक नीरज मैसला सर हैं, उनसे मैंने क्लासेस ज्वाइन करी, वहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर आप किसी सही टीचर को फॉलो करते हो, ही विल डेफिनेटली मेक यू ऑल दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर, वो मेक श्योर करेंगे कि आप सारी चीजें समझ जाओ, एंड जब आप कॉन्सेप्ट एक बार हो गए क्लियर आपके किसी भी सब्जेक्ट के, ये सारे सब्जेक्ट के लिए ट्रू है, तो फिर उसके बाद ये होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसको रिवाइज करना, मतलब आप एक बार टाइम दो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कोई भी सब्जेक्ट हो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसके, और फिर जो आ रखे हैं, जो अभी ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, अब तो या तो वो आप खुद एनालाइज कर लो या फिर आप टीचर से पूछ लो, बेटर रहता है कि आप टीचर से पूछो, क्योंकि उसने जो भी वो टीचर है उन्होंने रिसर्च ऑलरेडी करी होगी उस बेसिकली एग्जाम की, करेक्ट। तो ये होता है, ये मुझे वहां से समझ में आया। और फिर मैंने जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ एनडीए से, मैंने वही करा कि चलो टीचर को फॉलो करते हैं और उनको ट्रस्ट करते हैं, उनके कंटेंट को ट्रस्ट करा, उस टाइम पे कोविड हो गया था तो मैंने उस टाइम पे क्लासेस ली और फिर अच्छे से हो गया, लेकिन जीएस के लिए अभी भी कैजुअल एटीट्यूड था मेरा, वो मैथ्स और इंग्लिश मैंने अच्छे से पढ़ ली थी सीडीएस की, लेकिन जीएस के लिए कैजुअल एटीट्यूड था कि यार 20 नंबर ही तो लाने हैं, पेपर तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन फिर ये चीज और मैंने बाद में सही करी कि कैजुअल एटीट्यूड से पेपर नहीं निकलता कभी भी, कि अब बस क्लियर करना है, खासकर लड़कियां जो प्रॉब्लम फेस करती हैं वो यही है कि इंग्लिश चलो अच्छी होती है लेकिन जीएस में वही नंबर कम आते हैं उनके, यार 40-45 आपको स्कोर करने पड़ेंगे जिस लेवल का कंपटीशन आपके लिए है उस एग्जाम में, सो ये एक चीज होती है कि वो छोड़ो जो जैसा भी है ना, दूसरा होता है फिर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना, कि अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप मैथमेटिक्स का टारगेट ही ज्यादा नंबर का लेके चलो, कि मैं तो 80-85 स्कोर करूंगा, अगर गलती से कुछ होता है तो आपके थोड़े कम आ जाएंगे, 75 आ जाएंगे, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग है। कितना टारगेट मैथ्स में? 80-85। यस सर अच्छा, इतने में दो लड़के पास आते हैं हमारे। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे, बिकॉज लेवल का भी आई थिंक डिफरेंस होता है। आपके लिए लेवल है 80, ठीक है, किसी और के लिए लेवल वो कम होगा, तो उस पे हम आएंगे। बताइए। वही सर, कि स्ट्रेंथ से अपने खेलना होता है, अब मेरी तो मैथमेटिक्स थी लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत स्कोरिंग है, अब बस एक बार ग्रामर पढ़ लो, आप एक बार वो तरीका जान लो सॉल्व करने का क्वेश्चंस को, इंग्लिश में आप इजीली स्कोर कर सकते हो, तो करेक्ट। इंग्लिश को छोड़ना, इंग्लिश में 40-45 नंबर स्कोर करना वो पाप है, अब वो वहां तो फिर टारगेट और होने ज्यादा होने है, नहीं वाला भाई, 40 नंबर में आपका किसका होने ही नहीं होगा वाला फिर,
फिर तो यस, कुछ भी तो करो। इंग्लिश को पढ़ना, उसको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना आपने, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, फिर जीएस है सर, जीएस में पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स होते हैं। पर्सनली शायद आपने भी अब हिस्ट्री पहली बार पढ़ा रहे हो, मैंने कभी नहीं पढ़ी, ना मैंने इको पढ़ी ना मैंने हिस्ट्री पढ़ी। मैं क्या करता था, साइंस बैकग्राउंड है अपना, 9th 10th की साइंस आती है, वो पढ़ ली, पॉलिटी पढ़ ली पूरी, पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज्योग्राफी पढ़ ली, ज्योग्राफी फिजिक्स है ह्यूमैनिटीज की, बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी, वो पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स भी अब चैनल आपको बना के दे रहे हैं, डिवोटेड बंदे आपको बना के दे रहे हैं कि भाई ये भी खीर खा के चले जाओ और आप ठीक है, कर तो लोगे इसी पे क्लियर। मेरा मेरा क्वेश्चन इसी पे ये है कि देखो राइट नाउ आप बैच को के हो, तो बैच का नहीं बताना ठीक है, बैच में जो लोग हैं उनका क्या करना है वो मैं हूँ उसके लिए, वो तो उनका धुलाई अच्छे से हो रही है ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि आज के दिन अगर ये इंटरव्यू कोई भी दूर दराज कहीं पे भी कोई भी बंदा देख रहा है जिसको हमारे बारे में नहीं पता, या जिसको खुद से करना है, और मैंने खुद ही कई बार बोला है, तुम एग्री भी करोगे कि यार ऐसा पेपर है कि खुद से हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से बहुत आराम से, यस सर, यूट्यूब पे इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है, ऐसे बहुत टीचर हैं 15 20 25 मिल जाएंगे जो ऑलरेडी उन चीज़ों को पढ़ा रहे हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बैच को अपने साइड में हटा के कोई बंदा जो खुद से तैयारी कर रहा है, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, कैसे वो अपनी तैयारी स्टार्ट करे सब्जेक्ट वाइज, कि अगर उसको करंट अफेयर पढ़ना है तो कैसे करे ठीक है, डेली पढ़े, न्यूज़पेपर फॉलो करे, कैसे करे। दूसरा अगर साइंस है, एनसीईआरटी क्या पढ़े क्या ना पढ़े ठीक है, टाइम लिमिट है, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल आने वाला है सीडीएस हमारा 4 महीने, 3.5 महीने यस मान सर, लेते हैं, अभी से उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। और एक बड़ा ये कन्वेंशन है जो मुझे पर्सनली एज अ टीचर फील होता है कि यार हम टारगेट करते हैं कि यार अभी मेरा पेपर है अप्रैल में, हमने पढ़ना स्टार्ट किया, अप्रैल वाले के लिए वो जो क्रैश कोर्स कोचिंग सेंटर्स लाते हैं ना, क्रैश कोर्स 15 दिन 20 दिन वाला, तो उसमें पढ़ के क्या होता है, चलो मान लो ये वाला क्लियर हो गया, लेकिन फिर आगे के क्लियर नहीं होते आने वाले सीरियस वगैरह, तो वो राइट सर, एग्जैक्टली अप्रोच क्या हो। और अगेन ये नहीं बताना कि हम क्या करते हैं भाई, वो दुनिया जानती है, आपको बताना है कि खुद से कोई बंदा कैसे कर सकता है। सर पहली चीज़ तो कि सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप करोगे तो आप कोई भी पेपर निकाल दोगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि यू हैव गॉट लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर अ पर्टिकुलर एंट्री, बी करेक्ट इट आपका सीडीएस, बी इट आपका एनडीए, कुछ भी हो, आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिले हैं। दूसरा कॉम्पिटिशन बहुत है, 2 2.5 लाख बंदे पेपर दे रहे हैं, 6 6.5 हज़ार का निकलता है पेपर, सो यू कैन नॉट यू नो गो इन दैट। बेसिकली आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं चीजों का, कि मैं ये पढ़ के देख लेता हूँ, ये पढ़ के देख लेता हूँ, यहां से पढ़ लेता हूँ तो पेपर निकल जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, वो सेल्फ स्टडी काम आएगी, ये मेरा परसेप्शन है जो मैंने बाद में सीखा, क्योंकि मेरी भले AIR 1 आ गई हो, मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज से, ये मैं बहुत पहले कर सकता था, मैं अभी अकेडमी में होता, ट्रेन हो रहा होता, सिर्फ रीजन ये है कि मैं एक्सपेरिमेंटिंग में लगा रहा, कर ली मैंने चीज, लेकिन टाइम ज्यादा लग गया फिर। सो बेसिकली मैंने जो सीखा है इस जर्नी में कि सेल्फ स्टडी मस्ट है, वो तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। इवन अब भगवान से पढ़ लो, है ना, आप ब्रह्मा जी से पढ़ लो, वो भी आपको समझा देंगे चीजें, लेकिन आप भूल जाओगे यार, मेमोरी इज डिजाइंड इन अ पर्टिकुलर वे, वो आप भूल जाओगे करेक्ट चीजें, आप नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आई बिलीव कि आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर को पकड़ो, है ना, उनका वो अब आपके ऊपर है कि आप YouTube से पढ़ रहे हो या फिर आप उनका कोर्स ले रहे हो, इफ यू कैन अफोर्ड कोर्स। और मैं तो समझता हूँ कि देखो एनडीए का जमाना था पहले जब ऑनलाइन नहीं था, जब बंदे 15 15 20 20 हज़ार की कोचिंग लेते थे एनडीए की, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन ने सब सस्ता कर दिया, फोन इजीली अवेलेबल है, अब ऑनलाइन में बस आपको खुद रोकते हो, आप आपके डिस्ट्रेक्शंस रोकते हैं, पैसा इज नॉट अ बिग इशू। आप कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चैनल या फिर कोई भी डिवोटेड प्लेटफॉर्म पकड़ो एंड एनरोल योर सेल्फ इन टू इट। आप पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आओ सारे सब्जेक्ट्स की, फिर आपको ये समझ में आएगा कि यार ये चीज मेरी स्ट्रेंथ है या फिर ये मेरी वीकनेस है। जैसे किसी किसी को ज्योग्राफी आती नहीं है समझ में, किसी को इंग्लिश नहीं आ रही, किसी को मैथ्स नहीं आ रही, जब आप पढ़ोगे सारी चीजें, और ऐसा नहीं आप रोज मैथ्स पढ़ रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ रहे होगे चीजें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, प्लस आप ऑर्गेनाइज हो अपनी लाइफ में, अब आपको पता है कि ये टाइम तो मुझे पढ़ाई को देना ही है, ठीक है, आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले आए दिमाग में, अब कॉन्सेप्ट्स का एक बढ़िया वो है, फायदा क्या है कि वो निकलते नहीं है दिमाग से, आप भले ही वो स्टैटिक पॉइंट भूल जाओगे लेकिन कॉन्सेप्ट विल बी देयर। अभी भी कोई अर्थ मुझे प्रेशर बेल्ट बनाने के लिए दे, मैं बना दूंगा,
कौन मुझे सा ये पता है क्यों वाला? बनती है, वो स्टर्ली वाली? एस्टर लीज ये सब मैं यही बोलता हूँ इनको कि बनाओ खुद से तभी याद होगा वो, वरना ऐसे तो नहीं है तो भाई। बहुत बनाता बार बनाई है भाई, मेरी सर ड्राइंग कितनी बेकार है, मैं फिर ही बनाता हूँ इसीलिए। ड्राइंग ठीक इसकी सही नहीं होती सर, बस ये है कि आप है, करोगे तो आपको हो जाएगा वो, राइट। वही तो आप मल्टीपल बार रीडिंग, वही एक चीज है कि तभी यस आप कर पाओगे मोस्टली। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ गई, अब आपका काम बचता है वो रिवाइज करना। आपने नोट्स बनाए हैं या फिर आपने एनसीईआरटी हाईलाइट करी हैं या फिर आपने मैथ्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्रिक्स हैं या फिर कुछ भी है वो आपने लिखी है, आपको उसको रिवाइज करना है एंड सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सीडीएस के लिए जैसे मैं क्या फॉलो करता था कि मैथ्स के लिए जो सीडीएस में क्वेश्चन आए हैं मैंने पिछले 5 या 8 साल के पूरे पेपर सॉल्व करे हैं। वो नहीं होता कि ये नहीं हो रहा तो छोड़ दिया, मैंने दिमाग लगाया उसमें एक एक क्वेश्चन में 10 10 मिनट 15 15 मिनट, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है मुझे वो पकड़नी थी। सो वो करे हैं मैंने, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो तो करे ही हैं, वो भी करे हैं, फिर कैट लेवल के क्वेश्चंस भी कुछ करे हैं, फिर इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए आपको प्रीवियस ईयर आप पाथफाइंडर उठा लो उसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं, फिर दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है या फिर आजकल तो जो टीचर्स हैं वो भी अपने क्वेश्चंस कंपाइल करके देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो प्रिंट निकलवा लो, उनको सॉल्व करो एंड फिर आपका लास्ट में बचता है मॉक टेस्ट देना, कि फिर लास्ट में जब 1 महीना रह गया पेपर के लिए मॉक टेस्ट दो और वही आपका जो लेवल होगा ना, मॉक टेस्ट सिर्फ आपका लेवल दिखाता है प्रिपरेशन का आपके, अगर 160 बन रहे हैं तो आप ये लगा लो कि आपके आपके 160 के करीब ही आएंगे पेपर। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, रिविजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक्स, ये 4 चीजें हैं जो हर किसी को दिमाग में रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, बीट आपका कोई भी हो, कैट ही क्यों ना हो या फिर आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, कुछ भी हो। राइट। सो जैसे अगर यस इसमें मैं बात करूं सीडस की, अगर बात करें, वैसे जो चीजें बताई हैं आपने हर एग्जाम के लिए ट्रू हैं, ठीक है। अगर आप फोकस नहीं हो तो फिर कोई एग्जाम नहीं होने वाला। तो सीडस की जो डिमांड है, अगर मैं सब्जेक्ट वाइज आपसे पूछूं, जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के आते हैं ठीक ठाक 15 से 20 क्वेश्चन सीडस में, और एनडीए में भी इतने आते हैं, तो करंट यस अफेयर्स कैसे करें? क्योंकि मान लो अभी 6 महीने का हम पढ़ते हैं, ठीक है, 6 महीने 7 महीने का करंट अफेयर्स पेपर में पूछे जाते हैं, उसको अप्रोच कैसे करना है? सर, मैं तो पहले मानता ही नहीं था कि YouTube की वीडियो से भी पेपर क्लियर हो जाएगा करंट अफेयर वाला, तो हम तो वही थे कि डेली पढ़ना है, डेली डायरी बनानी है, तो वो ग्रंथ हो जाता था पेपर तक एनडीए के लिए। तो काफी सारे चैनल्स हैं जो डेली वाइज करंट अफेयर पढ़ाते हैं, सीडीएस के लिए मुझे वो यूजफुल नहीं लगता कि आप इतना टाइम दो, आप वो जो 1 घंटे आप डेली वीडियो देख रहे हो वो आप कहीं और दे सकते हो, वो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो, आप इंग्लिश के रिवीजन के लिए दे सकते हो, वो आप जनरली अवेयर रहने के लिए दे सकते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो अच्छे अच्छे तो आपको जियोपॉलिटिकल नॉलेज हो जाएगी, आपको जो अभी देश में चल रहा है वो उसकी नॉलेज हो जाएगी, वो आपको हेल्प करेगी इन जनरल भी इन एसएसबी भी, लेकिन एसएसबी के सॉरी रिटर्न के करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आपका चैनल है, आप अब मैगजीन भी शायद प्रोवाइड करने लगे हो, आपके ग्रुप में आती है और हाँ वो अभी फ्री है सबके लिए, आप ग्रुप में डालते हो तो उसमें आपकी बेसिकली सीरियस जर्नी की पूरी फैमिली है, जिसको पढ़ना है भाई पढ़ लो, है ना, वो बहुत कंपाइल्ड है। और मैंने फील करी है चीज की जब आपकी वीडियोस हो गई और एक इनसाइट एसएसबी चैनल है उसकी वीडियोस हो गई, तो मैं क्या करता था व्हाइट पेपर पे उसे आधा मतलब बीच में से पेन चला लिया, दो उसके सेक्शन बना लिए और बहुत छोटे छोटे नोट्स में जो आप पूरे उसमें लिखते हो ना छोटे छोटे नोट्स में लिखता था एंड हर 7वें दिन या फिर हर 5वें दिन मैंने रिवाइज करे वो नोट्स हो गए, हर 5वें दिन रिवाइज कर रहा हूँ, हर 5वें दिन रिवाइज कर रहा हूँ, फिर राइट। एसएसबी में दो तीन चीज जब मैं वहां जा रहा हूँ रिटर्न के लिए तो दो तीन चीजें कैरी करता था, एक आपके नोट्स हो गए वो और अपना एक आध खाने पीने की चीजें और अपने एडमिट कार्ड, तो मुझे जीएस के पेपर से पहले सिर्फ वही रिवाइज करना है और कुछ नहीं। सो नोट्स अभी बहुत क्या हो गया इम्पोर्टेंट है है, कि राइट। अभी क्या हो गया है कि बहुत मतलब डेडिकेटेड चैनल्स हैं, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई एक दो आप पकड़ लो अगर आपको लगता है कि भाई कोई भी, ठीक से नहीं हो हाँ रहा सब यहाँ कुछ। पे ये चीज़ मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी वो चीज़ कर रहा हूँ, तो मैं, मेरे को क्लियरली पता है वो चीज़, ठीक है। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था यार, तो मैं भी डेली ही करता था, ठीक है, मेरी डायरीज अभी बनी हुई है, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, आपका, अगर वो मैनेजेबल है, तो आप डेली करो, उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं, ठीक है। वो आपको हेल्प करेगा, बट अगर आप केवल, आपका टारगेट है करंट अफेयर्स में बात कर रहा हूँ, केवल अगर रिटर्न है, तो उसके लिए आपको 1000 सोर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं, इनसाइट हो गया, बहुत सारे पेज हैं, ठीक है, आप किसी को फॉलो कर लो। भाई मैं तो कितनी बार ये सब चीज़ें बोली हैं कि एज अ स्टूडेंट आपका काम है कि आपको जहाँ बेस्ट मटेरियल मिल रहा है, फ्री मिल रहा है भाई, या अगर थोड़ा अमाउंट देके भी मिल रहा है, ठीक है, देन उसको लो और यूज करो, खत्म। राइट रही बात राइट एसएसबी का, जो आप बोल रहे थे एसएसबी का करंट अफेयर्स, एसएसबी में जैसे करंट अफेयर्स है वो, आई थिंक जनरल अवेयरनेस इज कहना उसको बेटर होगा एज कम्पेयर टू करंट यस सर अफेयर्स,
कि वहां पे वो ये नहीं राइट पूछने वाले, और करंट अफेयर्स है यार आपको जज नहीं करने वाले। अब कल अगर वहां पे भाई हम चाइना को पेल रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान को पेल रहे हैं, तो उस टाइम पे राइट थोड़े ना करंट अफेयर सुना के जाओ, तभी आगे सामने से गोली आ जाएगी, करंट अफेयर नहीं काम आएगा ना। तो वो डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके SSB का, बट जनरल अवेयरनेस इज डिफरेंट देन करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जी ये चीज जब आगे हम SSB के बारे में बात करेंगे थोड़ा वहां पे विल डिस्कस, ठीक है। बट वही है कि वो वर्थ नहीं है उस चीज की। मैं तो कह रहा हूँ जो चैनल्स की वीडियोस आती हैं वही पढ़ लो आप मैगजीन, आपका अगर लगता है कि यार ये तो हेक्टिक हो रहा है, नहीं अब चैनल की वीडियोस देख लो, मेरे तो उससे ही स्कोर हुए हैं। मेरा GS का स्कोर सर 39-40 हो गया था। उसका रीजन सिर्फ ये है कि मैंने मतलब लिमिटेड NCERTs पढ़ ली थी, क्वेश्चन राइट प्रैक्टिस कर ली थी और आपके करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे, दैट्स इट। उसमें मैंने 39-40 स्कोर कर लिया। अगर मान लो मैं हिस्ट्री भी पढ़ लेता और इको भी थोड़ी सी पढ़ लेता और क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सी और ऊपर लेवल की हो जाती, 50 आ जाते मेरे। ओके। सो ये तो चीजें हो गई करंट अफेयर्स की, जैसे कैसे करना है, ठीक है। हमको करंट अफेयर्स के अलावा जो एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है GS में, ठीक है, वो है हमारा कहीं ना कहीं साइंस। 30 क्वेश्चंस के करीब आता है, उसके लिए कैसे तैयारी करें? सर पहली चीज मुझे समझ में आई जब मैंने ढंग से पढ़ी NCERTs कि 9th एंड 10th की NCERTs आर मोर देन इनफ। जो जो 12th वाला 11th वाला थोड़ा पोर्शन आता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया है ना, वो जो चीजें आती हैं वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में समझ में आएंगे। तो साइंस के लिए आप 9th और 10th की NCERTs फॉलो कर सकते हो, उनमें जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट कर लो, इवन नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, गिव देम अ रीडिंग। और अगर कोई आपको NCERT से ही पढ़ा रहा है एक्सप्लेन करके चीजें, तो उससे बढ़िया चीजें क्या हो सकती हैं, वो आपको पता होगा कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखना है पेंसिल से ऊपर लिख लो, कोने में साइड में लिख लो, उसके बॉक्सेस से क्वेश्चन आते हैं, वो ग्लेशियर वाला बॉक्स बना हुआ है एक ज्योग्राफी में, उससे क्वेश्चन आ गया था कि कितना परसेंटेज वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे। सो ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। फिर नेवर स्किप बायो इफ यू हैव बीन फ्रॉम बेसिकली नॉन मेड बैकग्राउंड, तो हम क्या करते हैं बायो को स्किप कर देते हैं, बट 9th 10th की बायो बहुत इजी है और उससे क्वेश्चन आते हैं बेसिक बेसिक। तो साइंस के लिए क्या 9th 10th की NCERTs इन तीनों पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, ओके। उसके बाद सर वही बचता है। सो ये मैं सम अप कर रहा हूँ अभी तक जो आपने बताया। रिटर्न की पहले हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके लिए बता रहे हो जो फिलहाल बैच में नहीं है और मतलब खुद से पढ़ रहे हैं। और मैंने ये बात कई बार बोली, आज सामने आके बोल रहा हूँ, ठीक है, फेस दिखा के पहली बार, कि भाई यू डू नॉट नीड माई बैच और एनी वन एल्सेस बैच टू क्लियर दिस एग्जाम, ठीक है, खुद से पढ़ के आपका हो जाएगा। वो हम भी करते हैं अभी यूट्यूब पे, ठीक है, वो बाकी टीचर्स भी करते हैं, आप कहीं से हेल्प लो आपका हो जाएगा, बस ये बिलीव रखो, ठीक। तो वही सेल्फ स्टडी के लिए तुषार आपको बता रहे हैं चीजें। पहली चीज करंट अफेयर के लिए उन्होंने बताया कि वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है, आपके पास अगर बहुत टाइम है दिन भर में तो आप पढ़ सकते हो डेली, कुछ बुरा नहीं है भाई उसमें। लेकिन अगर ये आप पूछो कि क्या जो हम मैगजीन हम दे रहे हैं या कोई भी चैनल है या वीडियोस जो कर रहे हैं, क्या वो इनफ है? मोर देन इनफ है भाई, ठीक है, मोर देन इनफ है वो चीजें, तो करंट अफेयर का कोई पंगा ही नहीं है। उसके बाद साइंस जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके लिए NCERTs, 9th एंड 10th क्लास के NCERT, एंड देन फिर जो आप किसी का भी यूट्यूब रेफर कर सकते हो, जो क्विजेस वगैरह होते हैं, जो टेस्ट होते हैं बिफोर एग्जाम, राइट, ठीक है। तो इसके बाद पॉलिटी और ज्योग्राफी अगर दो और हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? सर पॉलिटी के लिए जो मुझे बेस्ट लगती है वो तो लक्ष्मीकांती है। कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपको पढ़ने से समझ में नहीं आएंगी, तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो आप यूट्यूब से किसी भी बंदे से समझ सकते हो, वो किसी भी टीचर से। लेकिन पॉलिटी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल बहुत डीप लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो एक बार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। आप भले ही 6 महीने दो प्रिपरेशन को, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत टाइम तक रहेंगे और आप एक पेपर गया फिर सारे पेपर निकालते चले जाओगे साथ ही साथ। सो लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एंड फिर अगेन वही सर क्वेश्चन प्रैक्टिस बचता है करना। ठीक है। फॉर ज्योग्राफी 11th की 2 NCERTs हैं, फिजिकल एंड आपका एक वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है फिजिकल एंड इंडियन के लिए है वो, फिजिकल एंड इंडियन, हाँ इंडियन फिजिकल फिजियोग्राफी कुछ ऐसा नाम है उसका, एंड राइट। एक है जो फिजिकल ज्योग्राफी है बेसिकली अर्थ की पूरी। तो वो 2 NCERTs तो मस्ट है पढ़नी ज्योग्राफी के लिए, वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इतनी बढ़िया देते हैं। फिर कुछ चीजें हैं जैसे जो 12th की NCERT से आती हैं, कोल माइंस हो गई हमारी, और आपका कैसे डेमोग्राफी बनती है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो
अब पूछी जाती हैं, मतलब उनसे राइट क्वेश्चंस तो कम आते हैं लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट तो आप वहां से वो सर्टेन टॉपिक्स पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्टैटिक वाला पोर्शन पता चलेगा कौन सा पूछा जाता है, लाइक पोर्ट्स हो गए, माउंटेन रेंजेस हो गई, उनका ऑर्डर हो गया, और आपके न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हो गए, उनका ऑर्डर हो गया, नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ हो गया, फिर ईस्ट टू वेस्ट हो गया, जैसे भी है। सो वो जब चीजें आप स्टैटिक वहां देखोगे, और आपने एनसीईआरटी में भी वो पढ़ी है चीज, है ना, तो वो आप फिर बाद में अलग से पढ़ सकते हो और नोट्स बना सकते हो कहीं पे भी एनसीईआरटी के पीछे, या फिर कहीं पे भी नोटबुक में वो रिवाइज करो, उससे हो जाएगा। प्लस जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं उसमें वो एक्टिविटीज भी लिखी होती हैं कुछ, कि अंडमान निकोबार के बारे में ये सर्च हाँ, करो, तो पूरा उसमें जैसे पढ़ोगे आ मैं जाएगा ट्वेल्थ समझ में, में। जैसे मान लो कि उसमें ना एक्चुअली डिटेल्स होती हैं, जैसे मान लो ट्वेल्थ के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में लिखा होगा कि हिमालयस क्या होते हैं, ठीक है, बैरन लैंड्स क्या होते हैं, फॉरो लैंड्स क्या, फॉरो लैंड क्या होता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं, और यहाँ से वो पिक करता है, क्योंकि यहाँ से वो ये भी टेस्ट कर रहा है कि आप कितने अवेयर हो। और अगर आप यस सर, इस चीज़, चलो हम तो एनसीईआरटी से करते हैं, ठीक है, वो एवरीवन नोस, ठीक है, बट अगर आप खुद से ही पढ़ रहे हो, तो अगर आप, मैंने एक सेल्फ स्टडी वीडियो बनाई थी, वहां मैंने आपको बोला था कि ये वो पर्टिकुलर बुक्स हैं जो आप चाहो तो रेफर करोगे, और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है। और ऐसा कुछ टाइम लिमिट ऐसा नहीं है भाई, 4 महीने अभी हैं, ठीक है। और हाँ, ये एक बड़ा डाउट होता है कि यार तुषार, अभी पेपर होने वाला है हमारा, मान लो अप्रैल में, SSB यस मेरी सर, उसी के आसपास आ गई, फिर अगला पेपर भी जाके सितंबर में है, फिर अगला फिर से AFCAD भी साथ में चल रहा है, मतलब पूरे साल बच्चा जो है वो बिजी रह रहा है कहीं ना कहीं अपने इस पूरे साइकिल में। और अगर एक साइकिल उसका गड़बड़ हुआ, एक पेपर क्लियर नहीं हुआ, SSB में बहुत उम्मीद थी नहीं हुआ, मेंटल लेवल पे उससे फर्क पड़ेगा, और फिर चल रहा है पूरा साइकिल, उसमें फंस गया वो, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, रिटर्न फेल हो रहा है, तो इससे कैसे बाहर निकले, इसके कैसे डील कर रहे हैं। यस सर, ये मतलब बहुत सही चीज़ पूछी है आपने, एक बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि एक लूप चलता है, हर एग्जामिनेशन का सबका लूप चलता है ना। कुछ एग्जाम्स हैं जो दो दो तीन तीन साल में एक बार होते हैं, बट CDS के साथ ऐसा नहीं है, वो पक्का है साल में 2 बार होगा। अब क्या होगा, आपका मान लो फेबररी से स्टार्ट करते हैं, फेबररी में एफकेट हो गया, फिर अप्रैल में CDS होगा, फिर CDS हो गया, उसके बाद आपकी एफकेट की SSB आएगी, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक कभी भी ले सकते हो। एक उसकी हो गई, मान लो आपने स्पेशल एंट्री कर रखी है, एनसीसी कर रखी है सी सर्टिफिकेट से, उसका SSB जुलाई या जून में होगा, फिर उसके बाद ये खत्म होगा तो आपके अगेन एफकेट और CDS तैयार हैं अगस्त में और सितंबर में, दो वो हो गए। फिर आप अगस्त में अगर CAPF भी आपका है टारगेट, आप वो भी दोगे, फिर जो आपने पहले वो दिए थे, पहला CDS दिया था उसका SSB भी आएगा, फिर इन दो के SSBs आएंगे, फिर अगेन स्पेशल एंट्री का SSB आएगा। इतनी सारी चीजें चल रही हैं। अब अगर आपका बैकअप SSC CGL भी है और CPO भी है, तो आपको उनके लिए भी पढ़ना है, वो जब भी निकलेंगे साल में वो भी देने हैं, तो करेक्ट इतनी सारी चीजें हो जाती है मैनेज करने के लिए। और वही कि ये साइकिल कैसे मैनेज करनी होती है, उसका एक ही सॉल्यूशन है भाई, टाइम आपको देना पड़ेगा। वो चाहे वो बंदे टू बंदे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम देना पड़ रहा है। हो सकता है किसी को 4 महीने लगे, हो सकता है किसी को 6 महीने लगे, आपके लेवल पे डिपेंड करता है, लेकिन टाइम दो, एक बार दो। उसमें भले ही आप एक बार सीरियस मत दो, अगर आपका ज्यादा वो रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, आप भले ही मत दो, बट देना होता है कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, आपको मॉक वाली फीलिंग आ जाएगी, आपको पेपर वाली फील आएगी। उस टाइम में आप किसी की मत सुनो, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो या फिर खुद पढ़ रहे हो, वो टाइम देते रहो, आपको खुद पता लगने लगेगा कि हाँ यार मेरे पास अब कंटेंट हो चुका है, काफी काफी चीजें ना यहाँ जा चुकी है मेमोरी में। फिर उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो लेवल का असेसमेंट होगा, मार्क्स दोगे तो लेवल का असेसमेंट होगा। तो आपने एक बार तैयारी करी CDS की, अब टेक मी दिस इन रिटर्न, अगर आपने एक बार तैयारी करी है, आपको दोबारा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एकदम रिवाइज करना है वो 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले। ये जो जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 है, आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ 1 महीने की तैयारी करी। तैयारी क्या थी, नोट्स उठाए अपने, रिवाइज करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, दैट्स इट, ये तैयारी थी। करेक्ट सो ऐसा कुछ नहीं है मैंने वो 2 सालों से करी थी, बस वो जब 162 आए थे तो तैयारी अच्छी हो गई थी। राइट। एंड पता है, इसका एक जो जो मेरे बैच में भी आते हैं ना, मैं उनको सिंपली बोलता हूँ, भाई तुमने अगर एक बार नोट बना लिए ना, तो यार तुमको कहीं भी दोबारा किसी भी पेपर के लिए, या किसी भी टीचर से, या कहीं भी दोबारा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। या ये चीज़ सबके ऊपर अप्लाई होती है, अगर आप कहीं भी एक बार जाके पढ़ रहे हो किसी भी टीचर से, आपने वो नोट्स अच्छे से बना ली, आपने उसको एक बार अच्छे से पढ़ लिया, 3 महीने 4 महीने लगा के, दिल लगा के, ठीक है, बस उसके बाद, बस हर पेपर के बाद आपको ब्रशअप करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, बस यही। इसका एक भैया फायदा पता है क्या होता है, कि अब ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा ही CDS की तैयारी में लगे रहोगे। मान लो आपके बैकअप हैं CAPF,
तो सीएपीएफ डिमांड्स डिफरेंट, यू नो उसको डिफरेंट, उसमें आपको सेक्शन में वो चाहिए एक्सपर्टीज, आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी अच्छे लेवल पे, आपको जीएस थोड़ी डीप लेवल पे पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स आपको कम पढ़नी पड़ेगी। फिर मान लो आप टारगेट कर रहे हो एफकेट, तो उसका सिनेरियो थोड़ा अलग है, वो भले इजी है लेकिन अब उसमें भी ज्यादा स्कोर करना है ना। तो आप नहीं कर सकते कि सीडीएस की तैयारी में ही लगे हैं कि हर बार सीडीएस के लिए 4 महीने की तैयारी, नहीं। आप मान लो एसएससी सीजीएल बैकअप है, उसके लिए आपको उसके लेवल के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसके पैटर्न से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यू कैन नॉट अफोर्ड यू नो गिविंग एवरी 6 मंथ्स फॉर एवरी सीडीएस, नो दैट्स मतलब यूजलेस है वो चीज, वो सेंसलेस है। एक बार तैयारी करो हो गया, बस रिवीजन फिर आपका कहाँ साथ देगा। सो ये एक चीज होती है, मैनेज करने का तरीका है। सेम इज विद एसएसबी, अब हम हर बार थोड़ी ना एसएसबी की कोचिंग लेते फिर हो गए, एक बार हो गई बेसिक्स पे काम हो गए, एंड उसके बाद अब बस वही कि जो मेंटेलिटी है, जो मेंटल प्रिपरेशन होती है एसएसबी की, थोड़ा पेन एंड पेपर पे प्रिपरेशन होती है, वो करते रहो फाइन है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि यू आर प्लानिंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हाँ भाई 2 महीने बाद मेरे पास ये होगा, 2 महीने बाद ये टारगेट है, 4 महीने बाद ये टारगेट्स हैं। आप प्लान कर रहे हो, आप अकॉर्डिंगली अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज करोगे, आप अकॉर्डिंगली अपना जो टाइम है उसको यूज करोगे, प्लस कोई अगर आपको नई चीज करनी है अब वो भी करोगे। तो आप मैनेज कर रहे हो अपने आप को, आप ऑर्गेनाइज्ड हो दिमाग से भी और एनवायरमेंट से भी। सो ये भी पर्सनैलिटी के लेवल पे चीजें इंप्रूव होती हैं जब आप ऐसे प्लान करके चलते हो चीज। करेक्ट, ठीक है। तो ये तो रिटर्न की बातें थी, हिस्ट्री आपने पढ़ी नहीं है क्योंकि आप उस दौर से हैं जब हम हिस्ट्री पढ़ाते नहीं थे, बट तब भी राइट क्लियर सर, होता है पेपर ना, है ना, बिना हिस्ट्री के बिल्कुल भी। सर, इस बार होता है क्योंकि सर, छह 40 नंबर महीने आए हैं मेरे। हाँ ठीक है, क्योंकि इस बार यार 6 महीने थे तो इस बार हिस्ट्री हम कर रहे हैं, अगले बार पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। बट मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, जो हम बिलीव करते हैं इस चीज़ पे कि भाई मिनिमम रिसोर्स आपका हो और उसको मैक्सिमम बार रिवाइज करो। पेपर में यार आप वही टिक कर पाओगे जो आपको याद आएगा। अगर आपने बहुत रिसोर्स अपने सर पे रख लिया, ठीक है, आपको याद ही नहीं आएगा कि यार इसका ये था ये था, क्योंकि आपने दोनों पढ़ा हुआ है, राइट। तो पेपर क्लियर करना अगर एम है आपका, तो ये चीज़ है कि आपको रिसोर्स कम करना पड़ेगा और उसको फिर मैच करना पड़ेगा आपके टाइम से कि आपके पास टाइम कितना है। अब जैसे इस बार अगर अभी 4 महीने हैं, तो 4 महीने में अभी भी आप वो सारी चीज़ें स्क्रैच से अगर आप शुरू कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो है आप ये क्वेश्चन हर प्लेटफॉर्म पे पूछते रहते हो ना कि क्या पॉसिबल है क्लियर करना, क्या पहले अटेम्प्ट में पॉसिबल है, राइट, क्या मैं पिछली बार फेल हुआ, क्या अब करना पॉसिबल है, तो इन सब का आंसर जो तुषार होता है वो क्या है। और एक बड़ा इसमें डाउट आता है कि सर मन नहीं होता, मोटिवेशन की कमी है, 2 दिन पढ़ के फिर छोड़ देते हैं, राइट, टीचर कोई पढ़ा रहा है तो 2 दिन क्लास में आएंगे, तीसरे दिन टेस्ट दे दिया टीचर ने तो फिर भाग जाएंगे, राइट। तो एक लैक ऑफ मोटिवेशन जो कि बड़ा बहुत कॉमन है बच्चों में, ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहते, ठीक है, करना हर कोई चाहता है, स्टार हर कोई चाहता है भाई, दोनों तरफ लगे बॉल में सब चाहते हैं, जो तुम चाहते हो वही सब चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन यार वो एक चाहत है, मतलब चाहत इतनी ज्यादा है लेकिन मेहनत उसके लिए कम है, तो इससे डील कैसे करें, कैसे इंप्रूव करें। सर पहला क्वेश्चन तो कि क्या पहले अटेम्प्ट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप राइट टाइम पे, देखो राइट टाइम पे राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड इन राइट डायरेक्शन, विद प्रॉपर डायरेक्शन अगर आप लगाते हो तो आपको कभी भी कोई भी चीज मिल सकती है। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो नहीं, मतलब उनको उन्होंने बहुत बाद में डिसाइड करा कि फौज ज्वाइन करनी है, लेकिन बहुत जल्दी कर दिया पहले और दूसरे अटेम्प्ट में, बिकॉज डायरेक्शन सही मिल गई। निगम है सर, आएगा, निगम आया मैं अभी मेरे साथ बात करता हूँ, 32 है ना उसका रैंक, थर्टी उसका टू उसका है, 31 है, 31 है थर्टी सर। वन है यार, था तो आएगा वो, पहले दूसरे अटेम्प्ट में वो ओटीए निकाला, आया मैं निकाला, भाग गया एकेडमी। पहले में उसका भी आया मैं नहीं निकला था, लेकिन उसने फिर वो चीज इंप्रूव करी और अगला आया मैं भी निकाल दिया। सो बेसिकली पहले अटेम्प्ट में पॉसिबल है, दूसरे में भी पॉसिबल है, वो डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन कैसी है, फिर आपका एफर्ट राइट टाइम पे है और राइट डायरेक्शन में है और राइट क्वांटिटी में है। ये चीजें जब होंगी एक साथ आपको कुछ भी मिल जाएगा, पहला। दूसरा कि आप कह रहे थे कि मोटिवेशन कई बार कम हो जाता है और बंदे जो है लो हो जाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते चीजों को हाँ, कुछ भी लेके। चीज़ प्रॉब्लम, देखो ऐसा नहीं है कि दो तरीके की यहाँ भी होता है लैक ऑफ मोटिवेशन, एक तो होता है आलसी ही है, ठीक है, वो उनको शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, उनको है कि कोई लाके बस स्टार लगा दे, चाहे एक तरफ लगा दे लेकिन लगा दे, ठीक है। कुछ तो ऐसे वाले हैं, उनका तो कोई इलाज है नहीं भाई, लेकिन कुछ इनका जनरल प्रॉब्लम होता है कि यार घर में माहौल अच्छा नहीं है, ठीक है, वी ऑल नो की तैयारी मेजोरिटी वही लोग करते हैं जिनके घर में फाइनेंशियल इतनी सही चीज़ नहीं है, ठीक है, एक दिक्कत वो है। दूसरा पर्सनल लाइफ में भी लगी बड़ी होती है, कोई छोड़ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है, इस वाली, ठीक है। तीसरा एफर्ट डालने के बाद भी फेलियर मिल रहा है,
कि आप मेहनत करके तो जा रहे हो एसएसबी में, लेकिन फिर भी मेहनत मिल आपको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो ये जो लोग हैं कैसे इनसे डील करूं? सर आपने जो लास्ट में मेंशन करा कि मेहनत करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो देखो सोल टारगेट तो आपका पेपर निकालना है या फिर वो रिजल्ट लेना है। इसका मतलब तो सिंपल सा ये है कि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं थी। अगर आपको लगता है कि मैंने तो जी जान लगाई थी है ना, और तैयारी करी थी, तो आपने टाइम सही टाइम पे तैयारी करी है और फिर भी नहीं निकला, तो डायरेक्शन गलत थी। पहला तो ये। दूसरा ये होता है कि सर जैसे आप तैयारी कर रहे हो तो आपका हर दिन सेम नहीं होगा। वो ऐसा नहीं है कि कोई पीजी में रह रहा है उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता। मेरे बहुत दोस्त तैयारी कर रहे हैं, अभी पीजी में रह के कर रहे हैं, घर से दूर होके कर रहे हैं, और मैंने घर पे रह के तैयारी करी है, और मैं बाहर भी रहा हूँ, पीजी में भी रहा हूँ, मेरे से पीजी में नहीं हुआ क्योंकि मैं डिसिप्लिन नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आप यहाँ से बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो, आप यहाँ से डिसिप्लिन हो, वो सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात होती है। अगर आप यहाँ से हो तो डजेंट मैटर आप कहाँ पे हो, आप घर पे हो, आप पीजी में हो, है ना, आप अगर खुद से डिसिप्लिन्ड हो तो आप करोगे चीजें, आप खुद से करोगे चीजें। और जब तक खुद से नहीं होती तो आप कोई आपको कुछ नहीं करवा सकता। घर वालों के बोलने से मैं कभी नहीं पढ़ा, और ऐसा बच्चों के साथ होता है। सो वही है कि आपको खुद डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। आप किसी भी सिचुएशन में रह रहे हो, इट डजेंट मैटर, बैकग्राउंड वगैरह नहीं करती एक टाइम के बाद मैटर। अब हम मैच्योर हो चुके हैं, अब हमें मतलब मैं तो ऐसे देखता हूँ कि इफ यू वॉन्ट बी अ ग्रेड ए ऑफिसर तो आपको मेंटेलिटी भी उस लेवल पे लेनी पड़ेगी, अपनी ले जानी पड़ेगी, आपको ग्रोथ भी उस लेवल पे ले जानी पड़ेगी। भाई आप एलीट ऑफ द एलीट्स की टीम के साथ अब काम करोगे, जो एलीट ऑफिसर्स हैं इस कंट्री के, ग्रेड ऑफिसर्स, आप उनके साथ काम करोगे, तो यार आपको, आप नहीं हो सकते ऐसे, आप कैजुअल एटीट्यूड नहीं चलेगा वहां पे, है ना। करेक्ट. लैक ऑफ मोटिवेशन नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, लेकिन फिर वही आती है। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि नेवर मिस अ थिंग ट्वाइस। अगर कोई भी चीज हुई आपके साथ तो आप उसको कैसे देख रहे हो भाई, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो सेम ही चीज को, है ना। कुछ गलत हो गया, आपने 2 दिन पढ़ाई नहीं करी, तो क्या आप उन 2 दिन का इफेक्ट जो अगले 4-5 दिन पे आने देते हो, अगर वहीं से फिर कि नहीं यार 2 दिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन मैं शुरू करूंगा, भले ही कम से शुरू करो, लेकिन वो होता है कि आपने वो इफेक्ट जो है वो कम कर दिया, वो आगे नहीं जाने दिया। सो ऐसे डील करना होता है। कोई भी मान लो कोई भी लैग आया, या फिर कोई भी फेलियर आया, या फिर कोई सक्सेस भी आई, आपका रिटर्न निकल गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता भाई मैंने तो अब खत्म है जिंदगी, खत्म सब कुछ। सो हर केस में आइए, एक्सेप्ट एवरीथिंग, बी इट फेलियर, बी इट आपका सक्सेस, एंड लुक अहेड कि हाँ भाई यहां से आगे कैसे, यहाँ पे आगे, यहाँ से आगे क्या, और यहाँ से आगे क्यों। वो तीनों चीज आप देखोगे ना तो आपको डिमोटिवेशन हो, या फिर आपका जो फेलियर का जो होता है कि भाई डाउट होता है, सेल्फ डाउट, वो सब निकल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है क्यों कोई चीज करनी है, कैसे करनी है, क्यों करनी है। और जिस टाइम आप करने लग गए तो कुछ भी मिल जाएगा। सो ये है कि काम तो करना पड़ेगा अपने ऊपर। हाँ, मतलब अगर वो चीज़ चाहिए यार तो फिर वो चाहिए, फिर उसके लिए तो मतलब अगर जितनी भी बातें आप यहाँ बता रहे हो तुषार कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ये चीज़ें तब स्टार्ट होती हैं जब वो बेस आपका है कि हाँ भाई करना है, ठीक है, वरना कोई बिल्कुल घर सर, आके तो आपको उठाने नहीं वाला, सिंपल सी बात है, राइट. और बिल्कुल मोटिवेशन बड़ा खोखला सा मुझे लगता है, ठीक है, क्योंकि यार ये कोई वैसा एग्जाम नहीं है भाई जहाँ पे आप सुबह उठ के नौकरी जा रहे हो, 9 बजे शाम को 5 बजे वापस घर आ रहे हो, ठीक है, 24/7 जॉब है भाई आपकी. सामने अगर वहां पे आपको गोली चलानी है, आप थोड़ा डर तो सबको लगेगा, ठीक है, तो वहां तुषार का वीडियो को नहीं दिखाएगा, देखो यार ये AIR1 था, इसने ऐसे तैयारी की थी आप गोली चला, राइट. तो वो चीज तो आप में लानी पड़ेगी ना वहां से, करेक्ट. तो ये मोटिवेशन वाला बड़ा डाउट या फैक्टर होता है कि नहीं हो रहा है मन आज पढ़ने, और वो भी इन माई ओपिनियन थोड़ा बहुत चलता है कि अगर आपने मान लो बिल्कुल 4 दिन सर, पढ़ाई की है, 5 दिन पढ़ाई की है, आप छोड़ दो एक दिन, इतना पुश मत करो, लेकिन फिर वो प्लान्ड हो अपने हिसाब से कि यार मेरा पेपर 4 महीने में है, मैं लास्ट के 1 महीने रिवीजन के लिए रख रहा हूँ, बाकी 3 महीने में मैं ये चीजें पढ़ने वाला हूँ, ऐसे प्लान करने वाला हूँ, तो फिर वो प्लानिंग है, तो आप ऑफ लो, बीच में ब्रेक्स लो, सब कुछ चलेगा. लेकिन अगर आप ये बोलो कि कोई आके कोई वीडियो आप देख लोगे, कोई इंटरव्यू देख लोगे, उससे मोटिवेट हो जाओगे, तो वो सीन नहीं होने वाला, ठीक, ओके. तो ये बात इसमें थी. सर या इसमें प्लीज. एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बहुत सही बात करी। मैं भी ना एक दिन एक वो पढ़ रहा था कोट कि किसी भी सक्सेसफुल या फिर स्ट्रॉन्ग पर्सन के पीछे एक चॉइस होती है कि वेदर टू स्विम और वेदर टू सिंक। लेकिन इसमें ना फिर मेरा अलग पर्सपेक्टिव गया कि हर कोई किसी ना किसी टाइम पे सिंक जरूर करता है। वो कितना ही तगड़ा बंदा हो वो सिंक करेगा, लेकिन वहां पे पड़े रहना इज योर चॉइस। सिंक हो गए कोई बात नहीं, क्या आप वहां पे रहते हो वो आपकी चॉइस होती है, तो इट इज कंप्लीटली ओके ना टू गेट डीमोटिवेटेड और इनकंसिस्टेंट होना भी कंप्लीटली ओके है, लेकिन आप क्या ऐसे बने रहते हो वो जरूरी है।
वहां से फिर आपकी चॉइस होती है कि मुझे ऐसा ही रहना है या मुझे इम्प्रूव करना है। इसकी बात और हम डिटेल में करेंगे एसएसबी की। तो ये पूरा आई थिंक रिटर्न का हम समराइज यहाँ मैं कर देता हूँ एक बार फिर से। तो वही बातें हैं जो हम मैंने भी कई बार बोली हैं, और बेसिकली कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं बहुत आसान है खुद से करना। क्यों? क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो तुषार ने आपको बताई वो भी, और उसके अलावा भी यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं, ठीक है, जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। आप बस वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ नहीं आया उसको बस डाल दो, सर्च कर लो, किसी ना किसी टीचर ने आपको वो आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर देगा, ठीक है। तो रिटर्न के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं ये सीन। अब तुषार इसी में मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की। मैथ्स का अपना स्कोर बता दो, कितने अटेम्प्ट किए थे, राइट, और साथ में मैथ्स कैसे करना है, क्योंकि मैथ्स को लेके थोड़ा सर सा रहता है डाउट। सर मैथ्स में अटेम्प्ट तो मेरे 94 हुए थे, कुछ इतने तो सीधी भाई मिस्टेक की यार, वजह से इतने तो मैंने कभी नहीं किया यार। गलत हो गए थे सर कुछ क्वेश्चन, तो 81-82 के अराउंड मेरा स्कोर था मैथमेटिक्स का। सो मैथ्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि आपको एग्जाम की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। वो एफकेट की अलग है, कंप्लीटली अलग है। आप पूरा मैथ्स सीरियस वाले मैथ्स से आप एफकेट नहीं निकाल सकते, निकाल दोगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। सो आपको रिक्वायरमेंट समझनी है। मैथमेटिक्स में हमारा जो सीडीएस का मैथमेटिक्स है फिक्स है कि 30 क्वेश्चन आने ही हैं ज्योमेट्री से, 15 से 20 क्वेश्चन ट्रिगो के आएंगे ही, 15 से 20 क्वेश्चन अलजेब्रा, 15 से 20 नंबर सिस्टम, एंड कोई 8 या फिर 5 से 8 के बीच में आएंगे आपके डीआई के, जिसको हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं आजकल। डीआई पूछते हैं, वो अच्छा। बेसिकली एक डेटा दे देंगे और उससे रिलेटेड पूछेंगे। और फिर आता है 15 ही क्वेश्चन बचते हैं, वो हो गए आपके उसके अरिथमेटिक के। तो इतना नहीं पढ़ना होता, जो जो आपको लगता है कि भाई ये क्रंच है इस एग्जाम का। अब ज्योमेट्री पढ़ के जाओ, अब क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ, पक्का वहां पे कर दोगे सॉल्व ज्योमेट्री के क्वेश्चन। तो एक ये अप्रोच होनी चाहिए कि आप पहले एग्जाम को समझो, आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। पूरा मैथ नहीं पढ़ना होता, वो पढ़ना होता है जो आपके पेपर में आता है। इसके लिए मैं बस ये कहता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर एक टीचर से पढ़ लो एक बार मैथमेटिक्स, है ना, जो इसी एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं उनसे पढ़ लो, वो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देंगे इस चीज की। अगर उसके बाद मान लो आपको और एनहेंस करना है मैथमेटिक्स, आप चाहते हो कि नहीं यार सीजीएल लेवल का भी मैं मैथमेटिक्स सुधार दूं, तो आप किसी स्पेशल टीचर से पढ़ सकते हो। बहुत सारे हैं, लाइक गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर हैं, और काफी सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनसे पढ़ सकते हो। अगर आपको कैट लेवल मान लो टारगेट कर रहे हो आप, आपके हाँ बैकअप जी। में सीजीएल टारगेट कर रहे हो आप, तो मेंस में मैथमेटिक्स आएगा वहां पे, है ना, तो आप वहां उस लेवल की तैयारी फिर कर सकते हो। सो ये है क्या, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, फिर वही बचता है रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक्स। ठीक है, करेक्ट। तो ये रिटन रिटन की बातें थी हमारी यहाँ पे। इंग्लिश के लिए टीचर, इंग्लिश के लिए ऐसा कुछ मतलब एक पर्टिकुलर तो आपने बताया नहीं। आई थिंक वही सेम चीज़ है कि अगर आप सर्च कर रहे हो यूट्यूब पे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने रानी मैम को देखा अच्छा पढ़ाते हुए। मैं बात कर रहा हूँ, देखो रानी मैं मैम जनरल अच्छा, बात कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ाता मैं भी हूँ, लेकिन वो अगर मैं बताऊँ तो हम यहाँ पे अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मेरा मोटिव है इस इंटरव्यू के थ्रू कि हम अपनी बात ना करें, हम इस पर्सपेक्टिव में बात करें कि कोई भी जनरल बंदा तैयारी करना चाहे तो वो कैसे करे, ठीक है। तो रानी मैम जो मुझे लगता है एसएससी के लिए पढ़ाती हैं वो अच्छा है। आप एक टीचर कौन बता रहे थे, एक गोपाल गोपाल वर्मा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वर्मा वो सर, ठीक बेसिक है। से पढ़ाते हैं, वो भी तो अच्छा इन शॉर्ट पढ़ाते हैं बस वही है कि सारे मटेरियल, सारे रिसोर्सेस सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप्स में भी अगर आप जाओगे अभी हमारे, वहाँ पे सारी नोट्स अवेलेबल है, और अभी मैं नई नोट्स भी बना रहा हूँ जो कि जिसका कॉस्ट होगा 0.00, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही होगी, ठीक है। तो वो भी शेयर कर दूंगा जो अभी तक मैंने दी थी, इस बार भी मैं अपडेट करके आपको दे रहा हूँ, ठीक है, बना के फिर से। तो कहना बस ये चाहता हूँ मैं आपसे कि रिटर्न के लिए, ठीक है, अब रिटर्न के लिए हम क्या करते हैं वो आपको पता है, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाला, लेकिन आप किसी भी छोर पे इस टाइम पे हो देश के, ठीक है, कहीं भी आप हो, आपका लेवल कुछ भी हो, उठो और वो चीज़ें पढ़ना स्टार्ट करो। हो सकता है कि ये सीरियस आपसे ना हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद के 3 सीरियस जरूर हो जाएंगे, राइट। अगर आप यस सर, क्रैश उस कहीं क्रैश कोर्स में जा रहे हो, या आप बस चाहते हो शॉर्टकट के 1 महीना पढ़ के क्लियर करना है, उसमें क्या होगा, पहले बात तो होगा ही नहीं, अगर हो भी गया बाई चांस तो आपका एक हो जाएगा, लेकिन आगे के फिर नहीं होने वाले 3। इसलिए एक बार मेहनत कर लो, ठीक है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन आपके लिए होना ही नहीं चाहिए कि यार इस बेकार बुक को मैं अगली बार नहीं पढ़ने वाला, इस बोरिंग बुक को मैं अगले साल फिर से नहीं पढ़ने वाला, राइट। चल, तो ये बातें थी हमारी रिटर्न की, बाकी के लिए मैं हूँ, कुछ भी हो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करेंगे तुषार एसएसबी, क्योंकि एसएसबी को लेकर यार बड़ा मार्केट में, पहले बात तो इतनी कोचिंग्स आ गई हैं, 15 दिन का कोर्स, 20 दिन का कोर्स, 21 दिन का कोर्स, और भाई मैंने प्राइसेस देखे हैं, 25-25 हज़ार, 30 हज़ार, 35 हज़ार, ये प्राइसेस हैं एसएसबी के लिए। कोई स्क्रीनिंग का अलग कोर्स लेके आ रहा है, कोई जीडी के लिए अलग कोर्स लेके आ रहा है, इंटरव्यू के लिए अलग कोर्स लेके आ रहा है, मॉक इंटरव्यूज कर रहा है, साइक
राइट, साइकिल साइकिल अलग अलग कोर्स हो रहा कोर्स है, है। यस आपका सर। क्या पर्सपेक्टिव में चेंजेस आए हैं? पहली बात मैं यही जानना चाहूंगा, बिफोर जो आपके शुरुआती अटेम्प्ट्स थे जहां पे आप लगातार स्क्रीन आउट कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, तब आपकी SSB की क्या समझ थी, उसके बाद ऐसा क्या हुआ या आपने कैसे चेंजेस लाए अपने अंदर, वो जर्नी प्लीज हमें बताइए SSB के बारे सर SSB के लिए तो पहली बात कि में। दो चीजें होती हैं, एक आप में वो सर्टेन क्वालिटीज देख रहे हैं, जो वहाँ पे असेसर्स हैं वो ट्रेंड करे गए हैं एक सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वालिटीज देखने के लिए, और वो भी एक एडिक्वेट मेजर में कि हाँ इतनी क्वालिटीज ही चाहिए, अगर 20 ग्राम चाहिए तो 20 ग्राम ही चाहिए या फिर थोड़ी ज्यादा, कम नहीं चलेगी हमें, है ना। तो एक तो वो है, दूसरा होता है कि आप उनको शो करो अपने आप को, बेसिकली आप एक प्रोडक्ट ओन के लिए कि भाई मैं फौज के लिए लगता है मुझे हूँ बढ़िया, तो आप लो मुझे, तो आप प्रोडक्ट हो, आपको वहां पे देना है अपने आप को, आपको सेल होना है वहां पे, है ना। तो दो चीजें होती है, एक तो आपके अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए और दूसरा होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो उन क्वालिटीज को। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखो कमियां सब में होती है, कमियां सब में होती हैं, सबने कुछ ना कुछ उल्टा करा है अपनी लाइफ में। मैंने पेपर नहीं दिए, वो मेरे डिसीजन था, गलत था मेरा, लैक ऑफ क्लैरिटी से था, डिसिप्लिन नहीं था वहां पे, लेकिन मैं सीधा जाके बोल नहीं सकता कि सर इसलिए नंबर कम है कि पेपर नहीं दिया मैंने। वो मैच्योरली आपको शो करना होता है, वो तरीका होता है शो करने का। ऑब्वियस सी बात है, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि आप भाई ऑफिसर बनने जा रहे हो, यू कैन नॉट बी सो रिस्पॉन्सिबल, है ना। चाहे आपने करी है कोई बात नहीं, लेकिन बोलने में तो नहीं हो सकते। सो एक ये फर्क आया कि सर मैं बेसिक्स पे तो काम कर रहा था, फिर मैंने सीडीएस जर्नी की क्लासेस ज्वाइन कर ली SSB की, तो वहां से मुझे ये एक दिन क्लैरिटी मौसी लगा या तो यही था सर, ठीक है। बस अच्छा हो गया यहाँ था मैं एक चीज़ ज्वाइन। क्लियर कर दूँ, क्योंकि SSB को लेके काफ़ी मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो यार SSB का जो भी हमारा बैच होता है, पहले बात तो वो साल में कभी एक दो बार होता है, ठीक है, बहुत ही रेयरली होता है। दूसरा, उसमें केवल वही लोग होते हैं जो हमारे बैच के, यानी जो रिटर्न बैच के लोग होते हैं, उन्हीं को हम लेते हैं, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जो रिटर्न बैच में है, तो सर रिटर्न बैच में देखो, मैं SSB पे उतना फोकस नहीं कर सकता, लेकिन मैं जीना सिखा सकता हूँ आपको कि कैसे एक सही इंसान बनना है, ठीक है। वो बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न में हम साथ रहते हैं 4 महीने, 6 महीने, 5 महीने, डेली हम मिल रहे हैं, सुबह शाम को लाइव क्लासेस हो रही है, ठीक है। तो वहाँ मैं एटलीस्ट ये सिखा सकता हूँ कि यार राइट नाउ आप एक दिन को अपने कैसे बेटर करो, अपने टारगेट सेट करके कैसे थोड़ा इंक्रीज करो, इम्प्रूव करो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा इंसान घर वालों से कैसे सही से बात कर सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं, मम्मी पापा कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं थोड़ा बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेली कुछ ना कुछ सिखाता रहता हूँ अपने बैचेज में। तो फिर ये ऑलरेडी थोड़े से उस जोन में होते हैं जहां इनको पता है कि SSB शॉर्टकट से नहीं होने वाला, ठीक है। तो इनका यही माइंड मेंटेन रहता है जो मेरे रिटर्न बैच में होते हैं, इसीलिए हम केवल इन्हीं में से लेते हैं कुछ लोग को। और अभी तो अगली बार हम एक टेस्ट रखने का भी सोच रहे हैं कि रिटर्न बैच वाले ही होंगे, लेकिन वो टेस्ट के थ्रू ही होगा, क्योंकि इस बार तो बेस्ट यार इस बार इतने मैसेज आए थे, सर ने 4 ग्रुप में डिवाइड किया है, मतलब 100 लोग को हमने लिया अभी, ठीक है। और सर ने क्या किया, 25-25 के 4 ग्रुप बनाए हैं उसमें, ठीक है। और उनका मस्त भाई, मैं गया कम्युनिकेशन क्लास में, आई वाज लाइक यार मैं सीखूंगा यार, ठीक है। तो ये है एक अलग वो, तो SSB बैच के बारे में यही कहानी है। और अभी हमने प्राइसेस की बात की थी, अब ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, पहले बात तो सीट्स भी नहीं है, और वो होंगी भी तो वो बाहर वालों के लिए नहीं है, ठीक है। पहले बात, इवन बैच वाले भी जान नहीं पाते कि कब आया बैच, 1 घंटे में खत्म हो गया, फिर हो गया। ढाई तो उसकी फीस कितनी, आई थिंक 2500 तुषार थी शायद, ठीक है। हजार सर तो वो हाँ, तो वो वही है और वो वही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो उनके लिए होती है वर्थ जो अपने हैं, ठीक है, मतलब बैच वर्थ इट में, था सर वो, क्योंकि मैं ठीक बाहर बंदे मिले हैं मुझे साथ के, से कोचिंग लेके आए हैं, से कोचिंग लेके आए हैं, उनसे पैसे सुनो है। अरे नाम बाईस ही नहीं हजार पता यार चौबीस किसी हजार का नहीं नहीं सर तारीफ करो, ठीक है, वो नाम रख दूंगा, नहीं चलो नहीं कोई वो नहीं, ठीक है, बंदे आपका बंदे अच्छा। अच्छे हैं, नहीं यस तो वो वो सब अच्छे लड़के होते बहुत हैं। अच्छे हैं, हाँ सब अच्छे हैं। बस ये है कि जो जैसे यहाँ पे था पहले, मेरा भी ये था कि भाई कहीं ऐसे ही जाके कोचिंग लूंगा क्योंकि एज बढ़ रही है, फिर उसके बाद अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं तो लेता हूँ और फिर देखता हूँ, लेकिन फिर मैंने ये ले लिया कि चलो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो हो ही जाएगी यहाँ से। कुछ तो लेकिन फिर सर होगा। जो चीजें समझ में आई ना बेसिक लेवल पे कि भाई लाइफ के बेसिक्स ठीक करना बहुत जरूरी है, जब तक वो नहीं होंगे तब तक आप SSB क्या है लाइफ में अच्छा नहीं करोगे। आप कुछ भी अचीव कर लो, आपके दोस्तों से नहीं बनती आपकी क्या फायदा है उस सक्सेस का, आप कुछ भी अचीव कर लो, आपकी फैमिली आप पे प्राउड नहीं है, आपकी फैमिली को ट्रस्ट नहीं है, क्या फायदा है उस सक्सेस का। सो वो जो बेसिक्स हैं, अब आप भले ही कितने तगड़े धुरंधर हो और आपका आपको अपने अपने भाई का नहीं पता कि मेरा भाई क्या पढ़ रहा है, क्या उसका मेंटल स्टेट चल रहा है अभी, क्या उसका इमोशनल स्टेट चल रहा है अभी, आपको वो नहीं पता यार आप कितने क्या भाई हो। आप भले ही 100 आदमी के बॉस हो,
लेकिन एक जो बंदा जिसमें ब्लड है सेम आपका है ना, तो उसकी आप केयर नहीं कर पा रहे, क्या फायदा? सेम इज विद गर्लफ्रेंड, सेम इज विद योर वाइफ, सेम इज विद पेरेंट्स, सबके साथ सेम है। सो वो लाइफ के बेसिक्स ठीक करना बहुत जरूरी है। फिर आपके कोर्स से मुझे बस ये समझ में आ गया था, सर ने ऐसे क्लियर कर दिया था कि हम कोई भी चीज देख रहे हैं, मैं आज हूं, मैं आज जैसा भी हूं वो अपनी वजह से नहीं हूं, सिर्फ अपनी वजह से भी हूँ, दोस्तों की वजह से हूँ, एनवायरमेंट की वजह से हूँ, फैमिली की वजह से हूँ, सोसाइटी की वजह से हूँ, बेसिकली माइंड से है करेक्ट. ना। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब है मेरे माइंड में, लेकिन आपको एक फिल्टर लगाना होता है उसके अराउंड, आपको ऑब्जर्वेशन क्रिएट करनी होती है कि आप किस वे में सोच रहे हो, खासकर SSB में जब आप सबकॉन्शियस होने वाले हो, आपका बिहेवियर बहुत ऑटोमेटिक हो जाएगा वहां पे, तो आप वही कर दोगे जो आप नॉर्मली सोचते हो, वही आप लिख दोगे जो आप नॉर्मली सोचते हो, अब वही बोल दोगे जो आप नॉर्मली सोचते हो। दैट इज समथिंग जो आप मैंने सीखी वहां पे, कि अच्छे तरीके से फिल्टर कैसे लगाना होता है। अंदर है चीजें, अंदर अच्छी चीजें भी, अंदर गलत चीजें भी हैं, लेकिन कैसे वो दिखाना है आपको, कैसे निकालना है वो बाहर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो SSB के बारे में स्टार्टिंग से बात करेंगे. पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की. सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है, तो स्क्रीनिंग यस में ये तो बड़ा सुना होगा तुमने कि स्टोरी लिखनी है पॉजिटिव, या कुछ तो हीरो बना के किसी एक को उसको बॉस बना देंगे, NGO खुलवा देंगे. तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन सा है कि स्क्रीनिंग में हमको दिखना है, सामने आके दिखाना है खुद को, और ये कि स्क्रीनिंग लक है. कुछ ये भी एक मार्केट में है कि भाई स्क्रीनिंग लक है, आ जाओ हमारे पास, हम ऐसे आपको सिखाएंगे और आपको ये करना होगा, पैर में हाथ ऐसे रखना है, ठीक है, बीच में इधर उधर नहीं देखना, बीच इधर दे बोलते हुए ऐसे करना है, वैसे करना है, नरेशन करते हुए ये करना है, मतलब कुल मिला के बहुत डाउट्स. तो स्क्रीनिंग के बारे में जीरो से आप बताइए कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपने कैसे इम्प्रूव किया स्क्रीनिंग के बारे में, या कैसे लोगों को करना चाहिए. सर, पहला मिसकंसेप्शन तो कि स्क्रीनिंग अनप्रिडिक्टेबल है, ये बहुत ये मिथ है जो मेरे हिसाब से है। इट इज ट्रू कि भाई 70% बच्चे स्क्रीन आउट हो जाते हैं, 100 आए हैं तो 70 घर चले जाएंगे, ये सच बात है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। इट इज बेसिकली परफॉर्मेंस जिसके बेस पे वो ले रहे हैं आपको। अब परफॉर्मेंस में दो तीन चीजें आती हैं। सबसे पहली आपका OIR, अगर आपका OIR अच्छा है, आपकी रेटिंग 1 और 2 जा रही है, तो आपके स्क्रीनिंग के यार 90% चांसेस तो ऑलरेडी हो ही जाते हैं, है ना। क्योंकि उनका एक तरीका होता है बेसिकली, जो सर ने बताया था कि डाउट 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 यस डाउट, किस केस में वो इन होते हैं बंदे, तो आपकी रेटिंग अच्छी है OIR की, तो आप वैसे ही स्क्रीनिंग हो जाओगे। सबसे पहले तो ना, जो हम क्या करते हैं कि मान लो एक OIR अच्छा नहीं हुआ, तो उसका इफेक्ट हम साइकोलॉजिकली और मेंटली हम ले जाते हैं अपनी स्क्रीनिंग पे, नरेशन पे, अपने डिस्कशन पे, या फिर अपने दूसरे OIR। एक टेस्ट गड़बड़ हुआ तो उसका इफेक्ट हमने दूसरे पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन मैंने पहले भी बात बताई है कि लाइफ में कोई भी फेलियर हो, कोई भी सक्सेस हो यार, एक्सेप्ट इट, है ना। और वहां से फिर आपको आगे देखना है, वो अपनी ऑब्जर्वेशन हो गई, अपना एनालिसिस हो गया, वो क्लियर रखना है कि गलत हुई कोई बात नहीं, आगे मैं इसका अफेक्ट जो है नहीं जाने दूंगा, वो पूरे SSB में है, वो पूरी लाइफ में है। सो पहला OIR दो, दूसरा दो, अच्छा करो उनमें जितना कर सकते हो, इवन पहले प्रैक्टिस करके जाओ। एक बुक है 28+ OIR की, बहुत अच्छी है, एंड इवन OIR का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं हिल गया था, मेरे से 25 ही हुए थे भोपाल में, तो कपूरथला में ज्यादा हुए थे, क्योंकि मैं बॉर्ड मास सॉल्व करने लग गया था और उसमें टाइम लग रहा था, वो हो ही नहीं रहे थे सॉल्व ट्रिक से भी कैसे भी। सो OIR आप तैयारी करके जाओ अच्छे लेवल की। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी नरेशन एंड ग्रुप डिस्कशन। अब इसका मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ कि सबको ये लगता है भाई GD में पार्टिसिपेट करना इज वेरी मुश्किल, है ना, नरेशन अपने हाथ में और कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले तो आपको सही स्टोरी लिखनी है। आई एम नॉट यूजिंग अ वर्ड बढ़िया स्टोरी लिखनी है, फिर बेस्ट स्टोरी लिखनी है, आई एम सेइंग सही राइट स्टोरी लिखनी है। राइट स्टोरी का मेरा क्या मतलब है, जो स्टिमुलस उसमें दिया हुआ है, जो पिक्चर आप आपसे सोचवाना चाहती है ना, पिक्चर वो बनाई गई है एक सर्टेन डायरेक्शन में जाने के लिए, कि आपका जो ब्रेन है वो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो स्टिमुलस आप हैंडल करो अच्छे से, जो भी है वो, जैसा भी है, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो आपको हैंडल करना है, और एक अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में और अच्छे से एक्शन से, जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो, आप भी, आपके नेबर्स भी, आपकी फैमिली भी, आपके भाई बहन भी, आपके दोस्त भी, आपके टीचर्स भी, है ना, आपके मेंटोर्स भी, आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हो ऐड देम, या फिर कोई अननोन बंदा भी कहीं पे भी कर सकते हो, वो चीज आपका कैरेक्टर शो करेंगे वहां पे, है ना। तो सही स्टोरी बनाना इज इम्पोर्टेंट, पहला। दूसरा, फिर हम क्या करते हैं, मैं जैसे पहले करता था, मुझे भी डर लगता था स्क्रीनिंग से, तो पहले क्या करता था मैं, देखा और 10 सेकेंड 15 सेकेंड पिक्चर देखी और फिर सीधा लिख दी स्टोरी।
मार्क कर दिया सीधा स्टोरी लिखना, सोचते थे भाई 30 सेकंड ज्यादा मिल जाएंगे अपना एक्शन लिखने के लिए। कंप्लीट फुलिशनेस वो होती है, जो हम भी मैंने भी करी है, जो सब करते हैं भाई। डीआईपीआर ने जो डीआईपीआर हैज गिवन यू 30 सेकंड्स टू ऑब्जर्व द पिक्चर, इट मस्ट बी हैविंग सम रीजन, है ना, रिसर्च होगी इसके पीछे। ऑब्जर्व पिक्चर फॉर एग्जैक्ट 30 सेकंड्स और ढंग से ऑब्जर्व करनी है। उससे क्या होगा कि आप परसीव करवाओगे पिक्चर को अच्छे से, और जो आप लॉजिक बना रहे हो स्टोरी का वो लॉजिक बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का एक शॉप के आगे खड़ा है, तो आपने वो किराने की स्टोर बना किराने किराने का स्टोर बना दिया, आपने बना दिया कि भाई घर पे वो पार्टी वगैरह हो रही है और वो ग्रॉसरी लेने गया है। लेकिन हुआ क्या कि कोई दूसरा बंदा है, उसने दुकान के ऊपर ना प्लस ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है, तो आपका आपका जो स्टेमुलस है वही गलत हो गया वहां पे। आप मेडिकल स्टोर पे खड़े थे बेसिकली, प्लस जो हो गया तो मेडिकल स्टोर पे होगा, क्लिनिक पे होगा, और और आपने वो वहां बना दिया कुछ फर्स्ट प्लेयर की दुकान। कुछ लिखा है मान लो पंजाबी में या किसी और लैंग्वेज में, हिंदी में मान लो लिखा है कुछ में, और आप बना देते हो कहीं और का सीन कि ये साउथ इंडिया का है, या गया घूमने यूरोप घूमने गया, यूरोप ट्रिप अरेंज कर रहे हैं। तो जैसा यस आप बोल यस रहे हो यस कि ऑब्जर्व करने का मतलब है कि सिर्फ ये नहीं कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्विंग मीन्स कि वो बंदा एज क्या है उसकी, ठीक है, कैसा लग रहा है शक्ल से वो, ठीक है, आपस में रिलेशन क्या लग रहा है उनका, क्लॉदिंग से कैसे लग रहा है, क्लॉदिंग से आप समझ सकते हो कि कहाँ पे प्लेस है, वो प्लेस कौन सा है, ठीक है, आसपास के घर आप देख यस सकते हो, मार्केट प्लेस है क्या है, राइट, ठीक है, बताइए। सब चीजें होती हैं सर। फिर स्टिमुलस वाला, जैसे मैं ऑब्जर्वेशन का बता रहा हूँ, जैसे एक लड़का है वो रनिंग कर रहा है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसने फॉर्मल्स पहन रखे हैं, वो वाली है ना, उसकी फोटो टाई टाई उड़ रही है उसकी, बहुत फेमस है वो फोटो। हाँ तो उस पे स्टोरी बन रही है कि भाई ये लड़का रनिंग कर रहा है, मैराथन की तैयारी कर रहा है, अब ओएलक्यू करवा के, ओएलक्यू वाला बंदा बना के उसे करवा देंगे सब कुछ। अरे लेकिन बैच में एक ने इसमें स्टोरी बनाई थी कि उसकी एसएसबी आ रही है, वो करता है काम, इतना हार्ड वर्किंग है कि लंच में जाके वो रनिंग करता है एसएसबी आने वाले इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के लिए हाँ मैं कहा भाई साहब इतना इतना नहीं चाहिए भाई जी बताइए हाँ, ही कैन नॉट बी अ मैराथन रनर इन दिस केस। सो करेक्ट वही है कि आपको ऑब्जर्व करनी है, आपको स्टिमुलस हैंडल करना है ना, और फिर स्टोरी लिखनी है, सही स्टोरी लिखनी। देखो मैं सर असेसर नहीं हूँ, ना मैं टीचर हूँ, मैंने भी सीखी सीखी है ये चीजें। सो मैं तो ये कहता हूँ कि किसी भी असेसर से एक बार आप पढ़ लो, किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, सही स्टोरी लिखना वही सिखा सकते हैं। क्योंकि मैं भी सर से पढ़ा हूँ, और एक तरीका था उनका, पहले तो उन्होंने कचरा निकाला था दिमाग से, जब वो बेइज्जती पिक्चर होती ही है नहीं, पहले क्लास है अच्छी वो पिक्चर वाली है, एक बंदा लटका हुआ है, तो मैंने तो सोसाइटी की बनाई थी स्टोरी, बाद में देखा पुल अप कर रहा है वो। तो ये वाली चीज है, जब वो स्टिमुलस आपका हिल जाएगा ना, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा कि यार ये क्या लिख दिया मैंने, ये मैं ही हूँ। फिर वो बाद में फिल्टर लगाया सर ने आराम आराम से चीजों का, एक्शंस का, क्या और कर सकते हो इसमें, ऐसी सारी चीजें जब उन्होंने बताई तो तब समझ में आया कि हाँ यार सही स्टोरी ऐसे लिखी जाती है। इवन जैसे आपने एक क्या होता है ना, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि स्टोरी सही लिखनी है ऐसे ऑब्जर्व करके, ठीक है, तो ये ज्ञान हर जगह बच्चा लेता है, ठीक है, कि हाँ ऐसे लिखनी है वैसे लिखनी है, लेकिन मैं ये सब ये बोलूंगा कि अगर आपको कोई ये लिखना सिखाए ना कि इसमें लिखना क्या है, या इसको ऐसे करते तो अच्छा होता, तो फिर वो आपका काट रहा है, ठीक है। आपको कोई अगर सोचना अच्छा सिखा रहा है, राइट, लाइफ में अच्छा यस करना सिखा रहा है, दैट इज मोर राइट इंपॉर्टेंट एज राइट कम्पेयर टू राइटिंग गुड स्टोरी, ठीक है। तो तुषार आप एक एग्जाम्पल समझाओ, क्योंकि जो बच्चे सुन रहे हैं इसको, ठीक है, उनको तो पता ही है, ये कई जगह उन्होंने सुन रखा है कि यार स्टोरी एक्शन ज्यादा लिखना होता है या अपने से रिलेट करके लिखना होता है, राइट। तो अगर एक एग्जाम्पल के साथ बताओगे, किसी इमेजिन कर लो कोई एक फोटो, एंड उसमें क्या सर डिफरेंस है कि अगर पहले आप 5 मिनट के पहले जो आप हाँ हाँ करते थे और फिर आपने क्या किया। सर, पहला जो चेंज मैंने फील करा था सर से बात करके, सर ने जो बताई थी ना कि यार इसमें ये चीज भी हो सकती थी, सो बेसिकली वो ये नहीं था कि तू ये लिख, वो एक आइडिया देते थे कि तू ये चीज क्यों नहीं शो कर रहा, तू ऐसे क्यों नहीं करवा रहा, तू खुद क्यों हाथ पैर मार रहा है हर जगह। सो बेसिकली देखो, एक पिक्चर से समझाता हूँ, शायद क्लियर हो जाएगा उससे ही। एक पिक्चर है जिसमें एक वाइफ, वाइफ नहीं एक लड़की है ना, और एक लड़का है, अराउंड एज लगा लो आप उनकी, लड़का 30 साल का है और लड़की है 27 की, 28 की, और वो बैठे हैं एक दुकान में और कोई आइटम देख रहे हैं वो, ठीक है। तो अब मैं तो ऐसे प्लॉट करता स्टोरी, जो मैं अब समझाऊंगा आगे कैसे, कि भाई लड़का और लड़की जो है वर्किंग है दोनों, ठीक है, इससे क्या शो हो गया कि मेरे मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, कि मैं लड़कियों को कैसे देखता हूँ, है ना, मैं चाहता हूँ लड़कियां भाई कंधे से कंधा मिला के चलें, एक तो वो करेक्ट चीज होगी। तो वो दोनों वर्किंग है, और लड़की की मम्मी और पापा हैं जो, उनकी एनिवर्सरी है,
तो उन्होंने डिसाइड करा कि एक घर पे छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो उनके लिए गिफ्ट लेने गए, है ना, कोई भी या रिंग हो गई या फिर कोई भी ज्वेलरी हो गई, वो लेने गए। दोनों ने डिसाइड करा कि हाँ ये ज्वेलरी बनवाते हैं। और पार्टी के लिए क्या क्या करा उन्होंने, अपने दोस्तों को इनवाइट करा जो नेबर के थे, नेबर्स को इनवाइट करा, दोस्तों को इनवाइट करा, लड़के के कलीग्स को भी इनवाइट करा और लड़की के कलीग्स को भी इनवाइट करा। फिर जो लड़की के टाइप, लड़की की ओर से जो रिश्तेदार थे थोड़े बहुत, उनको इनवाइट किया। ये सारी चीज होगी प्रिपरेशन की। फिर खाने के सामान की लिस्ट बनाई अकॉर्डिंग टू ये सब, कि कितने आदमी आ रहे हैं, और म्यूजिक सिस्टम वगैरह का भी अरेंजमेंट करा। खाने का सामान बंदा खरीदने गया बाहर, है ना, उन लड़की ने किचन प्रिपेयर करा। अब इसका मतलब ये नहीं कि लड़का आके किचन में काम नहीं करेगा, लड़का आया जितना हो सकता था भाई, अगर वो सब्जी काट सकता है तो सब्जी काटी उसने, अगर उससे गोल रोटी नहीं बन रही है लेकिन वो छोटी बांग्लादेश छोटी हेल्प कर बंदा सकता है, चीजें पकड़ा पकड़ा करेक्ट। सकता है, छोटी छोटी चीजें। तो किचन में बेसिकली हेल्प करी, और ये सब ना खाना आप तैयार हो। तब तब लिखोगे तुषार जब आप एक्चुअल करते हो, ठीक है। अगर आप मम्मी के साथ जाके बात करते हो किचन में खड़े होके, ठीक है, मम्मी के साथ किया हेल्प करते हो, ठीक है, तब ये चीज तभी आएगी, वरना फिर आप फेक लगेगा वो वहां पे लाइफ के मुझे। बेसिक्स हैं सर ये, वो दिख जाएंगे, वो जीटीओ में दिख जाएंगे। फिर क्या होता है, फिर आपके दोस्त आते हैं, आपके दोस्त टाइम पे आते हैं, है ना, टाइम जो दिया था कि भाई आपको पहले आना है, वो आते हैं। वो कहते हैं कि यार एक काम करो, तुम ये कर रहे हो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं डेकोरेशन कर देते हैं, हम म्यूजिक सिस्टम को सेट कर देते हैं। आप दोस्त हो, आप बोझ नहीं बन रहे आके, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, करेक्ट। है ना। फिर दोस्त ने हेल्प करी, फिर क्या हुआ, रिश्तेदार टाइमली आए घर पे, गिफ्ट्स लेके आए उनके लिए, उन्होंने वेलकम करा, फिर वही जो सब लिखेंगे, खाना पीना हुआ, डांस वांस हुआ और चले गए। दोस्त सबसे लास्ट में गया, जो उनके फ्रेंड्स थे, कि चल भाई चल ये सब तुम्हारा थोड़ा सा ना वो करवा के कर देते हैं, साफ वगैरह चीजें, हो गया। फिर उनको सबसे लास्ट में बिठा के बात करके फिर भेजा। यहाँ पे जो रिश्तेदार आए हैं टाइमली वो भी आप ही हो, जो दोस्त आए हैं टाइमली जिन्होंने हेल्प करी है दोस्तों ने, वो सब आप हो, पति भी आप हो, पत्नी भी आप ही हो, जिस जो शॉप कि वो था, शॉपकीपर था या फिर जो डिजाइनर था, ठीक है, उसकी आप कोई अगर एक्शन ऐड करना चाहो कि उसने सही डिजाइन सही साइज के हिसाब से ये अरेंज करा, थोड़ी रिसर्च उसने भी करी कि हाँ भाई ये इनको ऐसी वो चाहिए, समझा रिक्वायरमेंट समझी, तो वहां पे वो भी आप हो। आपका गेट मैन है, आपने उसको मिठाई का डिब्बा दिया, है ना, यहाँ भी आपका आपका कैरेक्टर शो हो रहा है, जो आपके बिल्डिंग के नीचे गेट मैन रहता है ना, वो भी करेक्ट। अपना बाकी कुछ भी हुआ तो इन्फॉर्म कर दिया, वो भी फिर गेट मैन भी आप ही हो। सो ये है बेसिकली, आप अपने कैरेक्टर को शो कर रहे हो, एक्शन सब लिखेंगे, पार्टी ऑर्गेनाइज सब करवाएंगे, लेकिन कैरेक्टर के बारे में वो बंदा शो नहीं करेगा। सो राइट। वो और होता है। ये SSV आज की सबसे बड़ी लर्निंग है कि बिल्कुल आप सर। किसी को लेके आते हो, ठीक है, किसी भी बंदे को A to Z। अब लोग क्या करते हैं, लोग चोर बना देते हैं, ठीक है, कि ये तो चोरी कर रहा था और उसके बाद भाग गया, और एक पुलिस खुद बन जाते हैं। लिख आप रहे हो स्टोरी, ठीक है, उस फिल्म के प्रोड्यूसर आप ही हो, वो कैरेक्टर भी आप ही लेके आए हो, हीरो को भी आप ही लेके आए हो, दोनों आप ही हो, ठीक है, तो फिर वहां पे एक कॉन्ग्रुएंसी नहीं हो पाती, ठीक है। तो जस्ट नो SSB में वाइल राइटिंग स्टोरी, आप कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, सबके थ्रू आपकी ही पर्सनैलिटी जज हो रही है। जैसे अगर तुषार ने बोला कि दोस्त टाइम पे आए, दैट शोज कि आप टाइम पे आते हो। तुषार ने बोला दोस्त ने हेल्प किया आके आपके घर पे, दैट शोज कि आप चाहते हो अपने दोस्तों के घर, तो उनके हेल्प करते हो, रास्ते तक रुकते हो, ग्रीट करते हो पेरेंट्स को, हेल्प करते हो, तो ये चीजें शो होती हैं। बिल्कुल सर, मैं तो ये चीजें ऐड करता हूँ स्टोरीज में भी, और है भी कि भाई दोस्त आए हैं, दोस्त के पापा को भी बुला लो, दोस्त की मम्मी को भी बुला लो, वो आप दिखाते हो कि यार आप फैमिली टू फैमिली कनेक्टेड हो, है ना, वो आपके करेक्ट। कैरेक्टर की चीजें शो करती है। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो बेसिकली सही स्टोरी में होती होनी चाहिए, और जो मुझे बाद में समझ में आई कि यार ऐसे यू कैन शो योर कैरेक्टर। और मैं हूं भी ऐसा सर, बहन के साथ अभी रह रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही ये सब खाना बना के देगी, मैं बर्तन वाश देता हूँ, वो खाना बना रही होती है। सो करेक्ट। कोई वो नहीं है, वो मेरा बिहेवियर है, वो मेरी पर्सनैलिटी है, और वो चीज़ अब स्टोरी में जाती है, स्टोरीज में जाती है, और जीटीओ में जब मैं परफॉर्म करता हूँ, जब आईओ सर पूछते हैं, वो निकलता है और मतलब ये ना। बड़ी स्टोरी नहीं बन लिखना यार कि आप NGO बना दिया, IAS बन गए, छोटी चीजें करनी है, ठीक है, छोटी क्वालिटीज उनको चाहिए, उनको नहीं चाहिए तुम NGO बना के, तुम बड़े काम तो हर कोई कर देता है, ठीक है। एक बहुत बार मैंने भी बोला है SSB, सॉरी रिटर्न क्लास में, कि अपन को ना यार पोजिशनल हीरो नहीं बनना है, प्रधानमंत्री बन के रोड मैं भी बनवा दूंगा, ठीक है, प्रधानमंत्री बन के मैं भी दे दूंगा पैसे, बांट दूंगा या कुछ भी कर दूंगा, मैं जो आज हूँ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं हेल्प कर सकता हूँ कुछ लोगों की, कल जब मैं नहीं पढ़ा रहा था ना, तब भी मेरे आसपास के जो लोग थे ना, उनको बुक की कमी नहीं थी, ठीक है, जो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उनको बुक हो गया, जो काम की चीजें हैं, बुक पेन, ये सब की कभी दिक्कत नहीं हुई, और आज मैं उसको लार्ज स्केल पे कर सकता हूँ,
ठीक है, तो पोजिशनल हीरो नहीं बनना है, सिचुएशनल हीरो बनना है कि आप जिस सिचुएशन पे हो वहां क्या कर सकते हो। यू कैन नॉट हेल्प एवरी वन बट डेफिनेटली यू कैन हेल्प समवन। एग्जैक्टली सो ये बेसिकली सर उसका हो गया कि आपको स्टोरी कैसे लिखनी है। मैं तो थीम भी नहीं बता रहा है ना, मैं बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे यू कैन शो कैरेक्टर। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई कोई भी सही बंदे से गाइडेंस ले लो, वो बहुत अच्छे से ये फिल्टर क्रिएट कर देंगे। मैं भी करेक्ट। नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट अ टीचर, मेरा खुद का हुआ है। सो सही स्टोरी लिखना इज जरूरी, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद आता है कि आपका लॉजिक, वो जो स्टिमुलस का लॉजिक है ना, कि जैसे एक गाड़ी ठोकी पेड़ में, है ना, या फिर वो जो लड़का टाई मतलब फॉर्मल्स में भाग रहा था, दोनों में जिस बंदे ने ये लिखा है कि मैराथन की तैयारी कर रहा है, उसमें लिखा है मैराथन की तैयारी और यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो क्यों एक्सीडेंट हुआ? वो आपने सबको दिख रहा है एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन क्यों हुआ? कुछ कह रहे हैं स्पीडिंग कार। तो लॉजिक और अपना जो बेसिकली रीजन है वो आपको पकड़ना है वहां पे, भाई कार भी आप ही नहीं चला कर रहा रहे थे, वो। आप ही स्पीड कर रहे थे। बिल्कुल, आप क्यों स्पीड में कार चला रहे थे? ऐसी क्या नौबत आ करेक्ट। गई? अब आप ये बना रहे हो कि भाई हॉस्पिटल में वो एडमिट है इसलिए, तो यार वो ये दिखा देगा कि आप फ्यूरियस हो जाते हो। मतलब वहां पे अगर कोई एडमिट है तो आप अपने और जो साइड में बैठा है, जो पीछे बैठे हैं, उनकी लाइफ आप स्पीड 80 पे 90 पे 100 पे चला के, इट इज योर करेक्टर। करेक्ट। जो मैराथन में भाग रहा है, जो मैराथन के लिए तैयारी कर रहा है, फॉर्मल्स में नहीं करता कोई तैयारी, उसमें फॉर्मल्स में कोई और चीज होगी। अगर आप वहां पे लिख रहे हो वो लेट हो रहा था, तो वो आप हो, कोई और चीज हो करेक्ट। सकती है। हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट हो गई आपकी, तो आप दवाई लेने नीचे स्टोर पे जाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है चल के तो नहीं जाओगे। कॉलेज कॉलेज में या फिर ऑफिस में कोई बंदा फेंट हो गया अपने साथ का, अब भाग के तो नहीं जाओगे कहीं पे भी। अब बाहर खड़े थे ऑफिस के, आप टीचर हो, अब बाहर खड़े थे स्कूल के, और रोड पे कुछ हो गया, रोड पे किसी कुत्ते को हिट कर दिया, अब चल के तो नहीं जाओगे देखने, चल देख के आता हूँ कितनी ब्लीडिंग हो गई, अब भाग के ही जाओगे उस केस में भी। सो वो लॉजिक ढूंढना होता है हमें। कार स्पीडिंग थी, क्यों थी स्पीडिंग कार? अगर पेड़ में ठुकी तो क्यों ठुकी? भाई आगे कोई जानवर आ गया था उसके, या फिर गड्ढा था कोई, हो गई डिसबैलेंस, है ना। तो फिर ये चीजें होती हैं, जो लॉजिक्स होते हैं, ये आपको पकड़ने होते हैं। वो दुकान वाला मैंने बोला था, दुकान परचूने की नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है, वो है तो क्लिनिकल क्लिनिक होगा, कोई क्लिनिकल शॉप होगी, या फिर वो आपका मेडिसिन की शॉप होगी। सो ये लॉजिक आपको पकड़ने है, और इसका मैं बताऊंगा आगे यूज कैसे होगा। सो ठीक लॉजिक है। पकड़ लिया आपने, स्टोरी बन गई आपकी, और आपने पर्चा दे दिया जो असेसर थे वहां पे उनको। अब आपको टाइम मिलता है लगभग 10-15 मिनट का, है ना। उसमें बहुत बंदे क्या करते हैं, ये सोचते रहते हैं कि यार स्टोरी गलत थी सही थी, या फिर दूसरों ने क्या परसीव करा है, दूसरों को क्या दिखा। मुझे हाथी दिखा और उसको बैल दिखा, मुझे बकरी दिखी और उसको शेर दिखा, वो डिस्कस करते रहते हैं, वो यूजलेस है। दोस्ती SSB में हो जाएगी, आई एम वेरी सोशल पर्सन, मैं जहां जाता हूँ दोस्त बना लेता हूँ अच्छे, लेकिन आई एम स्टिल सेइंग कि यार वो जो टाइम है ना, क्योंकि आप 10 मिनट बाद सबकॉन्शियस होने वाले हो प्रेशर की वजह से, उस टाइम को यूज करो, यूटिलाइज करो फॉर यू नो क्रिएटिंग योर नरेशन, शॉर्ट एंड क्रिस्प नरेशन अपनी तैयार करने के लिए यूज करो। कैसे मैं इंट्रोडक्शन बोलूंगा, कैसे मैं एक्शन ऑफ द स्टोरी बोलूंगा, कैसे अपनी पूरी स्टोरी बोलूंगा। सो उसमें क्या होता है कि आपने 5-6 बार वो चीज नरेट कर ली अपने माइंड में कि मैं तो ये बोलने वाला हूँ। अगर आपको ज्यादा बंदे दिखे हैं उसमें, तो यू कैन नॉट से कि आई हैव सीन 10 पीपल ऑफिस, 21, 23, 24, दिस 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 एज, फीमेल मेल, फीमेल मेल, फीमेल 4, फीमेल 5, फीमेल, ऐसे नहीं बोल सकते। सीधा बोलो ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम एज 18 टू 35। ग्रुप ऑफ पीपल बोल दिया तो उसमें जेंडर आपको नहीं करना मेंशन। अब फिर सीधा उस पे जाओ, मूड ऑफ देम वर पॉजिटिव एंड अपना एक्शन ऑफ द स्टोरी। फिर जो आपका जैसे भी आपको स्टोरी नैरेट करनी है, मैं तो सीधा बोलता हूँ कि जैसे SRT लिखते हो आप शॉर्ट में, ऐसे स्टोरी नैरेट करो। कोई भी इंट्रोडक्शन होगा छोटा सा, कि जैसे तुषार बीइंग अ क्रोडिमल कॉलेज स्टूडेंट, या फिर ग्रेजुएट, या फिर NCC कैडेट, गॉट एन अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है 2 लाइन में आ गई, फिर सीधा एक्शन SRT में, ही डिड दिस, ऑर्गेनाइज दिस, टॉक टू हिम, ये सब वगैरह, और खत्म स्टोरी। आपने 6 बार तैयार कर दिए, तो सो यू हैव नाउ बेसिकली छोटी सी नरेशन अराउंड 1 मिनट की इन योर माइंड। अब जब आपने तैयार कर लिया, तो अपने स्टोरी के बारे में सोचना बंद कर देना है बिल्कुल, क्योंकि फिर आप नर्वस हो जाओगे और वहां पे ये होगा अंडर कॉन्फिडेंट, अपने दिल की बीट आपको सुनाई देगी, तो वहां पे उसको कंट्रोल करना है, अपनी नर्व्स को जो होता है उनको कंट्रोल करना होता है। अब घुसे जी उसमें बेसिकली नरेशन वाले रूम में जहाँ पे GD होने वाला है, बिल्कुल भी अपनी स्टोरी के बारे में नहीं सोचना है जब तक आपके साइड वाले बंदे की स्टोरी खत्म ना होने वाली है। आप अंदर घुसे बैठे,
वहां पे सब सर को देखते हैं, सबको देखो, ग्रुप को एक बार देखो, आपका ग्रुप कौन है, सबकी शक्लें देखो, सुंदर सुंदर शक्लें होंगी सबकी। किसी को प्रेशर होगा तो उसका पैर हिल रहा होगा, किसी के फेशियल एक्सप्रेशन पे दिख रहा होगा प्रेशर, तुम्हारे भी हो सकता है, मेरे भी होता था पहले, लेकिन उसमें फिर शांत रहना होता है। अब ब्रीदिंग कर रहे हो प्रॉपरली, आपके हाथ अगर पैर पे रखे हैं, वो सीधे ऐसे नहीं बैठना होता, वो बस एक कंपोजर है कि हाँ भाई कूल काम एंड कंपोज, आप कंपोजर एक मेंटेन करके रखो। ये भी और तो वो हिंदी सिखाता है में ना भी कोचिंग में कि बैठना कैसे, खाना कैसे। वो तो भैया तब निकल जाता है ना जब प्रेशर होता है, वो फिर ऐसे निकलते हैं, एक हाँ जेंटलमैन लेट मी स्पीक, वन पॉइंट वन पॉइंट तो मेरे में खड़ा हो गया था वो, खड़ा होते होके बोला हैं था उसको। बिल्कुल। सो वही है कि कूल काम एंड कंपोज आपको रहना है वहां पे, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है पहले। आप बैठ गए तो बैठ गए, अब चाहे जीडी हो या फिर आपकी नरेशन हो, आप बोल के समझाओगे, आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से समझाओगे, ना कि आप हाथ दिखा के ऐसे बैठे हो। अगर आपके पॉइंट में दम है, अगर आप माइंड से क्लियर हो, आपका पॉइंट अच्छा है, सुनेंगे सर। सो जीडी, जब जीटीओ साहब आपको वहां पे वो ब्रीफ कर रहे हैं कि आपको ऐसे नैरेट करनी है स्टोरी, ध्यान से सुनो, अपनी स्टोरी के बारे में सोचना ही नहीं है, वो मिस कर जाओगे और आप प्रेशर में आ जाओगे फालतू। अब जो पहला बंदा है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप बीच में बैठे हो, जो पहला बंदा है वो नरेट करना अपनी स्टोरी शुरू करेगा, उसकी नरेशन ध्यान से सुननी है कि उसने क्या थीम रखा, उसकी थीम के पीछे लॉजिक क्या है, कुछ तो वो लॉजिक देगा, अगर नहीं दे रहा कोई बात नहीं, उसके बेसिस पे क्या होगा कि आप ये जज कर पाओगे कि इसने पिक्चर सही ऑब्जर्व करी या नहीं करी, इसने जो स्टिमुलस हैंडल कराया वो सही कराया कि नहीं कराया, और वो आप जीडी में बोल सकते हो कि भाई देख ये थीम है मेरे हिसाब से क्योंकि ये था, और ये थीम नहीं है क्योंकि ये नहीं था। उसके लिए आपको भी फिर ऑब्जर्व अच्छे से करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि ऑब्जर्व वेरी केयरफुल। एक नरेशन का एक पार्ट लिसनिंग भी होता है आई थिंक, जो हम इग्नोर करते हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, तो जब दूसरा कोई नरेट कर रहा है, ठीक है, मान लो ग्रुप है 17 18 15 का, तो आपका नंबर आ गया पहले, ठीक है, तो आपने बोल दिया, उसके बाद अब आप बस क्या हो, आप बस एक्टिंग करते हो मेजोरिटी कि हाँ आप बस उसको देख रहे हो, आपको लगता है कि सर हरा रहे हाँ हो हाँ लेकिन उस टाइम पे अगर आप उसको सुनो, कुछ पॉइंट्स पकड़ लो, ठीक है, ऑब्जर्व वही करके काम होके एकदम ऑब्जर्व करो, राइट। जैसे अगर मैं, जब भी मेरी सिस भी होती थी, तो जैसे ही नरेशन खत्म हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं भाई कि तुम सबसे पहले बोलोगे तब तुमको ले लेंगे, ठीक है, या तुमको नॉमिनेट कर दिया ग्रुप में तुमको ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चक्कर में मत पड़ो जो आपको कोचिंग सिखाते हैं। सिंपल मैं क्या करता था कि, और इस एक पॉइंट से बहुत कुछ शो होता है, जैसे ही सबने नरेट कर लिया, 10 लोग 15 लोग जो भी है, मैं बोलता था जेंटलमैन, एज फोर ऑफ अस हैज मेड स्टोरी अराउंड दिस थिंग, सो लेट्स डिस्कस अराउंड दिस थिंग। तो ये शो क्या करता है, वो जो मैंने 4 बोला, आई उसको नहीं पता सामने वाले को, उसको याद भी नहीं होगा कि 4 ने बनाया था 5 ने, और डजेंट मैटर 4 ने किया था 5 ने, लेकिन ये यहाँ से मैसेज क्या जाता है, यार ये बंदा सुन रहा था, उसको पता है कि हाँ 4 लोगों ने इस थीम के अराउंड स्टोरी बनाई है, सो ये बोल रहा है इस पर डिस्कस करें। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको अगर करते हो तो फिर वो राइट मैसेज जा रहा है वहां पर। सो इट इज बेसिकली ना बिहेवियर ऑफ अ लीडर। एक बंदा है जो वहां पे भी अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहा है, वहां पे भी प्रेशर में, एंड योर, ये चीज मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा कि ये क्या शो करती हैं, बहुत सारी चीजें शो करती हैं भैया। आपने बहुत सही पॉइंट जो है मेंशन करा, लिसनिंग तो है ही, लेकिन एक बिहेवियर ये शो करती है, वो कैसे वो मैं बताऊंगा। सो नरेशन शुरू हो चुकी है, आप थीम ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उसकी स्टोरी ऑब्जर्व कर रहे हो, उसका लॉजिक, तो ऐसे बंदे होंगे जिसकी थीम आपसे मिलती जुलती होगी, है ना, तो उसके एक्शंस भी लगभग आपसे मिलते जुलते होते हैं और वो होंगे ना, उसको ज्यादा नॉलेज होगी तो वो कुछ ज्यादा डाल देगा, कम होगी तो कम डाल देगा। तो वहां पे आपको ये सोचना है कि अगर ग्रुप इसके थीम पे गया तो मैं क्या ऐड कर सकता हूँ इसमें, ये आपको सोचना है वहां पे। एग्जाम्पल से और बताओ। अगर एग्जाम्पल से, जैसे मान लो कोई सर्वे करवाना है गाँव में, ठीक है, या फिर किसी की बहन है उसका डीयू में एडमिशन करवाना है, है ना, तो दो बंदे हैं, मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स में करवा दिया एडमिशन, और उसने करवा दिया आपका बीए में, है ना, बीए हिस्ट्री ऑनर्स में करवा दिया। सो उसने क्या एक्शन लिखा कि भाई पहले पढ़ा हुआ है तो गया अपने पेरेंट्स से पहले तो परमिशन ली, है ना, और फॉर्म भरवाया, ये फॉर्म भरवाने के बाद पेपर की तैयारी करवाई, लड़की है तो वो लड़की भी आ पी हो स्टोरी में, लड़की ने करी डिसिप्लिन्ड होके तैयारी, पेपर दिया, लड़का जो है पेपर दे मतलब साथ गया उसके, है ना, घर वालों से प्रॉपर पैसे लिए और सब बताया कि हम कैसे जाएंगे कहाँ जाएंगे, प्लान किया, उसके बाद पेपर क्वालिफाई हो गया, कट ऑफ आई, कट ऑफ में आ गया, फिर जो है गए वहां पे एडमिशन ले लिया, है ना, तो ये एक स्टोरी हो गई, एडमिशन ले लिया और घर वाले खुश थे, लेकिन वही मेरा दिमाग चले चमकेगा कि भाई इसमें चल ठीक है तूने सब सही किया, तू बस दो तीन चीज और ऐड कर ले कि अप डाउन से बच के लड़की को वहीं पे हॉस्टल दिलवा दिया,
अब उसके कन्वीनियंस के लिए घर वालों से बात करी कि हॉस्टल विल बी गुड, पीजी विल बी गुड, क्योंकि वहां पे टाइम बचेगा उसका, जो ट्रेवल का टाइम है शी विल बी गिविंग इन इन हर स्टडी स्टडीज, है ना। सो आपने वो चीज पॉइंट ऐड कर दी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने जो दोस्त रह रहे हैं ऑलरेडी वहां पे, यू कॉन्टेक्टेड देम, है ना, यू गॉट एन आइडिया कि हाँ भाई क्या प्राइसिंग चल रही है और अकोमोडेशन का क्या है, गर्ल्स पीजी की सिक्योरिटी वगैरह क्या रहती है। पर उनकी जो लड़कियां दोस्तों दोस्त थी उनसे आपने बात करी कि हाँ यार कैसा है ये पीजी, क्या है और इसमें रह सकते हैं क्या। सो ये सारी चीजें आई कैन ऐड। सो थीम सेम है, कुछ एक्शन उसने मिस कर दिए, आपने ऐड कर दिया उसी टाइम पे। सो ऐसे वी कैन ऐड, हाँ, होप इसका मतलब आई कि एम ये मेकिंग कि इट क्लियर। हम आई एग्री विथ यू जेंटलमैन, के अलावा भी बोलना होता है बिल्कुल सर, दिमाग लगाना होता है। राइट, ठीक है। तो ये हाँ तुषार सो बता रहे थे कि आप कैसे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बताइए। यस, सो ये था सेम थीम के लिए। तो इसके में आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, कुछ ऐसा होगा जो उसने बढ़िया ऐड करा होगा वो आप ग्रुप के आगे ला सकते हो, या फिर कुछ ऐसा होगा जो आप ऐड कर रहे हो वो अच्छा होगा वो आप ऐड करवा देना बाद में ग्रुप में। फिर आते हैं दूसरे बंदे जिनका थीम बिल्कुल ही है अलग है। मैंने भाई बहन बनाया और उसने एनजीओ वर्कर बना दिया, और उसने बना दिया आपका चीफ जो मतलब इलेक्शन कमेटी के होते हैं कि भाई वोटिंग करवाने के लिए वो डेटा कर रहे हैं, है ना। उसमें फिर आपको ना सारे एक्शन खुद के सोचने कि अगर मैं ये थीम बनाता तो मेरे ये एक्शन होते, और सेम चीज आपको वहां पे भी हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई बहन बनाया उनको, लेकिन उसने बनाया कि वो डेटा कलेक्ट करने आया है। अब वो सारी चीजें बताएगा ऐसे 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 किया, लेकिन आपके दिमाग में यह है कि यार यू कैन यूज यू कैन टेक हेल्प ऑफ दी सरपंच, है ना, जो पंचायत मेंबर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उससे जो विलिंगली बंदे फिर करेंगे, जब वो बंदा कहेगा गांव वालों को तो विलिंगली सब एनरोल कराने के लिए आएंगे। सो ये आप ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हो वहां पे जिसका थीम बिल्कुल ही अलग है। अब ऐसे करते करते आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सबकी सबकी स्टोरी आपको याद भी रहेगी, स्क्रीनिंग के बाद भी आपको याद रहेगी कि यार इस बंदे ने ये स्टोरी बनाई थी, क्योंकि आपने सुना बहुत अच्छे से है, आपने एक्शंस बहुत अच्छे से सोचे हैं, आपने खुद का दिमाग लगाया है। फिर आपके साइड वाला है ना, इसके तब तक भी आपका मतलब स्टोरी आपको अपनी सोचनी नहीं है जब तक साइड वाले की नरेशन खत्म ना होने वाली। फिर जब उसकी नरेशन होने वाली है खत्म, टेक अ डीप ब्रेथ, और जो आप सोच चुके हो 5-6 बार कि मुझे ये नरेट करना था, वो एक फ्लो में नरेट कर दो, क्योंकि यू आर सबकॉन्शियस, आप एक फ्लो में नरेट कर दोगे वो अपने नरेशन के बाद, अगेन दैट साइकिल कंटिन्यूज कि आप एक्शन उनका लॉजिक उसके एक्शन में उसके थीम में क्या ऐड कर सकते हो, ये सब चीजें बेसिकली ऑब्जर्व करनी है। फिर जब लास्ट बंदा खत्म होगा तो रामायण का युद्ध शुरू होता है, फिर महाभारत का युद्ध शुरू करता है जीडी। सो आई होप अभी तक सर क्लियर है सब कुछ, फिर मैं जीडी का बताता। हाँ, अभी तक मेन था स्क्रीनिंग में यार, OER तो हो गया, उसके बाद कैसे अप्रोच करना है स्टोरी को ऑब्जर्व करके, और तुमने एग्जांपल के थ्रू ये बताया कि हम कैसे कुछ फ्यू चेंजेस करके बहुत, क्योंकि एट द एंड अपने आप को मार्केट ही करना है वहाँ पे, बताना है कि हमारी खासियत क्या है, ठीक है, नो मैटर आप कितने अच्छे हो, ठीक है, वो चीज़ हो गई। देन लेक्चरेट हो गया, कि लेक्चरेट में अगर आप बार बार अपनी स्टोरी के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप फंस जाओगे, अटक जाओगे बोलते हुए, ठीक है, वहीं पर काम रहो, एक दो बार पढ़ लो, 3-4 बार, और इनफ मौका होता है बीच में जहाँ पे आप नरेट कर सकते हो, एंड उसके बाद फिर मेन GD, GD में जो है पॉइंट हमारा ऐड करने वाला, जो तुमने स्टार्ट किया था, जीडी का, ठीक है। हाँ जीडी का थोड़ा शुरू करता हूँ। जो इतनी तैयारी आपने करी है, जो इतना ध्यान से आपने सब चीजों को ऑब्जर्व करा है, इन दैट सबकॉन्शियस वो मोड वो आपने करा ही जीडी के लिए है। सो यू आर नॉट देयर टू जस्ट परफॉर्म, यू आर नॉट देयर टू पार्टिसिपेट, ये आपने करा है अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें जितनी भी मैंने चीजें करवाई हैं, जो मैं करता था या फिर बोल रहा हूँ करने के लिए, उसमें आपका अपना खुद तो है ही नहीं कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट दी नरेशन, है ना, वो नरेशन खुद की थी, लेकिन बाकी जो आपने करा है ना वो ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए करा है। बेसिकली यू आर अज्यूमिंग द एम ऑफ द ग्रुप, है ना, हायर देन योर ओन जो आपका एम है उससे। तो जब जीडी शुरू होता है तो आपके पास कंटेंट है कि हाँ भाई किसका थीम सही है, कितने लोगों का थीम सही है पिक्चर के हिसाब से, वो लॉजिक आपने पकड़े हैं तो आप वो सीधा पुट करो। बहुत बंदे नंबर ऑफ कैरेक्टर पे झगड़ रहे हैं, उनके एज पे, सेक्स पे, जेंडर पे, मूड पे, इन पे झगड़ रहे हैं। अगर आपको मौका मिल जाता है कि वो आप बोल पाए तो भाई बोल दो कि सबने चार देखे थे तो चार एज्यूम कर लेते, लेकिन आप थोड़े हायर लेवल की चीज पे कर चुके हो पहले, आप चार थीम बोलो उसमें कि हाँ भाई ये चार जो है पिक्चर के लिए सही थे क्योंकि पिक्चर में ये दिख रहा था। सीधा आप कॉन्फिडेंट हो, आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन सही है कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये चार थीम थे और इस वजह से थे, आपकी रीजनिंग एबिलिटी ठीक है, तो आप लॉजिक पकड़ पाए सबके। अब कोई बंदा मान लो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपको कि नहीं यार ये थीम भी तो हो सकता है, तो आपने जो लॉजिक सोचे हैं कि भाई देख
आपका थीम अच्छा है, उसमें कोई हम वो नहीं कर रहे, लेकिन पिक्चर में ये था, वहां पे आप उसको लॉजिक के साथ चीजें समझा रहे हो, और वो फिर शांत हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे ग्रुप बढ़ता है, चार में से वो दो थीम पे जाएंगे, है ना, तो आपके पास एक्शन तैयार है, हर बंदे के लिए एक्शन तैयार है कि इसने ये थीम लिया, ले चल तू ये थीम मान रहा है, ठीक है तेरे पॉइंट्स अच्छे हैं, लेकिन तू ये ऐड कर ले मेरी ओर से। कोई नहीं सुन रहा होगा ये बात आपकी, आप खुद भी नहीं, आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन GTO इज ऑब्जर्विंग यू, IO इज ऑब्जर्विंग यू, एंड साइकोलॉजिस्ट हैज ऑब्जर्व यू इन योर स्टोरी। सो जब ऐसे बिहेव करोगे आप, तो ये शो करता है आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है, एंड SSB इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर, मेंटल आपका साइकोलॉजी से हो गया, आपका ग्रुप बिहेवियर GTO, और आप जो बोलने से आपकी बॉडी लैंग्वेज बिहेव करती है, आप बिहेव करते हो, वो सब वही वही चेक करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्क्रीनिंग प्रोसेस। अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे बिहेव करोगे, तो चांसेस होते हैं कि आप स्क्रीनिंग पक्का हो जाओगे। ठीक है। सो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आपका जो इंडिविजुअल टेस्टिंग है वो आप स्टोरी पार्ट, ओआर पार्ट और नरेशन पार्ट पे खत्म हो चुका है। अब ग्रुप जी टेस्टिंग सर, और ये चीज जीडी जो हमारा अंदर होता है, जीटीओ जो कराता है, उसके लिए भी अप्लाई होता है कि यार वहां पे आपकी ही स्टोरी सुने, वो आपकी ही स्टोरी कॉमन स्टोरी बने, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो चीज़ टेस्ट ही नहीं हो रही है। चीज़ ये टेस्ट हो रही है कि अगर एक ऐसी स्टोरी है जिसको ग्रुप जिस पर डिस्कस कर रहा है, आप उसको क्या आगे ले जाना चाहते हो, नहीं चाहते। ठीक है, जीटीओ कभी बिल्कुल पूछता है कि क्या कोई किसी को ऐसा लगता है क्या कि उसकी स्टोरी अच्छी है या वो कुछ ऐड करना चाहता है। कभी कभी कुछ लड़के बोल देते हैं कि हाँ सर, मेरे हिसाब से मेरी स्टोरी में ये है और ये, तो वहां वो अपनी बोल देते हैं इंस्टेड ऑफ ग्रुप। तो यस ये चीज़ ध्यान रखना यस, है कि ग्रुप का मतलब क्या है। ठीक है, कोई तो कोई गलत नहीं है कि आप अपना थीम गिवअप कर रहे हो। आप गिवअप कर रहे हो समझा के कि चल ठीक है यार, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आप समझाओ लॉजिक सबको कि मेरा थीम तो ये हो सकता है और इस वजह से है, लेकिन ग्रुप लग रहा है कि नहीं भाई, ग्रुप जाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि वो 10-15 सेकंड में चीजें हो रही होती हैं। यू गिव अप योर थीम फॉर योर टीम, फॉर योर ग्रुप, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि यार अपने अपना थीम छोड़ दिया दूसरों के लिए, है ना। और एक चीज, हमको वहां पे कैंडिडेट बनना है। हम क्या करते हैं, हम कैंडिडेट भी होते हैं और एसेसर भी होते हैं, कि हम खुद को भी जज कर रहे होते हैं यार, यहाँ मैंने ये बोल यस दिया, इसने बोला ये तो हो जाएगा, मैं नहीं होगा। तो ये चीजें भी नहीं करनी है क्योंकि आपसे वो बेटर जानते हैं। ठीक है। भैया, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि इतने मिसकंसेप्शंस हैं कि भाई जो जॉब से आ रहा है उसकी पर्सनालिटी तगड़ी है, जो प्रीवियसली रिकमेंडेड है वो तगड़ा है। मैं 2 बार रिकमेंड होने के बाद कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और दोनों में मेरी AIR 3rd है और AIR 1 है, मैं कॉन्फ्रेंस अभी आउट हुआ उसके बाद, अभी कुछ दिन पहले कुछ दिन पहले ही हो, IMA के ना। SHB के तुरंत बाद। अच्छा। मिसकंसेप्शन होते हैं, हम क्या सोचते हैं कि भाई रिपोर्टिंग कितनी है, स्क्रीनिंग कितनी होगी, कितने प्रीवियसली रिकमेंडेड आए हैं, और स्क्रीनिंग में आप जब बात करते हो तो आपको सबकॉन्शियस लेवल पे आप थक जाते हो या हार जाते हो कि यार ये बंदा तो तगड़ा है मेरे से, इसके कम्युनिकेशन स्किल तगड़े हैं, इसके तो ये, और ये मेरे ग्रुप में आ गया। सो वी अज्यूम लाइक यू नो स्टार्ट अज्यूमिंग लाइक दैट कि ये चीजें ना दिमाग में चल रही होती है, और फिर हावी हो जाती है हमारे, नहीं करनी होती। वहां पे आप कैंडिडेट हो, करेक्ट। असेसिंग का काम असेसर्स पे छोड़ दो, और अपना परफॉर्म करो, अपना कंट्रीब्यूट करो इन व्हाट एवर मैनर यू कैन, है ना, अपने हिसाब से जो आपको लगता है कि यार मेरा ये सही है, ये बेस्ट है मेरा, दैट्स इट, वो जरूरी। ठीक है, तो तुषार स्क्रीन हो गए, तुम कर देते हैं तुमको। अभी बात करेंगे सेकेंड डे जो हमारे टास्क होते हैं, दैट इज साइक। साइक को यस सर, लेके जो सबसे आई थिंक डर जो लोगों को लगता है वो साइक से ही लगता है कि स्टोरी, क्योंकि वही जो आपने बताया अभी, स्टोरी लिखनी कैसे है, आई थिंक वो चीज़ हमने पार्ट कवर कर लिया है कि स्टोरी को अप्रोच कैसे करना है। लोग क्या करते हैं कि लोग बस प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, WAT की प्रैक्टिस, SRD की प्रैक्टिस, SD लिखे जा रहे हैं, राइट, कुछ भी। SD मतलब महल खड़े कर दिए कि मम्मी तो मानती है कि बच्चा बहुत ओबीडियंट है, और TET में लिख रहे हैं कि लेट क्यों हो गए, मम्मी को पता ही नहीं है, मम्मी गुस्सा खड़ी है। मम्मी मान लो एक फोटो आती है कि मम्मी गुस्सा है, वहां कोई भी रीजन, मम्मी गुस्सा हो गई थी क्योंकि मम्मी को ये नहीं बताया था, सुबह उठ नहीं पाए जल्द, जो भी है, तो हाँ वो कॉन्ग्रुएंसी फिर नहीं होती। ठीक है, दिख रहा होता है कि हाँ झूठ बोल रहे हो। तो साइक को कैसे अप्रोच करें एज अ होल पूरा? सर, साइक में जो पहली चीज मुझे समझ में आई थी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, कि भाई कोई भी गलत चीज हो रही है, कोई भी सही चीज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो बेसिकली आपके माइंड का मेच्योरिटी लेवल शो करेगा, है ना। आप कोई भी प्रॉब्लम डाल रहे हो, आप कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, आप कोई भी काम करवा रहे हो, और कैसे करवा रहे हो। अब मेच्योरिटी में वो नहीं कह रहा, सी आई एम ऑफ 21, मेरी 21 साल उम्र है, मेरी मेच्योरिटी नहीं है मेरी बहनों जैसी, जो मेरी बड़ी बहनें हैं, फिर जो बेसिकली उनके फ्रेंड्स हैं, या फिर सीनियर्स हैं, जो या फिर जिन सर से मैं पढ़ाऊँ, शुभाशीष सर, उनके लेवल की मेच्योरिटी है ही नहीं मेरी, है ना, वो हो भी नहीं सकती क्योंकि एज ज्यादा है उनकी, उन्होंने चीजें ज्यादा देखी हैं। हम करेक्ट। सोचते हैं कि भाई बहुत तगड़े एक्शन लिखने हैं, वो नहीं करना होता, लेकिन आपको
हर चीज में अपना कैरेक्टर दिखाना है, हर चीज में आप कैसे बंदे हो वो दिखाना है। अभी मैं समझाऊंगा, एक WAT के एग्जाम्पल से समझाऊंगा। टेट में तो मैं बता चुका हूँ कि वो दोस्त दोस्त सब आप हो, आप क्या शो कर रहे हो अपने बारे में, ये है सेल्फ असेसमेंट। आप अगर करना चाहो तो वो हो जाता है ना। लेकिन WAT से भी एक बार समझा दूंगा। तो साइक में सबसे पहली चीज है, इट इज ऑल अबाउट आपकी साइक, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है भाई? आपका बिहेवियर है वो मेंटल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है। कोई भी स्टिमुलस आपको दिया, आपके दिमाग में क्या वर्ड्स आए उससे रिलेटेड, क्या रिस्पॉन्स आया, आपने क्या लिखा, एक एक वर्ड मैटर करता है। द मोमेंट यू राइट लेट, उसमें वो साइकोलॉजिस्ट वहीं मार कर देगा कि अच्छा लेट, अब पढ़ता हूँ आगे क्या है ना। कोई आपको नेकेड लड़की दिखी है ना, एक लड़के के साथ उसमें पिक्चर में, और आपने रेप करवा दिया। द मोमेंट वो आपने करवा दिया ना, आपने दिखा दिया कि हु द हेल यू आर फ्रॉम हियर। अब उसके बाद आप कितनी ही रिपोर्ट कर लो, कितनी ही रिसर्च करवा लो, कितनी ही इन्वेस्टिगेशन करवा लो, कितनी ही आप कितनी फांसी दिलवा दो आप बंदे को जिसने करा है, बट यू हैव शोन, कर भी आप ही रहो, वो काम भी आप कर है रहे ना। हो। वो यस वो है भाई, क्यों क्यों तुमको रेप दिख रहा है? वो पति पत्नी भी हो सकते हैं भाई, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। दे आर टेकिंग केयर ऑफ करेक्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच अदर, है ना। वो हाँ, इंटीमेसी का मतलब ये नहीं है गलत है वो। सो ये चीज होती है कि आपको कहाँ लेके जाना है। वो पुलअप करता बंदा हुआ, आपको आधा दिखाया गया, आपके दिमाग में सुसाइड आया। सो एक वो है कि नेगेटिव स्टिमुलस हो गया ये, तो आप कैसे हैंडल करते हो। इसमें भी फिर आपको कैरेक्टर शो करना होता है अपना। अगर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव सब सेम स्टोरी बनाएंगे। अगर मान लो आपको दिखा कि बर्थडे की प्रिपरेशन हो रही है, तो सब बर्थडे करवा देंगे, क्योंकि सबने सबको पता है कैसे होता है। शादी हो रही है तो सब करवा देंगे कि कैसे होती है शादी, सबको पता है। लेकिन उसमें भी लेकिन काफी कुछ शो हो जाएगा। जैसे सबसे वही मुश्किल होती हैं ये पिक्चर्स, आसान हमें लगती हैं कि बर्थडे दिख रहा था यार, बर्थडे बना दिया कि ग्रैंडफादर का 25th या 50th एनिवर्सरी बना दी। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या करा रहे हो, आप करा कैसे रहे हो, ठीक है, कि करा आपने कैसे रहे हो। कैसे अपने यस दोस्तों की हेल्प ली, कैसे इनवाइट किया, पापा से डिस्कस किया कि यार कि ये हमारा गेस्ट लिस्ट है, इसमें से किसको किसको बुलाना है, कार्ड में नेम लिखे दोस्तों के साथ बुला के उनको, 3-4 लोगों को, ठीक है, स्वीट्स कैसे अरेंज कर रहे हो घर पे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये आप तभी लिख पाओगे जब आपने एक्चुअली देखा है, किया है ऐसा कुछ, ऑर्गेनाइज किया होगा, ठीक है। बिल्कुल। सो एक तो ये हो गया कि आपको कैरेक्टर शो करना है, थोड़ी नॉलेज इसमें जरूरी होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप कभी पुलिस स्टेशन नहीं गए तो आपको पता नहीं होगा कि पुलिस स्टेशन में काम कैसे होता है। सो वो आपको रिसर्च करनी है, वो आपकी नॉलेज के लिए है, वो आपकी मेंटल मैच्योरिटी के लिए है, लेकिन अल्टीमेटली आपको दिखाना कैरेक्टर ही अपना। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे WAT का एग्जाम्पल ले लो। बेसिकली साइक ही है, TAT, WAT, SRT, साइकोलॉजिकल टेस्ट है तीन। सो WAT में एक वर्ड आया चाइना, सो इट इज बेसिकली अ स्टैटिक वर्ड, है ना। सब कहते हैं कि इस पे क्या तुम कैरेक्टर शो कर पाओगे, अपना क्वालिटी कौन सी शो कर पाओगे। सो बंदे बनाते हैं कि भाई चाइना इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, चाइनाज इकोनॉमी इज ग्रोइंग डे कुछ तो बाय करंट डे, अफेयर लग जाता है, कुछ चलेगा वो भी, भी, या फिर लेकिन वी वी परफॉर्म हैंड इन हैंड एक्सरसाइज हाँ एक्सरसाइज विद वही चाइना, ऐसा कुछ, इग्नोर ऐसा कर कुछ रहे। लिख देंगे। लेकिन एक बंदा होगा जो लिखेगा कि कोऑपरेशन विद चाइना, है ना, ब्रिंग्स पीस, या फिर ब्रिंग्स ग्रोथ इन सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे जहां आपने लिखा कोऑपरेशन, वहां आपकी एक क्वालिटी चले गई ऊपर। जहां आपने लिखा कि हाँ भाई पीस, या फिर ट्रैंक्वलिटी टॉक्स विद चाइना, है ना, ये, या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन हो गया, म्यूचुअल ट्रेड हो गया, वो सोशल वेलफेयर इंक्रीज कर सकता है लोगों का। सो यहाँ आप कैरेक्टर शो कर रहे हो। करेक्ट। तरीका वही है, तरीका तो हमें सर ने सिखाया था कॉज और इफेक्ट का, WAT का, लेकिन उसमें भी इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैरेक्टर क्या शो कर रहे हैं। वो थोड़ा मैं बता देता हूँ कॉज इफेक्ट कैसे चलता है ना। उसमें फिर मैं ये समझा दूंगा कि कैसे शो करना होता है अपने आप को, कि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक कॉज होता है, उसकी वजह से इफेक्ट होता है। मैंने तैयारी करी, मेरा पेपर निकल गया, मैंने रिटर्न की तैयारी करी, मेरा फिर SSB, मैंने SSB की तैयारी करी, SSB निकल गया। मैंने रनिंग करनी शुरू करी, तो मैंने 2 किलोमीटर से करी, डिसिप्लिन रहा, रेगुलर रहा, और उसके बाद क्या हो गया, मैं मैराथन भागने लगा। तो हर कॉज का एक इफेक्ट है। अब क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है ना, वो खुद अपने आप में भी एक कॉज होता है। कैसे? मैंने 2 किलोमीटर भागना शुरू करा, मैं 21 भागने लगा, तो बेसिकली मैं लॉन्ग डिस्टेंस भाग रहा हूँ अब। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, मेरा मेंटल पेशेंस इंक्रीज हो रहा है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मेरा फिजिकल स्टेमिना, एंड्योरेंस इंक्रीज हो रही है। लॉन्ग डिस्टेंस में दोस्तों के साथ भाग रहा हूँ, मेरा बॉन्ड अच्छा हो रहा है उनके साथ। सो अब वो करेक्ट। लॉन्ग डिस्टेंस जो रनिंग है, वो खुद अपने आप में कॉज है। और वो क्या क्या चीजें करवा रहा है, मेंटल स्टेमिना, मेंटल पेशेंस,
फिजिकल स्टेमिना, एंड्योरेंस, बॉन्डिंग विद आपका मेट्स, ये सारी चीजें करवा रहा है. सो एवरी कॉज हैज अ इफेक्ट एंड एवरी इफेक्ट इज अ कॉज इन इटसेल्फ. ये कॉन्सेप्ट था. इसी में काफी वर्ड्स बन गए, तो इसको एग्जांपल से ये एक तुषार कहना ये चाहते हैं कि जैसे मान लो कोई वर्ड आ गया डिसिप्लिन, ठीक है, या रेगुलरिटी या रनिंग, तो रनिंग वर्ड से उन्होंने रनिंग को उन्होंने कॉज ले लिया कि रनिंग से क्या होता है, रनिंग से बॉडी फिट रहती है, राइट। और कहीं भी मान लो अगर फिट लिखा है, बॉडी लिखा है, अब बॉडी फिट होने से क्या होता है, आपका माइंड अच्छा होता है, आप अच्छे हो तो घर में माहौल अच्छा होगा, आप ध्यान रख पाओगे घर वालों का। तो मतलब ऐसे वर्ड्स आप सोच सकते हो कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास क्वालिटी शो हो रही है, आप रट नहीं रहे हो कि अगर प्रैक्टिस आ गया तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, उसकी जगह हाँ, पे कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, आप ये लिखोगे तो फिर वो शो होगा कि हाँ आप कर रहे हो एक्चुअली। यस. सो जैसे दो वर्ड से मैं समझाऊंगा, एक वॉर और दूसरा मैं भी बताता हूं थोड़ी देर में. वॉर हो गया. अब वॉर का कॉज क्या होता है? वॉर का कॉज होता है बेसिकली बायलेटरल क्लैशेस, है ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होना, और आपका बेसिकली जियो पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस, ये सारी चीजें होती हैं. फिर रिसोर्स के ऊपर जब लोड पड़ता है दो कंट्रीज के, तब हो जाता है, रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है. तो इनकी इनकी वजह से वॉर हो. सो अब हम कैसे सोच सकते हैं कि भाई इन चीजों को न्यूट्रलाइज करके, या फिर इन चीजों को अगर हम ना करें या फिर सॉल्व कर लें, तो वॉर प्रिवेंट हो जाए. सो बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रिवेंट वॉर्स, है ना. और आपका म्यूचुअल बायलेटरल टॉक्स हो टॉक्स। गई, बायलेटरल टॉक्स हो गई, ये सारी चीजें वॉर प्रिवेंट कर रही है. तो एक कॉज हो गया म्यूचुअल टॉक, उसका इफेक्ट क्या है कि वॉर जो है प्रिवेंट हो जाएगा. एक दूसरा तरीका है कि वॉर अगर हुआ तो क्या क्या चीजें होती हैं. वॉर के होने से क्या होता है कि इकॉनमी खत्म हो जाती है. वॉर से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाता है बिल्कुल, इकॉनमी डिग्रेड हो जाती है, सोशल वेलफेयर खत्म हो जाता है लोगों का, ईज ऑफ लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है, एजुकेशन पे बहुत फर्क आता है, रिसोर्सेज रिसेशन हो जाता है. सो वॉर के इतने सारे इफेक्ट हैं. तो ऐसे भी सेंटेंसेस बन सकते हैं कि भाई वॉर डिटोरिएट्स दी इकॉनमी, या फिर वॉर ब्रिंग्स इकॉनमिक रिसेशन, वॉर ब्रिंग्स अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें. सो वॉर के ऊपर ये सेंटेंसेस, लेकिन इन सेंटेंसेस में आप कैरेक्टर के बारे में क्या शो कर रहे हो. वॉर से आप शो कर रहे हो कि भाई वॉर अगर दिमाग में आया, आपको रिसेशन याद आ रहा है, आपको इकॉनमी खत्म होती हुई याद आ रही है, आपको लोग मरते हुए याद आ रहे हैं, है ना, एक ऐसे है. और दूसरा आप वॉर को प्रिवेंट करवाने के लिए कर रहे हो कि अगर मैं ये करूंगा तो वॉर नहीं होगा. सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक कि भाई कैसे मैं अपना करेक्टर शो कर सकता हूँ. अब ऐसे ही एक दूसरा वर्ड हो गया, जैसे सेक्स है. बहुत बहुत लोग क्या सोचते हैं कि भाई नेगेटिव वर्ड है और स्टिमुलस जो है बेसिकली उससे भागने की कोशिश करते हैं. सेक्स को पॉजिटिव बनाएंगे, वो पॉजिटिव कैंडिडेट्स होते हैं कुछ लिख देते ओएलक्यू हैं, वाले. माय माय सेक्स इज मेल। सो कैसे कैसे करते हैं कि भाई उसको सेक्स एजुकेशन पे ले जाएंगे, विच इज गुड. जेंडर पे ले जाएंगे, वो महा बेवकूफी होती है, या फिर सेक्स हार्मोन पे ले जाएंगे, महा बेवकूफी होती है. कुछ कुल मिला के वो भागते हैं इस वर्ड इग्नोर से, करते हैं, राइट, जी के इग्नोर लिखे। करते हैं. हाँ, लेकिन इतना प्यारा वर्ड है भाई, अब एक्सेप्ट करने वाली बात है कि वी ऑल आर बिकॉज ऑफ इट. वो अलग बात है कि ये वर्ड आपने सुना और पोर्नोग्राफी और अदर चीजें इतनी हावी हैं आपके ऊपर कि आपको वो लड़की एग्री। याद नहीं आ रही जो आपके साथ रिलेशनशिप में है, इंटीमेसी में है, या फिर आपको वो कपल याद नहीं आ रहा, है ना, आपको याद आ रही है ये सारी चीजें, हुकअप्स एंड ऑल, ये सारी चीज आपके दिमाग में आ रही है. सो अब सेक्स आया तो उसकी रिस्पॉन्सेज क्या हो सकती है कि भाई इट इज गुड फॉर माइंड, गुड फॉर हेल्थ, सेक्सुअल हेरेसमेंट, रेप, और आपका डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसी चीजें आती हैं दिमाग में. लेकिन एक दूसरा बंदा है जहां सेक्स आया उसको वहां पे ना इमोशनल कंफर्ट आ रहा है उसके दिमाग में, इमोशनल कंफर्ट दिख रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है ना, और सिक्योरिटी दिख रही है, और बॉन्ड दिख ट्रस्ट, रहा है, ट्रस्ट दिख रहा है. बिल्कुल, एक बंदा है कमिटमेंट, उसके ये ट्रस्ट दिमाग बहुत में ले आ रही सकता है. हूँ। बहुत ले सकते हो, वर्ड एक ही है, कॉज इफेक्ट इसके 10-15 हो सकते हैं, और वो भी है तो सारे ही, लेकिन अब उसमें भी ना आपका करेक्टर अलग जगह पे अलग शो होगा. सो वो एक फिल्टर क्रिएट करना होता है अपने आप पे कि मैं क्या शो करना चाहता हूँ. और ऐसा नहीं है कि आप हुकर हो और आप भाई शो कर रहे हो ट्रस्ट, टेक मी दिस इन रिटर्न, सबकॉन्शियस हो जाओगे, वहीं कचरा फैल जाता है सारा. भाई आपको बनना पड़ेगा ऐसा और फिर शो करना पड़ेगा. अगर आप ट्रेन कर लेते हो बहुत ज्यादा, देन यू कैन फेक फेक इट.
सो ऐसे चीजें शो होती हैं साइकोलॉजी से, और ये भी मैंने बाद में मतलब सीखी, हालांकि लड़का मैं भी अच्छा था शुरू से ही, बट कैसे शो करनी होती है वो बाद में समझ में आया। मैं जानता हूँ जानता हूँ। इसी पे एक क्वेश्चन जब मैं कल पूछ रहा था ना कि क्या क्वेश्चन पूछूं मैं तुषार से, एक क्वेश्चन आया था तुषार किस पूछना सर क्या सिंगल है क्या, एक ही क्वेश्चन काफी मिला था उसमें जवाब दे दो भाई इसका। जी सर, मैं पूरा सिंगल हूँ, हार्ड कोर सिंगल हूँ, जैसे हार्ड कोर रिपीटर होते हैं 16 अटेम्प्ट वाले, अच्छा ऐसा सिंगल हूँ मैं। तो वैकेंसी है या फिर क्लोज्ड? बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल वैकेंसी है, ऐसा कोई सीन नहीं है। अबे बेटा जिस दिन तुम्हारा वॉलपेपर है ना आईएमए वाला, जिस दिन कोई तुमको मिले जो उस वॉलपेपर को चेंज करा दे और अपना लगा दे, शी इज द यस वन। सर, ठीक है बिल्कुल सर, मैं तो शो करता हूँ, देखो वॉलपेपर ही दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो यहाँ लगाना उसकी बिल्कुल फोटो, लेकिन तब तक वेट करो। ठीक सर, वही है, देखो हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए, इसको हम बाद में करेंगे, अभी की क्लैरिटी क्यों जरूरी है। सिंगल हूं इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, मैं सर्टेन चीजें चाहता हूँ इसलिए नहीं चाहिए, वो फिर सेल्फिशनेस है, वो म्यूचुअल है, वो दोनों साइड के लिए जब होगा वो क्लैरिटी होगी कि यार हाँ ये इंसान क्यों मेरे साथ, और करेक्ट। जब उसके लिए भी होगा जो चीजें मैं डिमांड करता हूँ, जब वो भी डिमांड सेम चीजें करेगी या फिर मिलती जुलती चीजें करेगी, तो हो जाएगा वो सब। इट्स बेसिकली म्यूचुअल, आप ये नहीं हो सकते कि भाई गर्लफ्रेंड नहीं है तो चलो गर्लफ्रेंड बनाते, नहीं वो नहीं होना चाहिए। तो आई एम करेक्ट ए को जो करेक्ट, रिप्लेस कर देगी वही है फिर। बस बस सही। ठीक है ओके। सो नेक्स्ट तुषार, तो जो WTA के लिए तुमने बताया और जो तुमने बताया TT के लिए, आई थिंक वही सेम चीज SRT पे भी अप्लाई होती है कि वहां भी अगर आपने माइन्यूटली फोकस करना है कि आपने अगर ये लिखा कि एक्सीडेंट हो गया, आप क्या लिखते हो, हॉस्पिटल लिखे गया और उसके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया, खत्म, इतने में आपका रिस्पॉन्स खत्म। और उससे अगर आप डिटेल लिखो कि पहले आपने एक भाग के आप किसी को आपने बोला कि पानी की बॉटल लेके आए, उसको पानी पिलाया, ठीक है, जो उसका इंजरी था उसको धोला वहां पे, राइट, हेल्प लिया किसी से, लिफ्ट लेके फिर आप लेके गया हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेक किया, तो शॉर्ट में लिखना है इसको, डॉक्टर ने उसका थोड़ा बहुत पल्स वगैरह चेक किया, बीपी चेक किया, जो भी है, फिर आपने कॉल किया कि यार कोई जरूरत परेशानी की बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे इसके साथ, या आपने अगर आपका मीटिंग है कुछ भी है, आपने बॉस को फोन कर दिया कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, और बॉस ने बोला ठीक है, बॉस भी आप ही हो, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन बिल्कुल भैया, सही बात कही आपने, और आपने जो पानी का मेंशन किया कि पानी मांग लिया, एक ये परसेप्शन भी हो सकता है, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, कि भाई मैं तो पानी कैरी करता हूँ, आई गेव इट गेव हिम वाटर, मतलब गेव हर वाटर, सीधा दे दो, है ना, आपके करेक्ट। पास होता है। दूसरी चीजें अब इतना तो नहीं करना होता कि मेडिकल किट थी मेरे पास वहीं इलाज कर दिया, बट रूम हैंकी से या फिर किसी राइट कपड़े से यू कैन गिव फर्स्ट एड, है ना। करेक्ट। दूसरा हो गया, आपने ये बहुत अच्छी बात मेंशन की मैनेजर वाले की, बॉस आप हो, आपने जिस टाइम पे उसको कॉल कर दिया ना कि सर ये प्रॉब्लम होगी है और मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और जो मेरा काम है मैं कलीग से करवा लेता हूँ, कलीग को बोल दूंगा, ये बेसिकली SRT में इतना लिख नहीं पाओगे, लेकिन वो बस एक मैं आइडिया दे रहा हूँ जो आपने बात कही ना उसी हाँ, ये पे, स्टोरी के लिए भी है, TT के लिए भी आपकी, राइट। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप घर जा रहे थे तब एक्सीडेंट मिला आपको, तो अपने वाइफ को कॉल करा कि यार मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, ये हो गई है, तो खाना वाना देख लेना तुम, या फिर मैं आके देख तुम लूंगा, है खा ना, लेना, मैं आ तो जा आगे तुम खा खाऊंगा लेना मैं वो। आके देख लूंगा अपना। सो ऐसे होती है चीजें, आपने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, फिर बाद में आप जब वो लड़का या फिर जो उसके घर पे छोड़ के आ गए उसको जो इंजर्ड था, तो आप रेगुलरली टच में हो, उनको सब समझा के आए कि ऐसे ऐसे केयर करना है इसकी, यहाँ पे ले जाना, यहाँ पे दिखाना, डाइट ये रहेगी, मेडिसिन ये रहेगी, अब फिर उसके बाद भी टच में हो, फिर जब वो सही हो जाता है तो आप फैमिली का गेट टुगेदर कर लेते हो एक छोटा सा, ये चलो मिलके आते हैं। सो ऐसी चीजें ना आपका कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है शो करेंगे, ठीक है। सो इट इज सेम इन दिस आगे। हाँ, तो ये पूरे साइक के लिए एक्चुअली था, नॉट जस्ट फॉर यस SRT और TET, तो पूरा साइक का यस समअप यही है, आई थिंक लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ये बातें ऐसी हैं जो कोचिंग सेंटर्स में अब यार नहीं, मुझे नहीं पता सिखाई जाती नहीं सिखाई जाती, बट मेरा बिलीव यही है कि अगर आपको ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कहीं पे भी, ठीक है, कहीं भी अगर आप जा रहे हो तो जस्ट आस्क क्वेश्चन कि सर यहाँ क्यों पॉजिटिव मूड है, सर मुझे तो ये सैड दिख रहा है, क्यों मैं बनाऊँ पॉजिटिव, राइट, क्यों ये चीज़ हो रही है, एंड फोकस करना है छोटी छोटी चीज़ों पे, हमें बड़ा बन के बड़ी चीज़ करके हीरो नहीं बनना, ठीक है, छोटे एक्शंस केयर करना है, राइट, एनिमल्स आपसे बिगड़ गया, एक्सीडेंट आपका हुआ, आपने बोल दिया कि एनिमल बिगड़ गया, एनिमल को भी इलाज की जरूरत होती है, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि अब बिल्कुल साइड से गाड़ी निकाल के निकल रही है, ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें आपकी एम्पैथी शो करेंगी, आपकी वो कोर क्वालिटी शो करेंगी, ठीक है, तो ये तो साइक का था, बीच में इंटरव्यू भी तुषार होते हैं, अब इंटरव्यू के लिए उतना मैं आपसे नहीं पूछूंगा बिकॉज इंटरव्यू टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, और अगर आप ये चीज़ें लिख रहे हो ना साइक में, तो फिर तो ये चीज़ें हैं आप में,
क्योंकि आप अगर लिखोगे केयर, तभी आप केयर करते हो घर में परिवार की, बहन की, जैसे आप हेल्प करते हो, मम्मी की हेल्प करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, तो वो चीज़ें तभी आएंगी साइक में। और इंटरव्यू में भी वही क्वेश्चन आपसे पूछता है वो, फैमिली के बारे में। बिल्कुल आपको पता ही नहीं, आपके आपसे पूछता है वो वीकनेस, आपसे पूछता है कि आपकी मम्मी आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप बस वो रट लियो कि कहीं कोचिंग में एक आपको किट मिल गई है भाई, उसमें लिखा है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं, ओबीडियंट हो, ऑनेस्ट हो, और वो चीज़ साइक में नहीं शो हो रही होती। तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? आई थिंक अगर इतना किसी ने साइक वाला फॉलो किया है तो इंटरव्यू उसका तो आधा हो चुका है, ठीक है, कोई पंगा ही नहीं। यस बट स्टिल अगर आपको इंटरव्यू के लिए कुछ बताना है तो। सर, पहली चीज तो जो मैंने अभी तक चीजें बताई हैं और शायद आपको भी ये चीज फील हो रही होगी कि वो ये नहीं है कि मैं ये करता हूँ वो लिखता हूँ, वो बेसिक्स हैं लाइफ के जो मैं बता रहा हूँ, हाँ, जो बेसिक कोर क्वालिटीज होती हैं किसी भी इंसान में होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। करेक्ट। सो इंटरव्यू के लिए भी सेम है, मैं वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरे से ये पूछा था मैंने ऐसे आंसर किया, मैं बस एक तरीका बता रहा हूँ कि यार देखो ऐसे चीजें होती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी, चाहे वो इंटरव्यू की हो, चाहे वो लाइफ की हो, चाहे वो कहीं की भी हो। और ये बात हमें सर ने बताई थी कि अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो अपनी लाइफ में, अगर आप खुद कंफ्यूज हो, तो आप किसी और को कन्विंस नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो या फिर किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहे हो, उसे प्रपोज करने जा रहे हो, द मोमेंट उसने पूछ लिया कि यार मुझे ही को क्यों डेट कर रहे हो, और आप खुद कंफ्यूज हो ना, तो आप नहीं कर पाओगे उसको भी कन्विंस। ठीक करेक्ट। है, सो क्लैरिटी इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इसमें, जो आपको इंटरव्यू में भी और लाइफ में भी आगे लेके चलेगी। क्लैरिटी किन चीजों की? सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जो SSB है वो पर्टिकुलरली आर्म्ड फोर्सेस के लिए बना हुआ है, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मुझे फौज में जाना क्यों। ये सबसे पूछा जाता है, व्हाट मोटिवेटेड यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस। अब नहीं सोचते, क्लैरिटी नहीं है, आधी अधूरी चीजें हैं, और वो मतलब गलत गलत मोटिवेशंस लेके जा रहे हैं कि भाई यूनिफॉर्म के लिए जाना है मुझे, तो यार यूनिफॉर्म की इज्जत भूल जाओगे तुम, जब रगड़ा मिलेगा ना वहां, तो एक महीने में यूनिफॉर्म का क्रेज निकल जाएगा अकेडमी में या फिर फौज की लाइफ में, जब तुम्हें पता चलेंगे कि यार यूनिफॉर्म के लिए आया था मैं, तो ये थोड़ी होता है मुझे यूनिफॉर्म चाहिए, यूनिफॉर्म आप बाहर से चलवा लो भाई पहननी है तो। फिर दूसरा हो गया कि घर घर वाले जाते हैं, बंदा चाहता है, बंदी चाहती है, मेरा बॉयफ्रेंड ऑलरेडी मम्मी का एयरफोर्स में है, सपना मम्मी का सपना है। क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आपको क्लैरिटी है कि आप कैसे हो, है ना, आप जानते हो कि यार ये चीज करनी है इसलिए करनी है क्योंकि मुझे लगता है मैं उसके लिए बना हूं, और जो चीज आपकी लैक कर रही है, जैसे फौज में रह के आप फिजिकली अनफिट तो रह नहीं सकते, तो आप फौज के लिए नहीं कर रहे कि मैं रनिंग सुधार लेता हूँ क्योंकि SSB में बोलना है मुझे, क्योंकि फौज में जाना है, नहीं भाई आप खुद के लिए करते हो, मुझे ऐसा एनवायरमेंट चाहिए इसलिए मैं फिट हूँ अभी। सो ये है कि आपको क्लैरिटी आ गई, फिर इंट्रोस्पेक्शन है, आप खुद इतना इंट्रोस्पेक्शन करो कि आपके बारे में आपको हर चीज पता हो, अपने आसपास के एनवायरमेंट का आपको पता हो, बेसिकली अवेयर रहो अपने आप से और अपने आसपास के एनवायरमेंट से, भाई बहन से, मम्मी पापा से, डिफरेंट सिनेरियोज में कैसा फील करते हैं वो, कब कब हार्ड टाइम में उनको मतलब दिक्कत हुई है ना, आपकी कौन सी बात उन्हें बुरी लग जाती है, भाई बहन हो गए कि उनको कैसे समझाया जाता है, हर कोई बंदा अलग तरीके से समझता है चीज, वो जब आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे, दोस्तों के लिए भी सेम है, दोस्तों को भी एनालाइज करते रहो कि हाँ यार ये बंदा ऐसे बिहेव करता है, ये बंदा ऐसी सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट करता है, ये सब चीजें जब आप करोगे इंटरव्यू में। नॉलेज, सी नॉलेज इज नॉट एन OLQ, अगर इंपॉर्टेंट होती तो वो डाल देते, इट हेल्प्स यू इन सर्टेन यू नो थिंग्स, बट इट इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, योर साइकोलॉजी, उसमें नॉलेज का कोई रोल नहीं है इतना। नॉलेज आपको करेक्ट। हेल्प कर सकती है अच्छा बिहेव करने में, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखने में, अपने आप को थोड़ा मेच्योर शो करने में, अपने आप को हार्ड वर्किंग शो करने में, लेकिन नॉलेज जो है OLQs नहीं है, ना ही कम्युनिकेशन स्किल है। सो ये चीजें समझनी पड़ती है वहां पे कि भाई इंट्रोस्पेक्शन उस लेवल का करो कि आपको इतनी क्लैरिटी आ जाए कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ, इंटरव्यू में सिर्फ ये हेल्प करेगा। और क्वेश्चन देखो सारे अवेलेबल हैं बाहर, भैया आपको पता है हर साइट पे इतना मतलब चिट्ठा है पूरा CIQs का, क्वेश्चंस का, लेकिन आई एम स्टिल सेइंग कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे वहां किसी भी ना उसका जो एकदम से अलग क्वेश्चन आ जाए। हॉबी को लेके बड़ा होता है, हॉबी में क्या लिखे हैं, बुक रीडिंग लिख लेते हैं, कोई भी कुछ भी लिख देते हैं। तो ये चीजें अगर आपको फेक करनी इसलिए पड़ रही है ना, क्योंकि आप चाहते हो कि इंप्रेस करेंगे इसको, इस बातों से नहीं होने वाला वो, ठीक है। आप कितनी, आप कुछ भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी अगर आप होंगे ना, वहां आप लिख के जाओगे, उसकी जो डिमांड है वो चीज अगर आप नहीं कर रहे हो फिर नहीं होने वाला, सिंपल है। तो फॉर हॉबी को SSB, लेके हाँ वही कि फॉर SSB यू डोंट नीड टू कल्टिवेट न्यू हॉबीज, करेक्ट, SSB के लिए मत करो, खुद के लिए लाइफ के करो, लिए करो। मुझे ऐसा इंसान बनना है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, मैंने बुक्स पढ़ी क्योंकि मुझे सर्टेन चीजें इंप्रूव करनी थी, मैंने हैबिट्स के बारे में बुक बुक पढ़ी क्योंकि मुझे हैबिट्स अपनी सुधारनी थी, मुझे एटीट्यूड सही करना था तो एटीट्यूड के ऊपर मैंने बुक पढ़ी,
मुझे फौज की नॉलेज चाहिए थी और थोड़ा जोश चाहिए था, तो मैंने फौज से रिलेटेड बुक्स पढ़ी। सो यू हैव द राइट रीजन, ऐसा नहीं है कि मैं SSB के लिए कर रहा हूँ, नहीं। रनिंग शुरू करी, लगता था कि यार मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, और मेरी है नहीं, कर ली इंप्रूव। पुलअप्स नहीं होती थी, SSB के लिए नहीं करी, फौज के लिए नहीं करी, खुद के लिए करी हम। तो हॉबीज जो भी आप बना रहे हो या फिर जो भी आपको लगता है कि यार हाँ यार ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, वो इनकलकेट करो। करेक्ट, ठीक है। यस तो ये तो पूरा इंटरव्यू का हो गया। इंटरव्यू में एक जो करंट अफेयर वाला जो हमने पहले बात किया था कि करंट अफेयर को लेके लोग होते हैं कि रट रहे हैं कि इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो वो मैं क्लियर कर दूं। तुषार ने जैसे आपको बताया था कि इंटरव्यूअर आपका लीस्ट कंसर्न है कि आप करंट अफेयर का आंसर बता रहे हो नहीं बता पा रहे हो, ठीक है। ही इज मोर लुकिंग कि आप, अगर आप उसको ये बोलते हो कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं सीडीएस दे रहा हूँ, और मैं सुबह आपसे पूछेगा आपका रूटीन, और अगर आप ये बोलते हो मैं सुबह उठ के ये पढ़ता हूँ वो पढ़ता हूँ, फिर वो दिखना चाहिए, ठीक है। बेसिकली वो कंफर्म करना चाहता है आपसे। तो करंट अफेयर्स को लेकर इतना लोड मत लो, राइट। किसी भी चीज़ में आप रेगुलर रहो, जनरल अवेयरनेस आपके पास होनी चाहिए कि अगर हमारा देश है तो हमारे देश के संबंध किसके साथ क्या है, आजकल क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। उसके लिए आप कोई भी चैनल फॉलो कर लीजिए, न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, लेकिन करंट अफेयर को लेके कि लेक्चरेट को लेके, पर्टिकुलरली SSB के किसी एक टास्क को लेके या किसी एक चीज को लेके परेशान मत हुआ करिए। बिकॉज इन माई ओपिनियन SSB इज लाइक अ टेस्ट मैच कि भाई पहले सेशन अच्छा नहीं हुआ, बैटिंग अच्छी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप टेस्ट हार गए, ठीक है। उसको इम्प्रूव करिए, अच्छा होता है, ठीक है। तो आखिरी में आता है GTO, हमारा ग्रुप टेस्टिंग। एक्चुअली GT टास्क जो हमारे होते हैं उसमें सबसे ज्यादा टास्क होते हैं और सबसे ज्यादा देर तक आपको SSGTO ही करता है। और बताइए तुषार उसके बारे में। भैया GTO जैसे उसके उसके नाम में ही है, ग्रुप, सबसे पहले ग्रुप है। सीधी बात है, आप जब GTO के ग्राउंड में हो, मैं तो नहीं कहता GTO के ग्राउंड में, आप कहीं भी हो, आर्मी को तो ऐसा बनना चाहिए जो ग्रुप में परफॉर्म भी कर सके और दूसरों को कन्विंस भी कर सके कि भाई मैं तुमसे अच्छा हूँ। यू आर नॉट कम्पीटिंग विद देम, यू आर कम्पीटिंग विद योर सेल्फ। हम वहां सोचते हैं कि ये तुमको सबको ले लेंगे अगर तुम सब में OLQ दिख जाती है उनको, या फिर वो दिख जाता है जो चाहिए, करेक्ट। तो वहां उनसे कंपटीशन नहीं है। सो GTO में पहली प्रायोरिटी तो यही है कि मेरा ग्रुप आगे पहुंचना चाहिए, चाहे वो कैसे भी पहुंचे, चाहे मैं लीडर हूं या कोई और लीडर है। कुछ टास्क का, किसी टास्क में या तो आप तगड़े होंगे या कोई और तगड़ा होगा। तो जहां पे आप तगड़े नहीं हो वहां पे आप भाई इम्प्लीमेंटर बन जाओ, जहां पे आप तगड़े हो यू स्टार्ट लीडिंग देम। सो इधर लीड और गेट लेड। लेकिन ये नहीं है कि मैं ऐसे करके बस खड़ा हूँ देख रहा हूँ ये हो रहा है, कि मैं तो कामनेस दिखा रहा हूँ अपनी कि मैं शांत रहता हूँ। वैसी वाली कामनेस नहीं चाहिए होती, शांत होने में और चुप होने में फर्क होता है। सो वो वाली चीज है एक, आप चुप नहीं खड़े रह सकते, बीन दी एक्शन, या लीड करो या लीड हो जाओ, लेड हो जाओ, मतलब दूसरों से। सो वो वाली चीज है एक। दूसरा फिर होता है भैया कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे बहुत बंदों को GD में दिक्कत आती है, GP के GD में दिक्कत आती है, और आपका जैसे ये हो गया इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हो गए, लेक्चर हो और जो गया। PGT PGT वगैरह हो गया, लेक्चरेट वगैरह, इनमें पर्टिकुलरली दिक्कत आती है। सो थोड़ा थोड़ा हर टेस्ट का मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत थॉरली चेकिंग होती है GTO की। कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, कुछ कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट टेस्ट जिनमें आपको GTO मार्क करता है कि हाँ भाई ये लड़का अच्छा लग रहा है, इसको मैं देखूंगा ढंग से। नंबर नंबर सर को सबको देने हैं, क्योंकि एट दी एंड परफॉर्मेंस तो सबकी मार्क हो रही है। लेकिन जो बंदे लाइमलाइट में होते हैं ना, उन टेस्ट में जो पहले हुए हैं, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं करने के। सबसे पहला पहला जो बेसिकली वो है एस्पेक्ट, कि आपको ये करना है कि आप किस में अच्छे हो, आप आउटडोर में अच्छे हो या आप इंडोर में अच्छे हो। लकीली मेरा क्या है कि मेरा बिहेवियर अच्छा रहता है, लेकिन मैं आउटडोर में बहुत एक्सट्रीमली अच्छा हूँ। पता नहीं वो नेचुरली है या कैसे भी है, मैंने कोचिंग नहीं ली कहीं से भी आउटडोर की, लेकिन मैं फिर भी अच्छा हूँ, क्योंकि गाँव से है, जुगाड़ अपना आपको पता है करते रहते हैं, खुरापाती दिमाग है सबका। सो आउटडोर अच्छा है। इंडोर में क्या होता है कि फिर वहां पे ना बिहेवियर काम आता है पूरा। सो लेट्स से कपूरथला वाले SSB के लिए मेरे पास बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेडिकल वेडिकल दे के गया था मैं, और ना पढ़ाई का टाइम मिला, इवन फीवर में से गया था मैं रिकवर करके। 5 दिन फीवर था और 7वें दिन मेरे मेरी ट्रेन थी, और सीधा गया मैं वहां पे, तो टाइम भी नहीं था। तो GTO में मैंने क्या किया, उसमें ग्रुप डिस्कशन में दोनों में क्या करा मैंने, सिर्फ अपनी कॉमन सेंस यूज करिए, और कॉमन सेंस कैसे सुना, उसमें दिमाग लगाया, और वहीं से फिर दूसरों का डेटा यूज करके सीधा पॉइंट रख दिया। लेकिन जो पॉइंट था वो था, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार ये चीज सही है और ये चीज ऐसे होनी चाहिए, नहीं, ग्रुप आगे बढ़ना चाहिए, ग्रुप के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए,
कोई कुछ भी बोल रहा है, लेट से किसी ने पॉइंट बोला कि चाइना के साथ कॉपरेशन करने से जो है, ट्रेड करने से इकोनॉमी पे, इकोनॉमी में इम्प्रूव आ जाएगा दोनों कंट्रीज के, दोनों कंट्रीज, क्योंकि इंडिया इज अ आपका मार्केट बहुत बढ़िया और वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो आप दोनों ट्रेड करोगे, वो बना रहे हैं और यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं, सो दोनों की ग्रोथ होगी। तो वहां पे इसी में यू कैन ऐड कि हाँ भाई वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन वो जब यहाँ आएगा, यहाँ पे कंज्यूमर को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास फिर वो जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, भले ही वो डिस्ट्रीब्यूटर की हो, भले ही वो सर्विस देने की हो, लेकिन जॉब्स तो हमारी भी क्रिएट होंगे, तो आप ऐसे पॉइंट ऐड कर सकते हो। हाँ, मतलब टॉपिक था ये करंट अफेयर्स का, जिसके बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कैसे वैल्यूएबल पॉइंट्स पुट इन कर सकते हो, बिकॉज ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं कि किससे करने से क्या होता है, एग्रीकल्चर, विमेन सेफ्टी से लेके, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे बार बार आते हैं चीज़ें। ठीक है, उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा सबको ध्यान से, शांत होके, हाँ, है ना, लिसनिंग। आपको प्रोसेस करना पड़ेगा एट द सेम टाइम, और फिर आपको वो पॉइंट है जो सोच समझ के कॉमन सेंस लगा के बोलना पड़ेगा कि चलो ठीक है ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और दिस इज हाउ कि आप आराम से सुनते हो, कंपोजर रखते हो, अपना कूल रहते हो, और फिर आप प्रोसेस कर रहे हो एट द सेम टाइम एंड फिर कन्वे कर रहे हो, और जो आप कन्वे कर रहे हो वो ऐसा नहीं कि यार मेरा पॉइंट ही लग रहा है, नहीं, ग्रुप आगे बढ़ना चाहिए, बस आपका पॉइंट जो है कंक्लूसिव होना चाहिए, तो ये एक होती है कि हाँ भाई आप सिर्फ पॉइंट नहीं दे रहे, आप चाहते हो ग्रुप आगे बढ़े, आप बीच में नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, वो एंटायर जीटीओ में सेम लॉजिक चलता करेक्ट। है। फिर आपका आता है जीपी, जीपी में भी सेम ही है सब कॉन्सेप्ट, जीपी सॉल्व करना आपको दुनिया बता देगी कैसे प्रायोरिटाइज करो, ये करो वो करो, बट वही मैं चीज़ें जो जो छोटी छोटी जो हमने स्टोरी में डिस्कस की थी कि वो छोटी चीज़ें, कि अगर भाई किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे आप वो करोगे, आपने कोई रिसोर्स किसी से लिया है तो उसको वापस भी करना है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें। उसमें भी फिर ग्रुप बिहेवियर है आपका, कि जैसे मान लो आपको लगा कि यार ये रास्ता नहीं लेंगे, है ना, हम एक काम करेंगे लिफ्ट ले लेंगे और फिर ऐसे घूम घाम के चले जाएंगे, तो वहां पे आपके लॉजिक क्लियर होने चाहिए खुद को, आप में ऐसा क्या है कि भाई दूसरे बच्चे आपकी बात मान लें, कुछ तो खास होना चाहिए, सो दैट इज योर लॉजिक, आप लॉजिक से क्लियर हो, है ना, तो आपको आपके पास लॉजिक होगा कि हाँ यार अगर हम यहाँ से जाएंगे तो यहाँ बाइक मिल जाएगी और डिस्टेंस कम पड़ेगा और आराम से जा सकते हैं, और वहां से हम दूसरी प्रॉब्लम भी फिर टैकल कर लेंगे, तो जब जीडी होता है तो उसमें ना ये शो करना होता है, सॉल्यूशन इज गुड, कहीं से भी आप वो सीख लोगे करना, लेकिन ग्रुप बिहेवियर आपको कोई नहीं सिखाएगा, सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि हाँ भाई आपको बिहेव ऐसे करना होता है उसमें। फिर आपको छोटी छोटी चीजें होती हैं कि जो सामान आपने उधार लिया लोगों से वो लौटा दो, टाइम पे पहुंच जाओ, है ना, और जल्दी जल्दी डिसाइड कर लो कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसे होंगी, फिर जो भी वहां पे लोग हैं उनका यूज कर लेना मटेरियल की तरह कि हाँ भाई ये लोग हैं यहाँ पे ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, सो इट इज बेसिकली अ बिहेवियर यू आर शोइंग इन जीटीओ, वो सारे इंडोर्स में सेम है। ठीक है। सो ये चीज हो गई हमारी जीडी एंड जीपी। इसके बाद आता है पीजीटी, जो हमारे टास्क होते हैं ग्राउंड वाले, वो सारे यस हमारे एजीटी हो गया, कमांड टास्क हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, कैसे करते हैं इनको, यस कैसे अप्रोच करना है? देखो भैया जो चीज मैं समझता हूँ कि पहली चीज तो है कुछ बंदों में नेचुरली वो होती है, थोड़ी ना आईक्यू उनकी अच्छी होती है, वो कर पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यही समझ लें कि यार सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, आप ऑनलाइन स्ट्रक्चर देखो, पिक्चर्स देखो, वहां फिर रिसोर्सेज भी खुद ही अज्यूम करो अपने कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं सॉल्व कर लेता, आप मेंटली बेसिकली अपनी रीजनिंग का यूज करके और सॉल्यूशन निकाल सकते हो, लेकिन कुछ बंदे क्या करते हैं, उनमें है ये एबिलिटी सॉल्व करने की और वो मान लो सीख के चले जाते हैं तो आप वहां कर पाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन चेक नहीं हो रहा, सॉल्यूशन सिर्फ ये बताएगा कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है, आप लॉजिकल चीजें करते हो और कुछ नहीं दिखाएगा वो, बाकी जो बचता है वो है आपका ग्रुप बिहेवियर, आप कैसे प्लान करेक्ट, करते हो, आपका स्पीड ऑफ डिसीजन कैसा है, आप किस रास्ते को चूज कर रहे हो, आप राइट। इन्फ्लुएंस कर पाते हो नहीं कर पाते, आप कन्विंस करवाते हो नहीं कर पाते, डू यू हैव दी प्लान्स, है ना, फॉर एंड व्हाइल यू आर एंटरिंग दी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, है ना, एंड जब आप निकल भी रहे हो डू यू हैव दी प्लान फॉर कि हाँ भाई मेरा मटेरियल शुड है ना कम विद दी पीपल एट द एंड, तो आप सबके लिए प्लान फिर लेके चलते हो, सो वो तो एक बिहेवियर होता है लीडर का। लोड लोड भी उठाना होता है, उससे मार्क्स मिलते हैं एक्स्ट्रा। देखो जहां पे आपको लग रहा है कि चलो मैं लोड उठा लेता हूँ, है ना, मैं तो क्या मेरा जो बिहेवियर है मैं तो उसको बैक करता हूँ, मेरा है ही नहीं डोमिनेटिंग नेचर,
नेचुरली नहीं है। मैं बस इतना कर दूंगा बंदे को मजबूर कि वो खुद से हो जाएगा कि भाई तू करवाए, अब आइडिया देके, सिंपल सी बात है। उसके लिए आपको फट्टे के ऊपर कूदने की जरूरत नहीं है ना, आप खड़े रहो, ऑब्जर्व करो, और आप दिमाग से लीड करो बंदों को। फिजिकली तो दुनिया भर के बंदे हैं करने के लिए, तो आप दिमाग से काम करवा रहे हो। सो जहां पे लग रहा है चलो ठीक है, एक बार क्या हुआ था, GTO में बंदे लोड भूल गए हमारे में, जब मैं भोपाल में था, मैं अकेला बंदा था जो लोड कैरी कर रहा था कि बार चलो यार आप भूल रहे हो, मैं लेके चल रहा हूँ। और वो होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो होती है उससे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर जाके आइडिया नहीं दे कुछ रहे भी भाई। करो राइट हाँ, लोड सिर्फ लोड नहीं करवाएगा, रिकमेंड बहुत और सारी चीज है। सो इसके लिए जो मैंने ऑब्जर्व कराया कि GTO साहब आपको ब्रीफिंग देंगे पूरी, ये आपके पास रिसोर्स है, ये आपके पास ऑब्स्टेकल है, एंड आपके पास इतना टाइम है, वो चारों ऑब्स्टेकल आपको करेंगे, हर सारे ऑब्स्टेकल करते हैं वो, PGT, SGT, FGT और कमांटा सब में। तो जब वो ब्रीफ कर रहे हैं ना, तभी से ही हमें वो शुरू कर देनी होती है वो प्रोसेसिंग, कि अगर मैं इस रास्ते ऐसे गया तो ये सॉल्यूशन होगा, ये एडवांटेज होगा, ये डिसएडवांटेज होगा, है ना। अगर मैं इस रास्ते से गया तो ये फायदा होगा, यहाँ पे ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे कम स्पेस है, वो रस्सी कैसे यूज करनी है, आगे रस्सी लगानी है फिर पीछे लगानी है, आगे बल्ली लगानी है पीछे लगानी है, उस आप लॉजिक वहां पे तो ढूंढ रहे हो जो जो हमने जो जो हमने तुमको एसएससी बैच में सिखाया था रस्सी बांधना काम आया था वहां वो एक हेल्प हो जाती है, लेकिन अल्टीमेट काम तो एक लीडर का ये है, सॉल्यूशन ये देना। मजाक कर रहा हूँ ठीक है, ये चीजें हम नहीं सिखाते भाई ये हाँ चीजें नहीं कोचिंग सेंटर्स में होती है ठीक है कुछ नहीं भैया, ये काम भी नहीं आती ना, रस्सी बांधना एक नॉर्मल चीज है, कोई भी बंदा कर सकता है। ठीक है आगे बताओ तो यहाँ पे जब बेसिकली ये वही सारी चीजें हैं जो मैंने नरेशन के टाइम पे बताया, जो मैंने PPDT के टाइम पे बताई थी, ये सब बंदे लगे हुए हैं कि हाँ भाई ये तो एक टास्क मिलने वाला, ये बंदा ये कैसे करेंगे हम। आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो और आप लॉजिक के साथ सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, फिर आपके पास प्लान है कि मैं घुसूंगा इस डायरेक्शन से, इसलिए घुसूंगा, और अगर ग्रुप बोलता है कि इस साइड से जाना है, तो आप ग्रुप को लॉजिक दोगे कि नहीं यार वो नहीं, यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ पे खड़े होने की जगह ज्यादा है, राइट। फिर आप जब अंदर चले गए, मान लो वो कन्विंस नहीं हुए, तो अब ठीक है उस साइड से चले जाओ, कोई बात नहीं। फिर अब वहां के सॉल्यूशन आपने पहले ही बना रखे हैं, वहां ऑन द स्पॉट दिमाग लगा रहे हैं, लगा रहे हो आप, और एट द एंड जब आप निकल रहे हो तो आपके पास बेसिकली उसके लिए भी प्लान होना चाहिए कि जब लास्ट बंदा मेरा आएगा वो कैसे आएगा और कैसे मटेरियल आएगा कैसे आएगा। यस, सो ये सारे प्लान होने चाहिए। फिर एट द सेम टाइम आप पीछे हो या फिर आप बीच में या फिर आप कहीं पे भी खड़े, है ना, मान लो ग्रुप अटक गया, वहां पे फिर आपका रोल आता है कि आप शांति से सुनते हो सबकी, शांति से दिमाग लगा रहे हो कि हाँ यार कैसे हो सकती है चीज, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो सॉल्यूशन, वो अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होगा उसका। वहां पे आपका काम आता है कंपोजर, आप काम हो अगर दिमाग से तो आप सोच पाओगे सॉल्यूशन, नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं, ग्रुप वालों को मौका दो, भाई बताओ इसका सॉल्यूशन बताओ। सो ये एक बिहेवियर है जो आप वहां शो करते हो, इसमें इसमें ही 100 100 क्वालिटीज आपकी शो हो जाती हैं। आइडिया मैटर नहीं करता, मतलब ऑब्वियसली बात है मैटर करता है, लेकिन जो बड़ी चीजें जो मैटर करती हैं वो आपका बिहेवियर है, वो आपका कैरेक्टर है अंदर का। किसी ने आपसे फट्टा छीन लिया आपके हाथ में से, और आपने ऐसी गंदी सी शक्ल बना दी वहां पे, वो दिख जाएगा लोग भाई तो गाली कैसे हो देते हैं आप। भाई, गाली सुन लेता है, एक बार तो हमने दे दिया था, अजीटी सुन रिकमेंडेड लिया बंदा था, एक वो गाली देता था दोस्त मेरा। था बट अच्छा ये हैं थोड़ी सी चीजें। फिर उसके बाद भैया इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल है, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में बंदे बहुत गलती करते हैं, सोचते हैं तो भागने का गेम, बट इट इज मोर देन दैट। आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन कि आप कौन सा टास्क कब करोगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, फिर मेंटल आपका स्टैमिना मेंटल स्टेमिना एंड फिजिकल स्टेमिना दोनों, फिर उसके बाद आपकी डिटर्मिनेशन, अगर आपसे कोई हुआ नहीं तो कैसे करोगे। फिर कुछ बंदे होते हैं वो अपना ये बैलेंसिंग बीम लास्ट में करते हैं, भाई इट इज इलॉजिकल, आपके पैर थक जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे लास्ट में, और आप कर पा रहे हो तो तीन हाँ नंबर 3 नंबर वाला ऑप्शन। तो पहले वो खत्म कर लेता हूँ, मैं तो वही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है मुझे 10 तो हो ही जाएंगे, इतना तुमने कॉन्फिडेंस है। कितने किए थे 16 किए थे ना सर, कपूरथला में 16 थे और भोपाल में 14 थे, हाईएस्ट थे मतलब उस टाइम पे। इलाहाबाद में मेरा दोस्त है इस टाइम सर्विंग है, वो उससे बात हो रही थी, उसका नाम तुषार है। तो जब तुम्हारा आया था ना ये एयरवन, तो उसका मैसेज आया था कि अरे हाँ भाई लड़के सही है, तो उसने भी 16 ही किए थे ठीक है, तो मुझे वो याद है। तो उस दिन मेरे को बोलता है कि तुषार को बोलियो जो बाकी आईएमए जा रहे हैं कि भाई आईएमए में एक कहावत है कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, क्योंकि आईएमए से पास हो जाएंगे गधे भी ठीक है,
गधे भी अगर कोई होगा तो वो इंजर्ड। गधा गधा भी पास हो जाएगा, लेकिन लंगड़े पास नहीं होंगे। तो ये एक चीज़ है यस कि आईएमए में, अब तुम तो जानते हो ठीक है इन सब चीज़ों को, तो उस्ताद तो होंगे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए अच्छे से, लेकिन खुद के लेवल पे ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ को कि बॉडी का हर वे में खुद जानबूझ के जी नहीं करना, बिल्कुल क्योंकि जोश में ना फिर उस टाइम पे होता है कि हाँ यार कर लेंगे कर लेंगे, बिल्कुल जानबूझ के बिल्कुल खुद से कुछ नहीं कर रहा, बाकी जो वहाँ के लोग हैं वो तो आपको अच्छे से बताएंगे ठीक है। तो ये चीज़ें हमारी हो गई जीटो की, जहाँ पे जो चीज़ें बताई आपने कमांड टास्क को लेके थोड़ा सा ये होता है कि कमांड टास्क आखिरी में उसी को बुलाते हैं जो जिसका थोड़ा सा चांस होता है, ऐसा काफ़ी केसेस में देखा गया है। आपको आई थिंक लास्ट में बुलाया गया था सबसे ठीक है, क्योंकि वो यस इसलिए आई थिंक होता है कि बाकी लोग जो एक टास्क आप, क्योंकि आपको उसने हाई रेट किया हुआ है तो आपके लिए उसने एक टास्क अलग रखा हुआ होता है ठीक है, तो इसलिए आपको आखिरी में बुलाता है वो, तो वो एक रीज़न हो सकता है। लेकिन कमांड टास्क में डिफिकल्ट टास्क जब मिलता है उसको करना भी होता है, केवल डिफिकल्ट टास्क मिलने का मतलब ये नहीं कि आपका आपको वो रिकमेंड कर रहा है राइट सी उसको भैया, करना ही होता है। ये एक ना लाइफ का लेसन है जो मैंने बहुत मतलब चीजों से निकला हूं मैं और काफी चीजें फेस करी हैं। तो मैंने ये चीज जानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके अराउंड क्रिएट की गई है किसी से किसी ने भी की है, भगवान ने करी है चाहे, वो इसलिए करी है कि आप उसे ओवरकम कर सकते हो। तो जीटीओ साहब का भी सेम है, वो तगड़ा टास्क दे रहे हैं आपको क्योंकि उन्हें फील हुआ है कि भाई इस बंदे के लेवल का यही टास्क करेक्ट है। सो सेम केस है, इसका रिकमेंडेशन से लेना देना थोड़ा सा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपको हल्का टास्क दे दिया तो आप हल्के हो, नहीं वो नहीं है। वो उनके हिसाब से वो है कि भाई इस बंदे का लेवल ये है तो ये दे देते हैं। अब रिकमेंड तो भैया वो भी बंदा हो रहा है ना जिसके 120 नंबर है, वो भी हो रहा है 144 है, ओएलक्यूज उसमें भी है, ओएलक्यूज इसमें भी है, लेकिन वही है कुछ ज्यादा शो हो गया कुछ कहीं पे, है ना, वो ज्यादा उससे इंप्रेस हो गया, या फिर अब ओएलक्यू मैं 2 बार रिकमेंडेड हूं, मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया लास्ट उसमें, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं बेकार हूं। तो इट इज ऑल करेक्ट अबाउट कि आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे कर रहे हो, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्री। सो ये टास्क हमारे हैं ग्रुप टेस्टिंग टास्क थे, लास्ट में वो लेक्चरेट वही पूरा जो आपने बताया था स्टार्टिंग में, कॉन्फिडेंस मैटर करता है ज्यादा इंस्टेड ऑफ कि कितना आप फैक्ट बोल रहे हो, वो लेक्चरेट का कॉन्फिडेंस भैया, लेक्चरेट का थोड़ा मैं मतलब मेरे से पर्सनली बंदे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि अपने जीडी के टॉपिक्स बताओ, अपने लेक्चरेट के टॉपिक्स बताओ, विच इज यूजलेस अकॉर्डिंग टू हाँ मी, इट इज यूजलेस। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यार आप अपने आप को जर्नली अवेयर रखो, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि करंट अफेयर इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, यू कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑफ जियो पोलिटिकल सीनैरियोज, है ना, विच आर बींग हैपनिंग अराउंड अराउंड द वर्ल्ड, फिर उनके अफेक्ट्स क्या, उनके इफेक्ट्स हैं आसपास की कंट्रीज पे और पूरे ग्लोबली। अब वो हो वो इनफ है। लेक्चरेट में ना क्या होता है कि नॉलेज चेक नहीं हो रही यार, नॉलेज है ही नहीं हो एल क्यू, दे आर चेकिंग योर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, वहां पे भी आप कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हाउ यू एक्सप्रेस, आपकी एक्सप्रेस करने की एबिलिटी कैसी है, कम्युनिकेट करने की नहीं है, बोलने की नहीं है, वो बोलने वाला कॉम्पिटिशन नहीं है जो होता था कि स्कूल में ना वो लड़कियां होती थी वो तगड़ी इंग्लिश बोल के ले जाती थी प्राइज, वो नहीं है वो। आपको करेक्ट स्पीड ऑफ डिसीजन अपनी दिखानी है, आपने आपको 3 मिनट मिले प्रिपरेशन के लिए, आपने 2 मिनट तो यही चूज करने में लगा दिए, मैं इस पे बोलूंगा, 1 मिनट आपने तैयारी करी उस पे टेररिज्म पे, आपने वहां चेंज कर लिया प्लान में, नहीं यार इस पे तो नहीं हो रहा, दूसरा लेता हूँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट। डिफिकल्ट लोग चूज कर लेते हैं कि हाँ भाई नहीं डिफिकल्ट वाले भी बोलेंगे तो इम्प्रेस हो जाएगा, है ना, ये एक मिसकंसेप्शन है कि 4 में से जो यस सबसे पहला वाला है वो डिफिकल्ट है उस पे बोलेंगे राइट जिस पे आप क्वालिटीज एक्सप्रेस कर सकते हो ये सारी चीजें वो करो, दैट्स इट। इतनी नॉलेज है उसको कंसाइज करके इतने में लाना है और अच्छे से एक्सप्रेस करना है, उससे अपने ग्रुप को जो है इन्फ्लुएंस करना है, आई टू आई कांटेक्ट करके आराम से कामली वहां पे आप अपना लेक्चर दो, दैट्स इनफ। हार्ड हार्ड टॉपिक और ये सब मैटर नहीं करते एक टाइम के बाद, इफ यू हैव द क्वालिटीज। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हमारे एसएसबी का, रिटर्न का हमने बात कर लिया, एसएसबी की बात कर लिया हमने। इन जनरल एज एन एस्पिरेंट इन सब फेजेस से जाता है और आई ट्राइड कि मैं आपसे वो सब पूछ पाऊँ ठीक है, फेलियर से लेके सारी चीज़ें। इसके लिए यार एक डाउट होता है बच्चों के मन में कि नो मैटर कितनी मेहनत कर ले, एक बैकअप को लेके होता है थॉट कि यार, क्योंकि मेडिकल भी है ठीक है, आप मेडिकल भी इसके बाद आपका हुआ है ठीक है, वहाँ भी आप श्योर नहीं रहे हो कि हाँ हो ही जाएगा, हम कोई नहीं हो सकता श्योर, तो कितना ज़रूरी है बैकअप और इस सिचुएशन में हम क्या करें, जहाँ पे एक तो हो गया फेलियर वाला जो हमने बात कर ली, दूसरा ये कि आपको उतना एफर्ट के बाद ठीक है मिल गया सक्सेस लेकिन लास्ट स्टेज में आके आप फंस गए राइट, तो बैकअप कितना जरूरी है इस सिचुएशन में, या कैसे उसको फिर दोनों को हम बैलेंस करें, ये ना हो कि बैकअप ही हमारा टॉप प्लान बन जाता है कभी कभी ठीक है, बच्चे वो भी गलती कर देते हैं, तो दोनों को बैलेंस करके कैसे चले हम उसमें। हाँ भैया देखो, बैकअप
जो है बैकअप हर किसी का होता है, इवन आप ऑफिसर भी बन जाओगे वहां पे भी एक ही टास्क के आपके पास तीन चार बैकअप होते हैं, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा, अगर ये हुआ तो मैं ये करूंगा। लेकिन जो आपका प्लान बी है वो प्लान बी ही रहनी चाहिए, रहना चाहिए, मतलब इतनी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए कि ये मेरा प्लान बी कभी प्लान ए ना बने, राइट। करेक्ट. अब दूसरा सबसे बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आपका बैकअप जो है खुद के लिए होना चाहिए, नॉट फॉर SSB, कि मैं आयो को बताऊं कि सर मैं तो ये तैयार करके बैठा हूं, आयो के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को तो मैं लगता है कि यार बेसिकली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखो घर वाले आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, मेरे ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं करेक्ट. मुझे, वो इसीलिए कि भाई तू कुछ लाइफ में कर ले। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि मैं भी श्योर नहीं था कि मैं हो जाऊंगा एक टाइम पे, मेहनत कर रहा था, सब कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि यार आप बने भी हो उस चीज के लिए, नहीं बने, फिजिकली भी ठीक है, नॉलेज के हिसाब से भी ठीक है, साइकोलॉजिकली भी मैं मान लेता हूँ, जो कि अपने आप में बहुत डाउट वाला केस है, लेकिन मेडिकली फिर आप नहीं हो श्योर, है ना। सो उसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए कि आप अगर नहीं हुआ ये तो आप ये करोगे। सो इट इज बेसिकली ना क्वेश्चन ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने आप को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके एंड अपनी लाइफ को लेके। सो उसके लिए बैकअप होना जरूरी है। अब वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे हिसाब से बैकअप ये होना चाहिए, और वो लॉजिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यार एक आपका बैकअप है डिफेंस फोर्सेस और एक आपने कर रखा है मैं तो विदेश जाके पढ़ाई करूंगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन है प्रॉपर। सो ये वाली चीज है, बहुत सोच समझ के अपने बैकअप चूज करो, खुद के स्पार्क के हिसाब से, जो अंदर आपकी आत्मा कहती है कि यार ये काम कर, अगर यहाँ नहीं हुआ तो यहाँ भी मैं मजा ले लूंगा उतना, भले पूरा नहीं होगा बट 80% होगा एंड दैट्स एनफ। करेक्ट. ऐसे होते हैं बैकअप। सो बैकअप होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर नीचे हो जाती है बैकअप सुनते ही, कि आपके बैकअप क्या है और आप क्या कर रहे हो। सो बैकअप का ये है। ओके. ठीक है, तो SSB के बारे में ये था आई थिंक. बाकी एक मेडिकल के लिए भी क्या हम अपने लेवल पे कुछ कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है मेडिकल, और आजकल बहुत लोग मेडिकल आउट हो रहे हैं, तो अपने लेवल पे हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं मेडिकल लेवल पे? भैया पहली चीज तो अपने आप को जो है फिजिकली फिट रखो, मेडिकली फिट रखो, जितना रख सकते हो, फॉर एग्जांपल रनिंग वगैरह करते रहो, जो योगा करता है वो योगा करते रहो, अपनी बेसिकली फिजिकल वेलबींग को ध्यान में रखो। दूसरा आता है कि आप जब मेडिकल के लिए जा रहे हो तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट ब्लड टेस्ट, ब्लड ब्लड टेस्ट में क्या होता है, CBC होता है नॉर्मल, आपका LFT, KFT, बेसिकली छोटे छोटे जो टेस्ट हैं वो आप करा लो कोई भी अच्छी सी लैब से, लीवर आप फंक्शन टेस्ट चाहो वगैरह. यस लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, CBC हो गया प्रॉपर, और अगर ज्यादा है तो लिपिड प्रोफाइल भी आप करा सकते हो, बेसिकली कोलेस्ट्रॉल वगैरह जिसमें होता है चेक, और आपका यूरिन वगैरह अच्छे से चेक होता है। मेरा भाई उसके बढ़ा हुआ है बाद यार कोलेस्ट्रॉल. अरे कर लोगे भैया, कम कर लोगे। कर लूंगा यार. हाँ तो एक्सरे आप करवा सकते हो चेस्ट का, बस क्योंकि आप आर्मी में जा रहे हो वहाँ चेस्ट का एक्सरे होता है, वो आप करवा लो, उसमें देख लो कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है। एंड एक अगर चाहो तो आप एब्डोमिन का अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। सो ये चीज है जो आप घर पे कर सकते हो ऑलरेडी मेडिकल से पहले, जो आप में देखो फिजिकल वो है, जो फिजियो है आपकी बॉडी की, वो चेंज जल्दी सी होगी नहीं, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, मान लो आपके स्टोन है या आपको इन्फेक्शन है अंदर, आपको पता चल जाएगा पहले, और आप वो मेड, क्योंकि 42 days कम होते हैं बहुत, करेक्ट. 42 days आर वेरी लेस। मेरा बिलिरुबिन हाई था, 42 days में मुझे बहुत मुश्किल हुई उसे कम करने में, बड़े ज्यादा बीच में, और मैं मेंटली वो हो गया था कि यार स्ट्रेस आ रहा है, क्योंकि आपकी रैंक आ चुकी है, आपको मेडिकल अभी भी रह रहा है, पर फिर हो गया था ठीक। तो आप अगर पहले से ये चीज कर लोगे तो वो चीज कवर भी हो जाएगी, उसके लिए कुछ नहीं है, आपको डाइट लेनी है, थोड़ी बहुत मेडिसिन खानी पड़ सकती है, सो ये आप कर सकते हो। फिर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी हैं जो अगर आपको TR वगैरह मिलते हैं तो वो करवा देते हैं, जैसे बहुतों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई कैरिंग एंगल हो गया और नॉकनी हो फ्लैट गया फुट. और ये हो गया, फ्लैट फीट हो गया, आपका अंगूठे की डिफॉर्मिटी है, हेलस वेलगस हो गई, वेरस हो गई, सो इतनी सारी डिफॉर्मिटीज हैं जो मेडिकल पॉलिसी में है। एक तो मेडिकल पॉलिसी यू कैन रेफर, वो ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पे है, मेडिकल पॉलिसी ऑफिसर्स की, उससे रेफर कर सकते हो। फिर एक चीज ये आती है कि ये डिफॉर्मिटीज हैं, ये क्योरेबल हैं, फिजियोथेरेपी, फिजियो की जो वो है डिफॉर्मिटीज, फिजियोथेरेपी से क्योरेबल है। डॉक्टर CP सक्सेना है एक कानपुर में, वो करवाते हैं, वो अच्छे से ट्रीट करवाते हैं, है ना। मेडिकल स्टैंडर्ड्स हाई हैं ऑफिसर्स के, ये तो है, लेकिन आप
कर सकते हो चीजों को, क्योर कर सकते हो कंट्रोल। सो एक ये ओके चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपने लेवल पे। ठीक है। ओके सो ये चीज़ें मेडिकल के लिए हैं। बेसिकली पहले यही है कि आप एक हेल्दी रूटीन मेंटेन रखो, ठीक है, फिजिकली एक्टिव रहो, राइट। और अगर फिजिकली आप, मैंने ये पाया है कि अगर आप एक जगह अच्छा कर रहे हो ना, अगर आप फिजिकली एक्टिव हो, ठीक है, रनिंग सुबह करके आ रहे हो, ऑटोमेटिकली आप पढ़ाई करोगे, ठीक है, आपका मन करेगा, टारगेट्स रख के कुछ ना कुछ करेगा, ठीक है। तो एक आखिरी क्वेश्चन और जो मैं आपसे पूछूंगा वो है अबाउट योर टारगेट्स, क्योंकि आपको पता है सीधे सन्नी में हम बिलीव करते हैं भाई कि दिन बनाओ जिंदगी अपने आप बन जाएगी, ठीक है। सो वो दिन कितना इंपॉर्टेंट है जो हम सबको मिलता है एक दिन, राइट। उसमें क्या सिर्फ पढ़ना, लगे रहना 10 घंटे 8 घंटे जो बड़ा टॉपर्स बोल देते हैं आके, ठीक है, वो, या एक बैलेंस बनाना लाइफ में, घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना, बातचीत करना, हंसी मजाक करना, कभी कभी स्किप कर देना क्लास टीचर की, ठीक है, आज टेस्ट लिया स्किप कर दो, मौज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर खुद को ये पता हो कि यार अपने को लाइफ में ये चाहिए, और अगर हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं तो मेरे लिए कोई छुट्टी नहीं है फिर, ठीक है। कल वहाँ रिजल्ट में ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि यार इस बंदे ने तो बहुत पढ़ाई की थी वीक डेज में, वीकेंड बस छुट्टी लेता था, लेकिन इसका फिर भी नहीं होगा। सिर्फ ये आएगा कि आपका नाम वहाँ नहीं है, ठीक है, आपका रोल नंबर नहीं है। तो उसके लिए आपको जो जो चीज़ें करनी पड़ेंगी आप वो करोगे। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज योर डेली टारगेट्स, या आप कैसे डे अपना प्लान करते थे? मैं भैया ये, हाँ ये बहुत लोगों ने पूछा मेरे से कि मेरा आपका डेली रूटीन बताओ आप। तो मैं डेली रूटीन से ये चीज क्लियर कर दूंगा कि क्या है। तो पहली चीज तो ये होनी चाहिए कि आपको चीजें अचीव क्या क्या करनी है, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में, वो आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा सीडीएस अभी 6 महीने बाद है, तो मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स उसी के हिसाब से होंगे। मैं सीडीएस का आराम आराम से पढ़ सकता हूँ, है ना, मैं रनिंग पे ध्यान दे सकता हूँ, मैं अपनी जनरल अवेयरनेस पे ध्यान दे सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी टाइम दे सकता हूँ अभी। लेकिन जब मैं जाऊंगा, मतलब एज आई विल बी रीचिंग माई बेसिकली सीडीएस एग्जाम, अब 1 महीना बचा है, तो अब मैं रनिंग नहीं भाग सकता 21 किलोमीटर डेली, क्योंकि मेरी बॉडी थक जाएगी। आई वॉन्ट बी एबल टू रिवाइज, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। मैं करंट अफेयर्स को अभी 2-2 घंटे टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि अभी मेरा रिविजन का टाइम है, मैं दोस्तों के साथ अभी गेड़ी मारने नहीं जा सकता। सो इट्स बेसिकली यू मेक योर प्लान अकॉर्डिंग टू योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, कि मुझे कब किस टाइम पे क्या करना है। मूवी देखना अभी इज ओके, लेकिन आपका 10 दिन बाद सीडीएस और आप मूवी पेल रहे हो, तीन तीन वेब सीरीज देख रहे हो, के ड्रामा देख रहे हो। सो एक वो वाली चीज है कि वो चीज गलत नहीं है, वो चीज सही है, लेकिन आपका टाइम डिसाइड करता है कि किस टाइम पे क्या करना। अब रूटीन की बात करूं तो रूटीन में मेरा जो रूटीन रहता था, गांव में था मैं प्रॉपर, है ना, और आपने बहुत फैला दिया वो भैंसों का, अरे ये वो बैच में भैंस। पूछ रहे थे कि सर वो डेली क्या करता था तुषार, मैंने कहा बैच ना लाता था, वही करो, खरीदो बैच वैस। हाँ तो चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि रूटीन क्या था। सो जब मेरा पीक टाइम रूटीन था, मैं बताऊंगा फेलियर भी आते थे इसमें, जो मेरा पीक टाइम रूटीन था वो था कि 4:30 बजे उठता था मैं, और मेरी ऐसी नींद हो गई थी कि वो 4:15 पे खुल जाती थी अपने आप। फिर भी मैं ये सोच के सोता था कि चलो अभी 15 मिनट सो जाता हूँ, फिर 4:30 उठ के उठा, फ्रेश वगैरह हुआ, दोस्तों की कॉल आनी शुरू हो गई कि हाँ भाई तुषार भाई आ रहे हो, तो उनके साथ फिर रनिंग करने जाना रोड पे, वहाँ काफी बंदे थे जो साथ भागते थे, हम उनके साथ रनिंग हुई। तो भाई 7 अराउंड 2-2.5 घंटे बाद आता था मैं घर, तो 7 बजे घर आ गया। अब मैं 7 बजे घर आया हूँ, रनिंग करके थका हुआ हूँ, पसीने में पूरा भीगा हुआ हूँ, मुझे दो तीन चीजें दिखती थी कि मेरे पापा ऑफिस जा रहे हैं, है ना, उनकी जाने की तैयारी में मम्मी लगी हुई है कि भाई खाना बना दिया है ना, और आपका बेसिकली उनका पैक वगैरह कर दिया, उनके घर के खाने के लिए खाना बन रहा है, मेरी बहन भी उसी काम में लगी हुई है। सो मेरा ये होता था कि चलो ठीक है, मैं पसीने में ऑलरेडी हूँ, है ना, मैं भीगा हुआ हूँ, अभी अब नहाने वाला हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि जो हमारी मतलब भैंसे हैं उनको पानी पिला दूंगा, मम्मी वहां लगी हुई है, मैं ये काम कर देता हूँ, उनको पानी पिला दो, अगर आपका मूड है अच्छा तो उनको नहला दो आप, पापा की बाइक है वो साफ कर दो, उस पर जो धूल मिट्टी लगी है वो हटा दो आप, फिर अगर पापा के जूते पॉलिश नहीं है तो वो टाइम निकाल के वो कर दो, या फिर पापा खुद भी बोल देते हैं कि यार मेरे जूते मिट्टी वगैरह हो गए ना, थोड़ा पॉलिश कर दो, वो कर दो आप। सो बेसिकली मेरा क्या होता था कि जब तक पापा जाते थे मैं ये काम करता था, नहा धो लिया, फिर मैं कुछ खाता था अपना अपने डाइट के हिसाब से, और फिर 9 बजे से मैं पढ़ने बैठता था, 9 से 12 एक वो रहता था मेरा स्टडी, वो था सिर्फ इसके लिए, रिटर्न के लिए, चाहे वो कोई भी हो, सीएपीएफ हो या सीडीएस हो, फिर 12 से 1 मैं कोई करंट अफेयर की या तो वीडियो हो गया है
है ना, या फिर वही मैं जो जर्नलिज्म की बात कर रहा था कि भाई आप चैनल भी देख सकते हो, है ना, आर्टिकल हो गया वो पढ़ लो, उसके लिए देता था 1 घंटा। वो 3 घंटे हैं वो प्लान में अकॉर्डिंगली करता था कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, वो अलग वो होता था, लेकिन ये था स्केड्यूल। उसमें अगर बीच में मेरा मन कर रहा है कि नहीं अब थोड़ी देर रेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 10 मिनट के लिए उठूंगा अपनी दादी के पास जाके बैठ जाऊंगा, 10 मिनट के लिए उठूंगा अपने भाई बहनों के, छोटे भाई बहन है उनके पास जाके बैठ जाऊंगा मजे लेने के लिए, और क्या चल रहा है क्या कर रहे हो, है ना, उनसे हंसी मजाक कर लो, मम्मी बैठ जाऊंगा, है ना, उनसे फिर क्वेश्चन करना कि हाँ कैसे चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो, है ना, क्या प्लान है अभी आगे के, ये सब हाल चाल बेसिकली पूछना। सो 10 मिनट आप फोन में वेस्ट नहीं कर रहे, आप फैमिली के साथ बिता रहे हो। हो गया फिर 1 बज गए, फिर आप लंच करता था थोड़ी देर, फिर थोड़ा रेस्ट लेता था। मैंने एक चीज मास्टर कर ली थी पावर नैप, उस टाइम पे आधे घंटे सोता था, आधे घंटे में नींद पूरी हो जाती थी मेरी। सो पावर नैप ले ली एक, खाना खाने के बाद नींद आती है। अगर आपको लगता है कि सोना नहीं है तो आप इंटरेस्टिंग चीजें देख लो, क्योंकि पढ़ने बैठोगे नींद आएगी। सो यूट्यूब पे जो अच्छी अच्छी वीडियोज हैं वो देख लो, बेसिकली जर्नलिज्म की, जियो पॉलिटिक्स की, जो अच्छे से समझाते हैं। फिर उसके बाद उठता था मैं, थोड़ा हाथ मुंह धोए और फिर पढ़ने बैठ गया। सो पढ़ा फिर 2 घंटे, फिर शाम को फिक्स था 4 बजे मेरा एक काम। अच्छा हाँ, दिन में मैं एक चीज भूल गया, दिन में भैंसों को पानी भी मुझे ही पिलाना होता है, क्योंकि गर्मी होती है और मम्मी और मेरी बहन गहरी नींद में, तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो उसके लिए टाइम निकालना होता था 12 साढ़े 12 बजे, कि हाँ भाई उनको प्यास लग रही है। सो फिर शाम को मेरा एक काम है, जो चारा वगैरह होता है उनका, वो लेके आना, वो काटना, और करना ना बरसीन करना या वो, क्या बोलते हैं ना, बरसीन बोलते हैं उसको। अच्छा नहीं, घास होती है, ज्वार होती है और भूसा होता है, ये सब चीजें जो वो खाते हैं, तो उसका ध्यान रखना। फिर वो कर खिला तो कोई भी देगा, मम्मी खिला देंगी, बहन या फिर मैं। फिर वापस में 1 घंटे पढ़ता था कुछ भी, फिर मैं जाता था 5 बजे से लेके 6 या 6:30 या 7 बजे तक दोस्तों के साथ, मतलब बकैती करने, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये कि हाँ भाई मजे लो, हंसी मजाक, और उनके बारे में जब मुझे कोई चीज बतानी होती थी, या फिर वो मेरे बारे में चीज बताते थे, या फिर कोई सजेशन देना कि यार ये हो रहा है वो हो रहा है, वो चीजें होती थी, लेकिन मेन तो पर्पस ये था कि घूमने जा रहे हैं, गेड़ी मारने और अपना दोस्तों से बातचीत करनी। करेक्ट। वापस आते ही मैं 1 घंटे करंट अफेयर्स को देता था, दृष्टि आई एस साइट से मैं करंट अफेयर पढ़ता था, अपने आप को अवेयर रखने के लिए, ना कि अपने पेपर के जनरल लिए। अवेयरनेस के लिए। करेक्ट। जो पेपर के लिए है वो आपके उन्हीं 3 घंटों में है, जो मान लो आपकी मैंने वीडियोस देखी सीरियल चलनी, नोट्स बनाने हैं, तो वो उन स्टडी आवर्स में है, ये है मेरे लिए। उसके बाद पापा आ जाएंगे, तो पापा के लिए चाय बना देना, और अगर अल्टरनेट डेज पे क्या होता है कि पापा के कपड़े आयरन होते तो वो मैं ही करता हूँ, सो वो करना अगर उस दिन डे है। पापा आ गए, फिर खाना वगैरह होता है, हम अपने हिसाब से खाना वाना खाते हैं जिसको जब भूख लग रही है, लेकिन हम उस टाइम साथ होते हैं कि हाँ भाई एक दूसरे के पास बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं। सो उसके बाद 8 से 8:30 या 8-9 बजे आप फ्री हो चुके हो, तो मेरा टारगेट रहता था कि 11 बजे सो जाऊं, जिससे लगभग 5 या 6 घंटे की नींद मुझे मिल जाए आराम से। तो वही है, फिर दोबारा 1-2 घंटे या 1.5 घंटे का पढ़ाई का सेशन होके सो जाता हूँ मैं। सो इस रूटीन में एक चीज आप देख रहे होगे कि पढ़ाई के लिए भी टाइम है, फैमिली के लिए भी टाइम है, घर के कामों के लिए भी टाइम है, और जो पर्सनल लेवल पे चीजें कनेक्शन बनाती हैं, जैसे पापा का छोटा मोटा काम कर देना, बाइक की सर्विस करवा देना, यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। फिर घर में छोटी छोटी चीजें, जैसे भाई का एडमिशन करवाना है, वो ड्यूटी पापा की है, लेकिन यू आर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलो ठीक है ये काम मैं देख लूंगा, आप अपना बस इनपुट देना कि हाँ ये और हो सकता है, भाई बहन की करेक्ट। एजुकेशन हो, है ना, वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, मम्मी बीमार हो गई, पापा बीमार हो गए, या फिर कुछ भी हो गया, या फिर कोई फंक्शन है, तो वहां पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो। फिर डेली आपके पास दोस्तों के लिए भी टाइम है, भले ही वो आपको लगेगा टाइम वेस्ट है यार, दोस्त मेरे ऐसे हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप दे रहे हो। मैं जब CDS पास आ गया तब मैं मना कर देता था कि यार पेपर है मेरा, चल अभी बाद में करते हैं, लेकिन जब आप दे सकते हो तो भाई दो उनको टाइम, है ना, आप सोशली भी एक्टिव हो, आपको चीजें पता रहेंगी आसपास की। फिर पर्सनल चीजें, जैसे मेरी फिटनेस हो गई, मेरी जनरल अवेयरनेस हो गई, बीच में जब मैं SSB की तैयारी करता था तो नरेशन करता था मैं, वो कम्युनिकेशन के लिए था, बीच बीच में मूवीज देख लेना, उससे मेरी कम्युनिकेशन ठीक हुई है काफी। सो ऐसी चीजें होती थी। अभी जो पढ़ने के आवर्स हैं वो तो डिफाइंड है ही 8-9 घंटे, लेकिन जो और भी हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलप करवा रहे बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है हैं। जानना कि ये एक आइडियल रूटीन है, ठीक है, जो आप फॉलो करते थे, लेकिन इसमें फेलियर्स भी रहे होंगे। ऐसा नहीं कि डेली ये बिल्कुल चीज़ फॉलो होते हैं। तो बच्चों को ये जानना बहुत ज़रूरी है यार कि कोई भी दिन आपका परफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। आपने कुछ प्लान किया है, अगर आप उसका 80%, 85% भी अचीव कर पा रहे हो, तो
तो एक इट इज़ एन अचीवमेंट, ठीक है, आप उसमें खुश रहो, अगले दिन थोड़ा और इंक्रीज करो, तो ऐसा डायरेक्टली आपका परफेक्ट नहीं होने वाला है, राइट? देर इज नो परफेक्ट रूटीन भैया, सीधी सी बात ही है। और एक और मैं वो बताता हूँ कि इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी, कि आपकी एक पर्टिकुलर टाइम पे एफिशिएंसी कितनी है। मैं एक टाइम पे बहुत रन करता था, अभी नहीं कर पा रहा, अभी मैं लेस एफिशिएंट हूँ। हो सकता है आपने एक दिन बहुत जम के पढ़ाई करी, अगले दिन ड्यू टू एनी रीजन, मे बी इंटरनल मे बी एक्सटर्नल, हुई नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब हो, करेक्ट. वो लोड अगले दिन पे कैरी नहीं होना चाहिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो चॉइस आपकी है कि आप दूसरा दिन भी उसकी उसी के चक्कर में खराब कर रहे हो। होता था कि पढ़ाई नहीं होती थी, एक दिन मूवीज के चक्कर में निकाल दिया, घर वालों ने कोई काम दे दिया उसी में चला गया, और वो काम मेरा था भी नहीं लेकिन करना पड़ा। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप वो चीज कैरी फॉरवर्ड करते रहो, हर उसमें एक हफ्ते बिता दिए, 2 महीने बिता दिए वेस्ट करते करते, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है. तो जो मैंने सीखा तुषार आपसे या लाइफ में यार, कि कंप्लेन नहीं करना यार अपने को, ठीक है, लगेगी भाई लाइफ में गिरेंगे हम, ठीक है, हम सब फेस करते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन रोना नहीं है, ठीक है, उठना है, लड़ना है, और बस जो चाहिए उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है. कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है कि आपको कोई आके देने वाला नहीं है, ठीक है, आपको उठाएगा रात में 2 बजे और आपको कोई कुछ दे के जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. और एक जो लाइन मैंने कई बार बोली है, खासकर जो लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते अपनी पढ़ाई को, सिर्फ इतना जान लो यार कि आपकी पढ़ाई, आपका करियर आपको रात के 2 बजे नहीं उठाएगा और आपसे ये नहीं बोलेगा कि वो आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है, ये कोई इंसान ही बोलेगा आपसे. तो प्रायोरिटाइज करना है राइट नाउ जो चीज़ें आप कर रहे हो. तुषार इज नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, राइट, वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी. तुषार नाइस टॉकिंग टू यू, आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है जो हमें हाँ लगता है कि भैया, बच्चों को चाहिए था. एंड तुषार टू यू ऑल द बेस्ट यार, ट्रेनिंग में अच्छा करना. और एक चीज़ जो थैंक यू लाइफ भैया। में जो मैंने कोशिश की आपको सिखाने की, या जो आपने सीधे जर्नी में सीखा है, फैमिली सबसे ऊपर, ठीक है, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में केवल वो लोग हैं, राइट, और डेफिनेटली आप में वो चीज़ है यार, तभी आप वहाँ पे हो, ठीक है. तो लाइफ में तुम कुछ भी बन जाना, ठीक है, तुम आज ऑफिसर अफसर बनने वाले हो, लेफ्टिनेंट बनोगे, जो भी तुम बन जाओगे यार, ठीक है, आप 21 साल के हो एंड आई एम एक्सपेक्टिंग आई एम टॉकिंग टू अ मे बी फ्यूचर जनरल, ठीक है, राइट. सो आप कुछ भी बनो लाइफ में, लेकिन ये चीज़ ना हमेशा ध्यान रखना कि पैर जमीन पे यार, ठीक है, लाइफ में बिल्कुल कोई अगर आपको मिलता है छोटा आपसे बड़ा किसी भी वे में, एज में, फाइनेंशियल चीज़ों में, कोई भी, ठीक है, उसको छोटा नहीं समझना है, अपने बराबर समझना है, इक्वली रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, और वो चीज़ आप करते हो, आई अंडरस्टैंड, ठीक है. सो थैंक थैंक यू यू सो भैया, मच फॉर योर टाइम यार, एंड आगे भी थैंक यू कुछ भैया, डाउट अगर प्लेजर इज होगा, ऑल माइन। थैंक यू, एंड बिल्कुल अगर बिल्कुल कोई सजेशन देना हो सीडियस जर्नी को, यू कैन गिव यार, मेरे को भी या फिर सीडियस जर्नी को प्रॉपर. नहीं नहीं भैया, आप बहुत अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। अबे मुंह तो बोलोगे यार, मुंह पे तो इवन मुझे बोलोगे ये होता है कि मतलब ही. पहले कर लेना चाहिए था, बट ठीक है आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन एक वही है कि बस बच्चे ना क्लैरिटी हो ना उनमें, क्योंकि एयरफोर्स में मेरा इसलिए नहीं हुआ, मुझे क्लैरिटी नहीं है एयरफोर्स ज्वाइन करने। सबको क्लैरिटी होनी चाहिए, हर चीज की क्लैरिटी होगी। आप एक बंदे के पीछे लग जाओ, तैयारी करो भाई, निकल जाओगे आगे। सो करेक्ट. यस इट इज लाइक दैट, और वो बंदा कोई हो सकता है यार, सिर्फ मैं नहीं, ठीक है, इस इंटरव्यू के कोई भी माध्यम भैया। से मैंने ये कोशिश की आपको बताने की कि कोई और आपका पेपर क्लियर नहीं करा सकता, कोई आपकी बस हेल्प कर सकता है, ठीक है, एट द एंड पढ़ाई आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है, और अगर वो कर रहे हो तो भाई टाइम लगेगा, मे बी आज नहीं 2 दिन बाद, ठीक है, तो शार एग्जाम्पल है उसका, हर स्टेज पे फेल होने के बाद आज जो भी बोल रहे हैं आप सुनोगे इसीलिए, ठीक है, तो बस लग जाओ, एंड बाकी कुछ डाउट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट, मैं पूछ लूंगा तुषार से. चलो थैंक यू सो मच भाई, 5 को मिल रहा है ना, बिल्कुल भैया बिल्कुल, आना ड्रॉप ठीक करने। है, चलो ओके, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच. थैंक यू भैया।